Students, Dikshit, Tewari, और आज का जो वीडियो है वो बहुत स्पेशल वीडियो है क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि हम इसमें क्या सॉल्व करवाने वाले सैंपल पेपर यस तो ये सैंपल पेपर जो है वो है 2022 2023 के लिए स्पेशली डिजाइन और जिसका सॉल्यूशन हम फटाफट से देने वाले मैम तो बिल्कुल देर नहीं करते yes, हैं yes. और yeah, स्टार्ट और करते हैं है आपको? Yes. तो कुछ इंस्ट्रक्शंस पहले हम बता देते हैं

आपके सामने जो ये क्वेश्चन है द चेंज इन कलर ऑफ द मोइस्ट लिटमस पेपर इन द गिवन सेटअप इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड या प्रेजेंस ऑफ बेस या प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन इन सॉल्यूशन या प्रेजेंस ऑफ लिटमस व्हिच एक्ट एज एन इंडिकेटर कहने का मतलब है है कि जो MCQs पूछा गया इसमें सबसे पहले आपको ध्यान देना है किसमें लिटमस पेपर पे लिटमस पेपर का वर्क आपको पता था क्या एसिड के साथ की क्या करता है कि लिटमस पेपर जो यदि ब्लू लिटमस पेपर है यदि वो रेड हो जाता है तो मतलब एसिड है ओके और रेड यदि ब्लू होता है तो ये आपको पता है कि बेस है यहां पे बात आई है मॉइस्ट लिटमस पेपर लिखा है द चेंज इन कलर ऑफ द मॉइस लिटमस पेपर इन दिवन गिवन सेटअप इज ड्यू टू तो क्या है कि जब मॉइस लिटमस पेपर लिया हुआ है तो क्यों लिया हुआ है मॉरिस लिटमस पेपर क्योंकि कहीं ना कहीं हमें जो बताना है यहां पर वो इसलिए चीज देखनी है कि हम जानते हैं कि यदि फॉर्म में आपके सामने है ठीक है तो क्या होगा वो बिल्कुल भी कहीं भी क्या होगा एसिड बिहेवियर ऐसा शो नहीं करेगा जब तक क्या है वो किसी एक सोल्यूशन स्पेशली किसी नहीं बोलेंगे हम वाटर जैसे हमारा एक्वे सोल्यूशन है तो एक्वे सोल्यूशन के साथ जब वो हाइड्रोजन आयंस देते हैं तब क्या कहलाते हैं वो एसिड कहलाते हैं यही चीज है तो यहां पर लिटमस पेपर लेने का सिर्फ और सिर्फ रीजन यही था क्योंकि देखिए यहां पे लिखा है ड्रॉपिंग कंटेनिंग कॉन्सेंट्रेटेड एस टू एसओ फोर आपके सामने यहां पे दिख रहा है। टेस्ट ट्यूब सोडियम क्लोराइड यहां पे सोडियम क्लोराइड लिया हुआ है इसका मतलब आपको क्या दिख रहा है कि यहां पे यदि आप देखिए तो एक चीज बोला जा रहा है क्या एस टू फोर बोला जा रहा है यहां पर और दूसरा चीज क्या बोला है? टेस्ट में क्या है सोडियम क्लोराइड है क्लियर है जो गैस बन रही है एस सी एल गैस यदि बन रही है तो ये एस सी एल गैस यदि बनती है तो गैस सिंपल यदि बात की जाए यदि गैस के फॉर्म में है तो कोई भी एसिड बिहेवियर नहीं शो करेगा तो जब हम इसके पास में लेकर कर जाएंगे क्या हम इसके पास में लेकर जाएंगे यदि मॉइस्ट लिटमस पेपर तो मॉइस्ट क्या है एक्वस हो गया सॉल्यूशन के फॉर्म में हो गया मतलब कि उसमें पानी आ गया है और जब पानी आएगा तो एसिड क्या होगा हाइड्रोजन आयन वेरी इजीली गिव करेगा देगा है ना तो अब ऑप्शन को देखो ऐसा कहीं कुछ दिख रहा है प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन इन दी सॉल्यूशन तो ऑब्जेक्टिव में आपका जो ऑप्शन है वो क्या रहेगा थर्ड ऑप्शन रहेगा कि क्या बोलेंगे हम हाइड्रोजन मतलब मतलब आयन को क्या करेगा देगा। और जब जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन देगा वो क्या होगा हमारा एसिड कैरेक्टर का होगा तो यहां पर इसलिए मोइस लिटमस पेपर लिया गया था तो इसका ऑप्शन आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे आंसर में देखना चाहेंगे तो देखिए आंसर लिखा हुआ है ओनली थ्री नाउ अब यहां नेक्स्ट क्वेश्चन है इन दी रिडो रिएक्शन तो पहले तो हम जाने इज रिएक्शन जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जो होता है वो साइमल्टेनियसली हो रही होती है तो, तो क्या बोलते हैं हम रिडोक्स रिएक्शन बोलते हैं अब यहां पे आपके सामने एक रिएक्शन दिया हुआ है एम एन ओ टू प्लस फोर एस सी एल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बन रहा है MnCl2 एन सी और Cl2 एल टू यहां पर हम दो चीज ध्यान देंगे एक पहले हम देख लेते हैं MnO2 का और ये देखिए MnCl2 और एक कंडीशन अपने फोर एस सी एल और सी एल टू ये कंडीशन देख रही है एम एन ओ टू इज रिड्यूज टू एम एन सी एल टू एंड एस सी एल इज ऑक्सीडाइज टू सी एल टू फिर सी ऑप्शन है एम एन ओ टू इज ऑक्सीडाइज टू एम एन सी एल टू And SCl is reduced to Cl2, ठीक है या MnO2 is ओ to MnCl2 and टू is reduced to एल टू मतलब यहाँ आपको दो चीजें बहुत दिख रही हैं, एक ऑक्सीडाइज और दूसरा क्या Reduced. तो पहले तो अपने को ये concept clear करना है कि भाई ये होते क्या हैं?

कोई भी सबस्टेंस ऑक्सीडाइज कब होगा जब यहां पर जो स्टेज होगी वो हमारी कैसे होगी एक तो होगा जब हम बोलेंगे क्या इट गेन इट गेन्स ऑक्सीजन क्या होगा ऑक्सीजन गेन करेगा या सेकेंड होगा ऑक्सीडाइज केस में जब क्या बता रही कोई भी सब्सटेंस जब ऑक्सीडाइज होता है तो क्या कंडीशंस होंगी इट गेन्स ऑक्सीजन या इट लॉसेस इट लॉसेस हाइड्रोजन और इट लॉसेस इलेक्ट्रॉन्स ठीक है ऐसे इलेक्ट्रॉन शो कर दिए यह कंडीशन है कि कब जब कोई भी सब्सटेंस क्यों हो रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है अब रिड्यूस्ड कब होगा रिड्यूस्ड कब होगा जस्ट इसके अपोजिट चले जाए हम अपोजिट क्या इट लॉसेस ऑक्सीजन यहां पे लॉसेस था तो गेन हो जाएगा इट गेन्स हाइड्रोजन देन थर्ड है इट लॉसेस यहां इलेक्ट्रॉन था तो इट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स ठीक है ये चीजें आपको ध्यान देनी है तो आपको समझ में आ जाएगा मतलब ऑक्सीडाइज क्या होंगे या ऑक्सीजन गेन कर रहे हैं या लॉस कर रहे हैं हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन को तो अब हम देख इनको देखते हुए यहां पर ध्यान देंगे कि यहाँ क्या होना चाहिए तो अब यहां पर हम देखते हैं चलिए रेड कलर ही लेते हैं एम एन ओ टू देखिएगा एम एन ओ टू से एम एन सी एल टू दिख रहा है यहां पर एम एन ओ टू है और ये देखिए एम एन सी एल टू है इसमें देखिए तो एम एन ओ टू यहां से ऑक्सीजन जो है देखिए क्या है? हो रहा है ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है हो रहा है ऑक्सीजन का देखिए लॉस हो रहा है और यहां पे देखिए सीएल टू से जोड़ रहा है मतलब कि यहां ऑक्सीजन का लॉस हुआ ऑक्सीजन का लॉस होने का मतलब क्या है रिड्यूस्ड क्लियर है इसका मतलब हुआ एम एन ओ टू रिड्यूस्ड ठीक है रिड्यूस कर रहा है किसमें टू एम एन सी एल टू क्या ऐसी कंडीशन यहां कहीं दिख रही है एम एन ओ टू इज रिड्यूस टू एम टू इवन यहां पे भी दिख रहा है इधर भी दिख रहा है हमें दो जगह यहां पे दिख रहा है तो मतलब इन दोनों में से ही कोई ऑप्शन है इसका मतलब आप ये दो नहीं होंगे अब नेक्स्ट दे, देखते हैं यहां देखिए है और ये Cl2 है यहां पे देखिए हाइड्रोजन था और यहां से हाइड्रोजन गायब हो गया सीएल टू में मतलब लॉस ऑफ हाइड्रोजन लॉस ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या है ऑक्सीडाइज्ड तो यहां आप देख रहे हैं क्या सिंपल सा एस सी एल इज ऑक्सीडाइज टू किसमें कन्वर्ट हो रहा है सीएल टू में हो रहा है तो देखिए ऑप्शन में क्या दिख रहा है यहां लिख रहा है औ, नहीं भाई, ये तो नहीं होगा मतलब कैंसिल हो गया नेक्स्ट है एस सी एल इज ऑक्सीडाइज टू सीएल टू हाँ भाई यहां पे दिख रहा है देखिए एस सी एल इज ऑक्सीडाइज टू सी एल टू मतलब कि हमारा राइट right आंसर क्या होगा राइट आंसर इज बी क्लियर है राइट right आंसर हमारा क्या है बी रहेगा ये ध्यान रखिएगा तो ये अब आपको क्लियर हो गया होगा इसमें कोई कंफ्यूजन भी आपको नहीं आ रहा होगा चलिए तो क्लियर है आंसर हमारा तो अब एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं इन द रेडॉक्स रिएक्शन ये है रिडॉक्स रिएक्शन और आपसे पूछा इन चारों में से कौन सी कंडीशन है तो आप कौन सा बताओगे बी वाला वाई बी बिकॉज़ देखिए MnO2 रिड्यूस यहां पे दिख रहा है आपको रिड्यूस हो रहा है MnCl2 में किसमें हो रहा है MnCl2 में हो रहा है रिड्यूस और एस देखिए ऑक्सीडाइज हो रहा है किस में, में. और क्यों क्यों रिड्यूस होते होते हैं क्यों होते हैं मैंने आपको बता दिया उसको आपको माइंड में रखना है और उसके बाद इसको क्या करेंगे आप करेंगे तो ये हो गया चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं यहां आंसर आपको दिखा देते हैं एक बार MnO2 इज रिड्यूज टू एम एंड इज टू मतलब बी वाला ऑप्शन रहेगा क्या रहेगा बी वाला ऑप्शन नाउ नेक्स्ट विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द रिएक्शन शोन इन दबॉव सेटअप इनमें से कौन सा है जो ऑब्जर्वेशन बोल रहे हैं वो सही होगा तो पहले तो भैया हम यहां देख लेते हैं यहाँ हो क्या रहा है यहां हमें दिख रहा है कि मैग्नीशियम रिबन है यहाँ ये टोंग है उस रिबन को लिया है और देखिये बर्नर फ्लेम में क्या कर रहे हैं उसको बंद कर रहे हैं ये वॉच ग्लास है और यहां पे देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है मतलब जो रिएक्शन हो रही है वो ये हो रही है कि मैग्नीशियम बर्न हो रहा है इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और बन रहा है क्या एम जी ओ चलो भाई इसको हम बैलेंस कर लेते हैं बैलेंस कर लिया यही कंडीशन हो रही है अब हमसे क्वेश्चन पूछा है क्या विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द रिएक्शन शोन इन दी अब ब्राउन पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड नहीं भाई बिल्कुल नहीं मिलेगा कलरलेस गैस विच टन लाइम वॉटर मिल्कि इज इवॉल्व नहीं फिर लिखा है मैग्नीशियम रिबन बर्न विथ ब्रिलियंट व्हाइट लाइट ये सच्चाई है कि वो कैसे बर्न करेगा ब्रिलियंट व्हाइट लाइट के साथ बर्न करेगा तो आंसर जो हमारा आएगा वो क्या आएगा जब बर्न होगा वो ब्रिलियंट व्हाइट लाइट के साथ बर्न होगा और क्या बनाएगा प्रेसिपिटेट बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्लियर है तो ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन क्या रहेगा सी ऑप्शन रहेगा चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं तो आंसर देख लीजिए भाई मैग्नीशियम रिबन बन विद ब्रिलियंट व्हाइट लाइट ओके नाउ अब आपके सामने देखिए एक टेबल है बहुत समझना है बच्चों बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है बहुत ही इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन आए थे भाई विद रिफ़रेंस ऑफ फोर गैसेस आपके सामने ये चार गैसेस हैं एक है कार्बन डाइऑक्साइड एक है कार्बन मोनोऑक्साइड एक है क्लोरीन और एक है क्या ऑक्सीजन तो देख लेते हैं क्या होता है अब ये पूछा है आपसे विच वन ऑफ द ऑप्शन इन इज करेक्ट भाई हमें दिए हैं चार गैसेस और हमसे पूछा गया है कि इन चारों गैसेस को देखकर आपको क्या बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा तो चलिए पहले देखते हैं क्या यहां पे नाम दिया है एसिडिक ऑक्साइड कह रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड लिया हुआ है सीओ टू लिया हुआ है सीओ टू और सीओ एसिडिक ऑक्साइड बोल रहे हैं फिर बोल रहे हैं यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ वॉटर इनमें से कौन से है जो ट्रीटमेंट वॉटर के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं वो ऑप्शन में दिए हैं, फिर है प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन इन चारों में से यदि प्रोडक्ट जो भी रेस्पिरेशन का उसपे ध्यान देना है फिर लिखा है प्रोडक्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबल तो एक एक को हम लेके चलते हैं पहला बात बोला एचिक ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड के यदि हम बात करते हैं तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है क्या है ये ये एक एसिडिक ऑक्साइड है क्योंकि आपको पता है कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं एसिडिक ऑक्साइड होते हैं और व्हेन दे विल रिएक्ट विद वाटर ये वाटर से रिएक्शन करते हैं तो ये क्या बनाते हैं ये कार्बोनिक एसिड बनाते हैं क्या बनाते हैं कार्बोनिक एसिड बनाते हैं तो अब हमें क्या देखना है ऑप्शन में सीओ टू कहा, कहा है तो देखिए सियो टू दो जगह है एक तो सीओ टू अपने को दिख रहा है यहां पर और हम दूसरे कलर से देख लेते हैं CO2 अपने को कहा दिख रहा है और CO2 हमको दिख रहा है यहां पर यहां दो जगह CO2 दिख रहा है मतलब कि जो ऑप्शन है वो हम दोनों इन दोनों में से कोई एक होगा पहले दिमाग में लेके चलना है दूसरा आप देख लेते हैं क्या बोला है यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ वॉटर देखो वॉटर की ट्रीटमेंट में यूज करते हैं क्लोरीन को सिंपल सी बात है ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है क्लोरीन को यूज करते हैं किसमें किसी भी वाटर की ट्रीटमेंट में इसको यूज किया जाता है तो यहां पर देखिए क्लोरीन किसमें आ रहा है यदि ये राइट था तो क्लोरीन देखिए यहां आ रहा है मतलब मैं रेड कलर से ही ले लू ये देखिए क्लोरीन आ गया मतलब अब तो इतना समझ में आ गया कि बी कहीं तक राइट आंसर है बट थोड़ा और देख लेते हैं प्रोडक्शन ऑफ रेस्पिरेशन मतलब प्रोडक्ट ऑफ सॉरी प्रोडक्शन प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन जैसे कि आप जानते हैं रेस्पिरेशन की जब प्रोसेस होती है तो हमें दो चीज की जरूरत पड़ती है एक तो क्या होता है आपको खुद पता है कि C6, H12, के फॉर्म में रहता है मतलब एनर्जी के फॉर्म में रहता है प्लस हम लेते हैं क्या ऑक्सीजन और फॉर्मेशन किसका होता है सीओ टू का फॉर्मेशन होता है यही होता है ना सीओ टू गैस रिलीज होती है तो का हम सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन ले रहे हैं और रिलीज क्या होती है कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि रेस्पिरेशन प्रोसेस में तो तो यही होता है तो इसका मतलब प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड तो देखो भाई यहां पर कहां मिल रहा है ये देखो सीओ टू मिल रहा है अब नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबेंशन भाई कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है इनकम्प्लीट कंबंशन को शो करता है तो हमारा आंसर क्या होगा जल्दी बताओ हमारा आंसर होगा बी क्लियर है यहां पर है एसिडिक ऑक्साइड में CO2 का नाम आ जाएगा बिकॉज एसिडिक ऑक्साइड जो है वाटर से रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा एसिड का फॉर्मेशन करेगा ये देखिए क्या है क्लोरीन जो कि वाटर के ट्रीटमेंट में यूज होता है CO2 टू एज अ प्रोडक्ट रेस्पिरेशन में मिलता है और इसके अलावा प्रोडक्ट ऑफ इनकम्प्लीट कम्बेंशन क्या है सी तो हमारा आंसर क्या होगा बी ऑप्शन रहेगा तो चलिए देख लेते हैं यस बी ऑप्शन है हमारा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट है ऑन प्लेसिंग अपर कॉइन इन अस्ट ट्यूब कंटेनिंग ग्रीन फेरअ सल्फेट सोलूशन इट विल बी ऑब्जर्व दल्फेट सोल्यूशन अब ये चार आपके पास कंडीशन है पहले तो हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं लिखा है ऑन प्लेसिंग अ कॉपर कॉइन इन अ टेस्ट ट्यूब मतलब टेस्ट ट्यूब में किसको डाला है कॉपर कॉइन को डाला है, है। फिर क्या लिखा है ग्रीन फेरस सल्फेट सॉल्यूशन उसमें था तो अब इस काम करते हैं सिंपल सा रिएक्शन के फॉर्म में देखते हैं कॉपर था और यहां पे बोल रहे हैं क्या है फेरसल सल्फेट है यही चीज है सोल्यूशन में डाला गया अब बोल रहे हैं कि क्या ऑब्जर्वेशन आपको दिख रहा है क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हो ऑब्जर्व करने की बात में इन्होंने ये बोला है कि ट्रू सॉरी टर्न ब्लू एंड ग्रे सब्सटेंस इज डिपॉजिटेड ऑन द कॉपर कॉइन मतलब कि कैसा कलर हो जाएगा मतलब कि ब्लू एंड ग्रे सब्सटेंस होगा वो डिपॉजिट हो जाएगा कॉपर कॉइन के ऊपर या टर्न कलरलेस एंड ग्रे सब्सटेंस इन डिपॉजिटेड ऑन तो द कॉपर कॉइन मतलब इसमें भी कोई ना कोई कलर कलर जो सब्सटेंस है वो आ, क्या हो रहा है डिपॉजिट हो रहा है फिर टर्न कलरलेस एंड रेडिश ब्राउन सब्सटेंस इज डिपॉजिटेड ऑन द कॉपर कॉइन मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा है कलर चेंज हो रहा है और वो सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है फिर चौथा बोला रिमेन्स ग्रीन विद नो चेंज इन द कॉपर क्वाइन नो चेंज इन कॉपर कॉइन ठीक है अब मैं आपसे एक सिंपल सी बात बोलूंगी हम सिर्फ ऊपर का क्वेश्चन पे ध्यान दें ऑन प्लेसिंग अ अ कॉपर कॉपर कॉइन कॉइन तो copper coin था इन टेस्ट टेस्ट ट्यूब ट्यूब वो जिसमें क्या था ग्रीन फेरस सल्फेट सोलूशन था एफ एसओ फोर था मतलब आयरन सल्फेट था ठीक है हम क्या बोलेंगे एफ ई -E मतलब आयरन हो गया ठीक है सल्फेट था तो आपको पहली चीज देखना है यहाँ एक कॉपर है और एक यहां पे देखिए क्या दिया दे हुआ है मैटल का दिया हुआ है अब आप मुझे बताइए ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है है क्योंकि ये रिएक्शन जो है एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या बोलता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहता है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करेगा डिस्प्लेस करेगा लेकिन भाई कॉपर तो मोर more... लेस रिएक्टिव है और एफ जो है यहां पर वो मोर रिएक्टिव है देखिए आपके सामने रिएक्टिविटी सीरीज है जिसके लिए आपको सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज याद होना बहुत जरूरी है ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि यदि ये ध्यान नहीं है तो रिएक्शन पे कभी आप ध्यान और स्पेशली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है हमारा उसमें तो यही रोल है भाई हाईली रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस लो रिएक्टिव मेटल तो यहां पर देखिए कॉपर कॉपर देखिए कहां पर आ रहा है कॉपर आ रहा है ये देखिए और कॉपर जो आ रहा है और आयरन कहाँ है आयरन देखिए यहां पर देख रहा है सॉरी एल्यूमियम पे पहुंच गई मैम ये देखिए इसका मतलब है कि एफ जो है वो कहीं ना कहीं कॉपर से क्या है कॉपर से ज्यादा क्या है रिएक्टिव है अब कॉपर से ज्यादा यदि ये, ये रिएक्टिव है तो भाई जब ये लेस रिएक्टिव हुआ ये हाईली रिएक्टिव हुआ तो ये लेस रिएक्टिव इसको क्या डिस्प्लेस करेगा ये तो बिल्कुल चेंज ही नहीं होगा डट के खड़ा होगा कि आई एम रिएक्टिव आई एम एक्टिव आई एम बेस्ट हाउ कैन यू डू डेट कैसे मुझे डिस्प्लेस कर सकते हो कॉपर कुछ कर ही नहीं पाएगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगा नो रिएक्शन रिएक्शन होगा ही नहीं तो ऑप्शन देखिए रिमेन्स ग्रीन विद नो चेंज इन दॉपर कॉइन रिमेन्स ग्रीन विद नो चेंज इन दी कॉपर कॉइन कोई चेंज कॉपर कॉइन में नहीं होगा सिर्फ क्या होगा जो ये ग्रीन कलर का फेरस अल्फेर सोलूशन था उसी में कॉपर गया है कोई रिएक्शन नहीं होगा कोई डिपोजिशन नहीं होगा क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है और इसके कंपेयर में आयरन क्या है फी ज्यादा रिएक्टिव है और भाई लेस रिएक्टिव की इतनी हिम्मत नहीं है कि हाई रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सके तो आंसर आपके लिए क्या होगा आंसर विल बी डी क्लियर चलिए देख लेते हैं ऑप्शन आपकी नजरों में राइट right है कि नहीं ओके okay, चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है अनीता एडेड अ ड्रॉप ईच ऑफ डाइल्यूट एसिटिक एसिड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन पीएच पेपर एंड कंपेयर द कलर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कंक्लूजन देखिए यहां पे दो नाम आ रहा है एक आ रहा है डाइल्यूट एसिटिक एसिड एक तो ये एसिड है और दूसरा एसिड का नाम लिया है डायलूटेड क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड दो नाम है क्वेश्चन क्या है अनिता एडेड अ ड्रॉप किसका ड्रॉप ईच ऑफ़ डाइल्यूट एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस पे लिया? पीएच पेपर पे। जो ये पीएच पेपर होता है बच्चों ये एक यूनिवर्सल इंडिकेटर का, का काम करता है क्या है ये एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है ठीक है और हम ये जानते हैं कि जो पीएच पेपर होता है हम जब सेवन से नीचे जाने लगते हैं मतलब सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन तो ये क्या शो करता है एसिड और हम जब सेवन के ऊपर जाने लगते हैं तो ये क्या शो करता है बेस. क्लियर है? अब दूसरी चीज है आपको बोला है डाइल्यूटेड एसिटिक एसिड एसेट और डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसेट। तो दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है कि हमें देखना है विच वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड और विच वन इज वीक एसिड तो एसिटिक एसिड एसेट जो आपके सामने है ये क्या है ये वीक एसिड है ये क्या है वीक एसिड कहलाता है और डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड है तो जो जितना वीक होगा वो कहीं ना कहीं रेंज क्या होगी सिक्स फाइव फोर में आ जाएगी रेंज लेकिन जो जितना हाई होगा उसकी रेंज क्या होगी वन टू थ्री में होगी और मैं तो बोलती हूं हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो भाई वन नंबर पे आएगा बहुत ही स्ट्रॉग एसिड है मतलब कि वन की पोजीशन पे आ गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आपका यहां पे थ्री फोर फाइव सिक्स में कहीं ना कहीं वीक एसिड में नाम आएगा तो अब इतना सुनते हुए अब आप ऑप्शन देख लो पीएच ऑफ एसिडिक एसिड इज मोर देन डेट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब बोल रहे हैं कि जो एसिडिक एसिड acid का पीएच वैल्यू है वो ज्यादा होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कंपेयर में दूसरा है पीएच ऑफ एसिडिक एसिड इज लेस देन डेट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब पीएच का जो पीएच वैल्यू है एसिड 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 का वो लेस होगा हाइड्रोक्लोरिक से फिर डिसोसिएट कंप्लीटली इन एक्वा सॉल्यूशन ये बात नहीं होती है एसिडिक एसिड इज स्ट्रांग एसिड बिल्कुल भी नहीं भाई एसिडिक एसिड क्या है वीक एसिड है ये दो ऑप्शन तो गलत हो गए अब आपको ए और बी में देखना है तो क्वेश्चन यहाँ पे आंसर है पीएच ऑफ एसिडिक एसिड इज मोर देन डेट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड यस हम वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तक भी देख रहे हैं सेवन पे न्यूट्रल कंडीशन आ गई है वन नंबर पे जब एस है मैं बोल रही हूँ स्ट्रांग है और हमारा जो वीक uh, एसिड है वो कहीं ना कहीं फाइव या सिक्स या फोर पे आएगा कंडीशन पे तो जब वो ज्यादा ही तो हुआ पी वैल्यू तो हम क्या बोलेंगे पीएच वैल्यू ऑफ एसिडिक एसिड इज मोर देन डेट ऑफ एस तो ऑप्शन ये कहां दिख रहा है पीएच ऑफ एसिडिक एसिड इज मोर देन डेट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो ऑप्शन विल बी ए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा पीएच ऑफ एसिडिक एसिड इज मोर देन डेट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब ऑप्शन किसका है ये ए वाला ऑप्शन क्या है आपका राइट होगा क्लियर है तो इससे अपने को ये चीज क्लियर हो जाएगी नाउ ऑफ ये तो हो गया अब आपके सामने ये क्वेश्चन दिया समझना है बहुत अच्छे से पढ़ लिया है चैप्टर तो बिल्कुल टेंशन नहीं होने वाली है. और वन शॉर्ट वीडियो सारे रेडी है पूरे के पूरे टेंथ क्लास के सारे चैप्टर के वन शॉट वन वीडियो रेडी है आप उसको देखिए उसके बाद जब आप ये पेपर देखेंगे तो बहुत इजी लगेगा आपको मेरा ओके okay, अब यहाँ पे देखिए लिखा है क्या कि द फॉर्मूला ऑफ फोर ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके सामने चार ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपने कार्बन कंपाउंड चैप्टर पढ़ा हुआ है इसी से क्वेश्चन है तो लिखा है कि यहाँ पे आपके सामने चार ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए हुए हैं ए बी सी डी फॉर्म में अब आपसे पूछा है उन्होंने चूज द करेक्ट ऑप्शन इनमें से ऑप्शन करेक्ट कौन सा है तो देखिए ए ए ए बी बी आर हाइड्रोकार्बन देख लेते हैं भाई A तो है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है बी में देखिए यहाँ पे बी में कार्बन कार्बन के बीच में नहीं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में तो तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा ये ऑप्शन गलत हो गया नेक्स्ट देखते हैं सी एन डी आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सी यहाँ पे दिख रहा है देखो ये चुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ठीक है अब यहाँ पे डी में देखिए यहाँ पे क्या है क्या यहाँ पे देखिए एल्कोहोलिक ग्रुप भी जुड़ा हुआ है तो यह भी पॉसिबल नहीं हो रहा है फिर है को ले लो भाई ए को मैंने ले लिया क्योंकि ए टू सी में कन्वर्ट कर रहे हैं मतलब ये जो ए है और प्रोडक्ट में मिल रहा है सी अब देख लेते हैं कैसे एडिशन किसका किया हाइड्रोजन का मैंने यहां पे एड किया हाइड्रोजन इन दी प्रेजेंस ऑफ बोल रहे हैं क्या कैटलिस्ट ठीक है तो हमने जब ये लिया तो देख लेते हैं जोड़ के क्या होता है सी ऐसे कर लेते हैं सी वन टू थ्री सी वन टू थ्री बिकॉज यहाँ पे टू टू थे टू और जुड़ गए तो सिक्स हो गए थ्री फोर फाइव सिक्स देखिए यहाँ पर है है दिख रहा आपको और देखिए ये था तो A to C बोल रहा है मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर मैंने ए में एडिशन किया हाइड्रोजन का कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कैटलिस्ट लिया और क्या हो रहा है चेंजेस ए टू सी ए से सी बन रहा है क्या बन रहा है ए से सी वाला बन रहा है आपको सिंपल सा दिखा दे। ये बन 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 रहा 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 है। है? है। तो A से C बनना है। तो आपको सिर्फ क्या करना है इसमें हाइड्रोजन को ऐड कर दो ये रिएक्शन मैंने देखिए शो किया जब इसको हाइड्रोजन में ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ किसका कैटलिस्ट की प्रेजेंस में तो देखिए क्या बन रहा है ये बन रहा है तो भैया हमारा थर्ड ऑप्शन राइट है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट चेंजेस ए टू सी तो ए से देखिए सी हो रहा है तो ऑप्शन अपने को थर्ड नंबर पे ही मिल गया ज्यादा आगे जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं ऑप्शन देखिए क्या है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट चेंजेस ए टू सी ठीक है तो ये समझ में आ गया होगा आपको नाउ अरे भाई अब तो क्वेश्चन आ गया किसका बायो का तो अब बायो के टीचर के आपको बुलाती हूं कि वो आपके जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उनके सोल्यूशन आपको बताए देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट क्या है इन द गिवन ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द लीफ आइडेंटिफाई सेल्स वेयर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर तो हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस कहां होता है क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोप्लास्ट में होता है ठीक है अब ये जो है लीफ का क्रॉस सेक्शन है जो हमारी एनसीआरटी की बुक से उठाया गया है ये हमें पता है कि क्या है ये अपर एपिडर्मिस है है ना ये अपर एपिडर्मिस है और ये क्या है लोअर एपिडर्मिस है ये दोनों अपर एपिडर्मिस और ये लोअर एपिडर्मिस हो गया तो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस में तो क्लोरोप्लास्ट मेनली प्रेजेंट नहीं होते सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होते हैं इन दोनों के बीच में तो जहाँ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं वहीं क्या होगा फोटोसिंथेसिस होगा तो फोटोसिंथेसिस कौन से पार्ट में होगा क्लोरोप्लास्ट ये पूरे एरिया में प्रेजेंट होते हैं ये जो मीजोफिल लेयर है इसमें प्रेजेंट होते हैं ठीक है ठीके? तो अपर uh, एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट तो ज़्यादातर फोटोसिंथेसिस सिंथेसिस कहाँ होगा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ तो फोटोसिंथेसिस सिंथेसिस कहाँ होगा फर्स्ट में और थर्ड में सेकेंड में और थर्ड में सॉरी क्या लिखा है सेकेंड एंड थर्ड में ठीक है तो ऑप्शन कौन सा होगा अपना ऑप्शन होगा बी दैट इज सेकेंड एंड थर्ड इसका आंसर क्या है देख लेते हैं सेकेंड एंड थर्ड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऑब्जर्व द एक्सपेरिमेंट सेटअप शोन बिलो नेम द केमिकल इंडिकेट एज एक्स दैट कैन ऑब्जर्व द गैस विच इज इवॉल्व एज अ बायो प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन हमें पता है रेस्पिरेशन में बाय प्रोडक्ट क्या होता है सीओ टू होता है ये जो एक्सपेरिमेंट uh, है ये आपकी एनसीआर टी की एक्टिविटी से दिया हुआ है ये क्वेश्चन उससे ही पूछा गया है ठीक है तो हमें देखना है कि जब हमने बेल जार में एक प्लांट को रख दिया है तो क्या होता है कि इस पेट्री डिश में कौन सा सब्सटेंस uh, प्रेजेंट है जो बाय प्रोडक्ट है बाय प्रोडक्ट क्या है रेस्पिरेशन का कार्बन डाइऑक्साइड वो एब्जॉर्ब करेगा ठीक है यही लिखा है ना इधर हाँ एब्जॉर्ब द गैस ओके गे? तो हमने जब प्लांट को एक बेल जार में रख दिया तो उससे क्या कौन सा रेस्पिरेशन में कौन सा बायो प्रोडक्ट निकलता है सी टू निकलता है और यहां पर पे पेट्री डिश में ऐसा सब्सटेंस रखा जो उस बाय प्रोडक्ट को ऑब्जॉर्ब कर सके तो पेट्री डिश में कौन सा सब्सटेंस है जो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब करता है वो है के ओ एच क्या है वो के ओ एच ओके okay? पोटेशियम हाइड्रोऑक्साइड तो इसका ऑप्शन क्या होगा बी होगा ओके okay? चलिए इसका आंसर देखते हैं तो इसका आंसर क्या है बी जो हमने बताया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के ओ एच ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर टेन इफ अ टोल पी प्लांट इस क्रॉस्ड विद अ प्योर डॉफ पी प्लांट देन वाट परसेंटेज ऑफ एफ वन एंड एफ टू जनरेशन रिस्पेक्टिवली विल बी टॉल ठीक है एफ वन और एफ टू जनरेशन में कितने प्लांट्स होंगे जो टॉल हमें मिलेंगे तो हम इसको करके देखते हैं टी टी से हमने क्या किया टॉल प्लांट्स को वो करा डिनोट और स्मॉल टी से हमने कैपिटल टी से हमने टोल टी को डिनोट करा और स्मॉल uh, टी से हमने डॉफ प्लांट को uh, वो करा ठीक है क्या होता है कि जो टॉलनेस है वो डोमिनेंट कैरेक्टर शो करता है ओके okay? वो क्या करता है डोमिनेंट कैरेक्टर शो करता है तो क्या होगा अभी हम देखते हैं हम हमने इसको क्रॉस करवाया टी टी आया ओके okay? दूसरे कलर से करते हैं इसको ठीक है तो इसमें हम देख रहे हैं कि सारे प्लांट्स जो हैं वो क्या है टॉल है कैसे टॉल है क्योंकि जो हमको सारे प्रोजेनी में जो एफ वन प्रोजेनी है उसमें हमको सारे प्लांट्स कैसे मिल रहे हैं हमें मिल रहे हैं सारे टॉल प्लांट्स कैसे टॉल प्लांट्स मिल रहे हैं क्योंकि जो टॉल प्लांट्स हैं वो जो टॉल कैरेक्टर है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है ठीक है टॉल कैरेक्टर जो है वो डोमिनल कैरेक्टर है डोमिनेंट कैरेक्टर है और जो टी है छोटा टी है कैप स्मॉल टी है वो कैसा है डॉफ कैरेक्टर वो रेसेसिव है ठीक है वो क्या है कैरेक्टर रेसेसिव है इसलिए डोमिनेंट कैरेक्टर हमेशा फर्स्ट प्रोजेनी में शो होगा ओके तो हमें कितने टॉल प्लांट्स दिख रहे हैं हमें सारे के सारे टॉल प्लांट्स दिख रहे हैं तो ये क्या हुआ हंड्रेड परसेंट हो गया इसमें हम देखते हैं कहीं पे हंड्रेड परसेंट दिया है हाँ तो ये कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन डी है जिसमें 100% दिया हुआ है एक बार हम और देख लेते हैं कि 75% नहीं कि f2 प्रोजेनी में क्या हमें देखने को मिलता है ये तो बात हो गई f1 की अब हम f2 f1 की जो प्रोजेनीज हमें मिली ऑफस्प्रिंग जो हमें मिली है उनको हम सेल्फ पॉलिनेट करवाएंगे ठीक है तो हमें एक ये मिला था और एक ये अब हम इसको सेल्फ पोलिनेट कराएंगे हमने देखा कि टी जो है जो टॉल प्लांट्स हैं वो डोमिनेंट कैरेक्टर के हैं ठीक है डॉफ प्लांट के ऊपर ठीक है तो ये जितने प्लांट्स है जहां हमें क्या टी देखने को मिल रहा है जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो देखने को मिल रहा है तो वो सारे प्लांट्स क्या शो करेंगे वो सारे प्लांट्स शो करेंगे कि वो क्या है टॉल प्लांट्स हैं ओके okay? टॉल प्लांट्स हैं और हमें सिर्फ टी टी का मतलब रेसिस ट्रेट का कैरेक्टर का सिर्फ एक ही प्लांट मिल रहा है और वो क्या है डॉर्फ प्लांट है ठीक है इसमें कोई भी आ, जो टॉल टीज का कैरेक्टर है वो नहीं आया है है ना तो इसलिए हमें क्या देखने को मिल रहा है एफ टू प्रोजेनी में सिर्फ एक ही हमें डॉफ प्लांट देखने को मिल रहा है है ना एक ही डॉफ प्लांट हमें देखने को मिल रहा है तो इससे हम क्या बता सकते हैं कि कितने प्लांट्स हमारे टॉल हैं कितने प्लांट्स हमारे टॉल हैं हमारे टोटल थ्री प्लांट्स टॉल हैं तो इसका मतलब क्या हुआ सेवेंटी फाइव परसेंट हमारे प्लांट्स क्या हैं टॉल है है ना और 25% परसेंट हमारे क्या है डॉफ प्लांट है तो हमने देख लिया कि पहला आया था एफ वन में हमारा 100% परसेंट आया था और एफ टू में हमारा 75% परसेंट आया तो ऑप्शन इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा डी विल बी द करेक्ट आंसर ओके डी आंसर डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑब्जर्व द थ्री फिगर गिवन बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट द ट्रॉपिक मूवमेंट अप्रोप्रिएटली ट्रॉपिक मूवमेंट हमें पता ही है ठीक है कोई भी स्ट्यूमिनस की तरफ ग्रो करना ओके okay? अब ये जो पिक्चर है ये क्या डिपेक्ट करती है जियोट्रोपिज्म ओके okay? जियोट्रोपिज्म दिखा रही है पिक्चर जियोट्रोपिज्म का मतलब क्या होता है कि आ, जो प्लांट है उसका कोई पार्ट ग्रेविटी की तरफ वो करे ग्रो करे ठीक है अर्थ ग्रेविटी की तरफ ग्रो करे तो हमें पता है कि रूट्स जो हैं वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज़म बताते हैं और जो शूट हैं वो नेगेटिव जो बताते हैं क्यों क्योंकि रूट्स हैं वो सॉइल के डीपली होते हैं डीप में जाते हैं है ना और जो शूट होते हैं वो ग्रेविटेशन के अगेंस्ट ऊपर बढ़ते हैं है ना अपवर्ड डायरेक्शन में उनका ग्रोथ होता है तो हम देखते हैं कि इसमें से कौन सा फिगर uh, है जो सही बता रहा है जो रूट uh, है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म दिखा रहे हैं और शूट जो है वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म दिखा रहे हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रूट्स तो जो है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म दिखा रहे हैं पर क्या शूट जो है वो नेगेटिव जियोट्रॉपिजम दिखा रहे हैं नहीं वो भी पॉजिटिव दिखा रहे हैं तो ये आंसर क्या है गलत है क्यों गलत है क्योंकि शूट हमेशा नेगेटिव जियोट्रॉपिजम दिखाते हैं ओके अब बीब की बात करते हैं बी में रूट जो है वो क्या दिखा रहे हैं नेगेटिव जियोट्रॉपिज़म पर रूट क्या होते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिज़म होते हैं है ना तो ये आंसर ऑप्शन भी गलत हुआ अब सी में बात करते हैं सी में जो रूट्स हैं वो क्या दिखा रहे हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिज़म दिखा रहे हैं हाँ कि ये ग्रेविटीज़ के तरफ ग्रो कर रहे हैं ना और शूट भी क्या है वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज़म दिखा रहे हैं कैसे दिखा रहे हैं कि ये ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो कर रहे हैं तो ऑप्शन इसका क्या होगा सी सिर्फ सी ऑप्शन ही इसका सी फिगर ही करेक्ट है अब इधर हम ऑप्शंस देख लेते हैं कौन कौन से बी एंड सी नहीं ए एंड सी भी नहीं बी और ए तो कोई भी दिखाई नहीं रहा है जियोट्रॉपिक मूवमेंट तो इसका ऑप्शन क्या सही है ऑप्शन डी सही है जिसमें लिखा है सी ओनली ओके क्या लिखा है सी ओनली आंसर डी डी इज द करेक्ट ऑप्शन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अ कंप्लीट सर्किट ओ ये तो फिजिक्स का क्वेश्चन है मैम आइए प्लीज ये क्वेश्चन समझाइए चलिए तो भाई अब आ चुका है फिजिक्स का क्वेश्चन जिसमें आपको क्या देखना है क्वेश्चन है कि अ कंप्लीट सर्किट इज लेफ्ट ऑन फॉर अ सेवरल मिनट्स मतलब एक सर्किट है जिसको आपने बहुत देर के लिए ऑन करके छोड़ दिया है कॉजिंग द कनेक्टिंग कॉपर वायर टू बिकम हॉट अब इससे क्या हुआ कि जितने भी वायर्स हुए मतलब मान लीजिए कि ये आपका एक सर्किट है ठीक है आपने इसको ऑन करके छोड़ दिया मतलब कि इसके जो स्विच है वो इस तरह से बंद है ठीक है अब क्या हो रहा है अब आपने इसको ऑन करके छोड़ दिया बहुत सारे देर के लिए तो इसमें क्या होगा करंट फ्लो करेगा अब जितने भी कॉपर वायर जो है वो इतना देर तक चलने की वजह से ये सब क्या हो गया ये सभी हॉट हो गए गर्म हो गए एज द टेम्परेचर ऑफ़ द वायर इंक्रीजेस तो जैसे जैसे इस टेम्परेचर जो है वायर का वो इंक्रीज होगा द इलेक्ट्रिकल रजिस्टेंस ऑफ द वायर तो इस जो रजिस्टेंस है वायर का उसकी वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये आपको बताना है क्लियर है अब देखिए एक बात को ध्यान रखिए कि जिस भी चीज़ में रेजिस्टेंस कम होता है तो वहां पर क्या होगा हीट भी कम प्रोड्यूस होती है जैसे आपके इंसुलेटर्स क्योंकि उस पर हाई रेजिस्टेंस होता है तो वो बिल्कुल भी हीट अप नहीं होते वहीं अगर हम बात करें कंडक्टर्स की या फिर जितने भी आपके ऐसे डिवाइसेज हैं जो कि हीटिंग डिवाइस हैं वो इतने ज़्यादा गर्म क्यों होते हैं जैसे प्रेस है इलेक्ट्रिक आयरन की बात अगर हम करें इलेक्ट्रिक आयरन है गीज़र्स है इलेक्ट्रिक रॉड है ये सभी चीज़ें इतनी ज़्यादा टेम्परेचर इनमें क्यों इंक्रीज हो जाता है इसलिए इंक्रीज हो जाता है क्योंकि इनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है क्लियर है तो जिन जिनका भी जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है वो उतना जल्दी क्या होते हैं हीट अप हो जाते हैं वहीं अगर मैं प्लास्टिक या वुड की बात करूं तो उनका केस अलग है क्योंकि वो ज़्यादा हीट अप होने की वजह से क्या हो जाएंगे पिघल जाएंगे तो हम उसमें इतना ज़्यादा इस चीज़ को चेक नहीं कर सकते लेकिन वहीं अगर हम किसी डिवाइस के टर्म्स में इस पर बात करें तो उसमें जितना ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो हम इसे उल्टी तरीके से भी कह सकते हैं कि जब वायर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है ठीक है तो इसका मतलब कि उसमें क्या चीज़ हो जाएगी उसका रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा अब क्या होता है कि रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो रहा है टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है उस सर्किट में करंट की वैल्यू या जो पावर है उसका लॉस हो रहा है तो इन शॉर्ट बच्चों समझ जाइए कि आपसे यहाँ पर यही पूछा हुआ है कि अगर कोई एक सर्किट है जिसको आपने बहुत देर के लिए ऑन करके छोड़ दिया है तो जो कॉपर वायर है वो धीरे धीरे गर्म होगा तो इस कॉपर वायर के गर्म होने से क्या होगा क्या रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा डिक्रीज रिमेन्स तो ऐसा नहीं होता है सिंपल से इसका आंसर यही होगा कि एक बार अगर वो बढ़ गया तो बढ़ गया एल्स कुछ नहीं ठीक है तो इंक्रीजेस इज द राइट ऑप्शन नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस सब्जेक्ट का है तो भाई देखिए ये भी अगेन फिजिक्स का ही एक टॉपिक है अ कॉपर वायर इज हेल्ड बिटवीन द

सो इन हाउ मैनी ऑफ द पोल ऑफ द मैगनेट कैन ऑल्सो भी चेंज ओवर अब ये जो आपका मैग्नेट का पोल है उसे भी आप चेंज कर सकते हो इसको आप यहाँ साउथ भी रख सकते हो यहाँ नॉर्थ भी रख सकते हो तो मतलब दोनों कंडीशन पॉसिबल है तो इन हाउ मेनी ऑफ द फोर डायरेक्शन शोन कैन द फोर्स एक्ट ऑन द वायर तो आपको यहाँ पर जो फोर डायरेक्शन दी हुई है इसमें यह बताना है कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की डायरेक्शन आपको कौन कौन से केसेस में बतानी है तो देखिए पहला केस हम क्या करते हैं करंट की डायरेक्शन को क्या कर देते हैं कांस्टेंट रख देते हैं ठीक है करंट की डायरेक्शन को कांस्टेंट अगर हम मान ले क्लियर है मतलब हम ये मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में ठीक है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन और साउथ ईस्ट डायरेक्शन की अगर बात करें तो करंट जो है वो साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा रहा है इस तरह से हमें करंट की डायरेक्शन मान ली नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है वो आपका पहले यहाँ रखा हुआ है नॉर्थ और अब साउथ यहाँ रखा हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैसी होंगी इस डायरेक्शन में होंगी अब यहाँ पर आपको क्या यूज करना है फ्लैमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अब फ्लैमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है यह है आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और यह क्या रिप्रेजेंट करता है करंट को रिप्रेजेंट करता है मतलब मिडिल फिंगर करंट को रिप्रेजेंट करेगी फोर फिंगर मैग्नेटिक लाइन्स को और ये फोर्स को ये तीनों आपस में कैसे होते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर सारे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो अगर यहाँ पर हम इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की कंडीशन को देखें तो इस डायरेक्शन में ठीक है पहली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और करंट की डायरेक्शन हमारी क्या अपन ने एक कांस्टेंट मान ली ठीक है तो भाई अगर हम मैग्नेटिक फील्ड्स की डायरेक्शन को ये मान रहे हैं तो इस अकॉर्डिंग क्या होगा इस अकॉर्डिंग अगर हम बात करें अगर नॉर्थ से साउथ पोल की डायरेक्शन में हमारा इस डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो करंट की डायरेक्शन क्या हो गई आउटवर्ड्स, आउटवर्ड डायरेक्शन में अगर मैं बोलूं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी इनवर्ड होगी क्लियर है अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है यहाँ पर आप दो केसेस समझिए एक बार आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को कॉन्स्टेंट रख लेना है और एक बार आपको करंट की वैल्यू को कॉन्स्टेंट रख लेना है अब देखिए पहले जब नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में जा रही है लाइन्स तो डायरेक्शन ऑफ करेंट क्या है बाहर की तरफ अब हम क्या करते हैं साउथ से दा अपने नॉर्थ की तरफ हम इसकी डायरेक्शन को रख लेते हैं तो भी हमारा डायरेक्शन ऑफ करेंट बाहर है लेकिन फोर्स की डायरेक्शन को देखिए फोर्स की डायरेक्शन कैसी हो जा रही है दोनों केसेस में तो जो फोर्स की डायरेक्शन है अगर मैं एक मिनट इसको थोड़ा प्रॉपरली प्लेस करूं तो इस डायरेक्शन में फोर्स कहाँ लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है अब मैंने क्या किया इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को जो कि पहले ऐसी थी अब मैंने इसे घुमा दिया और ऐसे रख दिया ठीक है तो या ऐसे मान लीजिए है ना इस तरह से कर लेते हैं तो इस डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन क्या हो रही है अगर हम नॉर्थ टू साउथ की चले जाएं, तो करंट तो आप, आपका बाहर ही जा रहा है लेकिन अगर परपेंडिकुलर की बात की जाए तो फोर्स कैसा हो गया डाउनवर्ड हो गया है ठीक है अब ये तो हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के केस में देख लिया अब हम करंट के केस में देख लेते हैं फोर्स की डायरेक्शन कैसी मिली आपको दो फोर्स की डायरेक्शन मिली एक बार फोर्स आपका ऊपर जा रहा था एक बार नीचे जा रहा था कौन से केस में जब आपने एक बार नॉर्थ से साउथ मतलब आपने जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को चेंज किया क्लियर है अब हम क्या करेंगे करंट की डायरेक्शन को चेंज करेंगे पहले करंट की डायरेक्शन क्या है करंट की डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट करती है ये वाली फिंगर पहले डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ है अब अगर मैं सबको परपेंडिकुलर करूँ ठीक है अगर डायरेक्शन ऑफ करंट ये है ये आपके डायरेक्शन ऑफ करंट है तो इस डायरेक्शन में थोड़ा सा क्या हाथ को डिस्टर्ब करना पड़ता है ठीक है एक सेकेंड हाँ इस डायरेक्शन में आपका जो आ, फोर्स है वो अपवर्ड है अगर मैं डायरेक्शन ऑफ करंट को उल्टा कर दूँ तो डायरेक्शन ऑफ़ फ़ोर्स क्या हो जाएगी डाउनवर्ड हो जाएगी मतलब कि दोनों ही केसेस में है ना चाहे आप आ, फोर्स के डायरेक्शन चाहे आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस को चेंज करें चाहे आप करंट की डायरेक्शन को चेंज करें दोनों ही केसेस में जो फोर्स है वो आपको दो डायरेक्शन में मिलेगा एक बार अपवर्ड और एक डाउनवर्ड ठीक है तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए इसका ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर

वुड बी प्रोड्यूस्ड बाई इंक्रीज इन अब देखो कंफ्यूज करने के लिए प्लास्टिक इंसुलेशन को उन्होंने डाल दिया यहाँ पर अब ये प्लास्टिक इंसुलेशन का क्या रोल इसमें हो सकता है ज़रा सोचिए अब देखिए अ डिक्रीज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर वुड बी प्रोड्यूस्ड बाय इंक्रीज इन अब क्या हुआ कि ये जो वायर का रेजिस्टेंस था ना वो धीरे धीरे कम होने लगा मतलब कि रेजिस्टेंस की जो प्रॉपर्टी थी उसके करंट को अपोज करने की जो प्रॉपर्टी थी वो थोड़ी कम हो गई तो ऐसा क्यों हुआ होगा इसके पीछे का रहस्य क्या है तो देखिए अगर हम किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है आपको यह पता होना चाहिए वो क्या होता है रो एल बाय ए ठीक है ना अब इस फॉर्मूले को ध्यान में रखो जब भी रेजिस्टेंस की बात की जाती है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं लेंथ को बढ़ाऊंगी तो क्या होगा रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी अगर रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है मतलब कि हम मटेरियल को अगर चेंज कर दें ऐसा कोई मटेरियल रख दें जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी बट यहाँ देखिए कि अगर ये जो एरिया है है ना ओके okay? ये इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा अगर एरिया इंक्रीज हो गया तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी और एरिया बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा इस रजिस्ट इस वायर का अगर डायमीटर जो है ठीक है अगर आपने उसे बढ़ा दिया डायमीटर बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा बच्चों डायमीटर बढ़ गया मतलब कि एरिया इंक्रीज हो गया है ना एरिया अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा डायमीटर इंक्रीज हो जाएगा तो फिर इसका रेजिस्टेंस जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा तो विद द इंक्रीज ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया द रेजिस्टेंस विल रिड्यूसेस दैट मीन्स कि अगर एरिया को बढ़ाना है तो हम डायमीटर को अगर इंक्रीज कर दें है ना डायमीटर को अगर इंक्रीज करेंगे तो इससे क्या इंक्रीज होगा आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज हुआ तो इसके इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा क्लियर है तो इसका ऑप्शन लेंथ ऑफ द वायर लेंथ ऑफ द वायर बढ़ाने से रेजिस्टेंस पर फर्क नहीं पड़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने से तो इतना फर्क नहीं पड़ता है देन थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक इंसुलेशन या फिर डायमीटर तो यहां पर सही आंसर क्या होना चाहिए डायमीटर ऑफ द वायर ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ कंडक्टर मतलब देखिए इसमें से आपको कुछ पैटर्न्स दिए हुए बने हुए नहीं है लिखे हुए हैं आप क्या बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसमें कि करंट फ्लो कर रहा है ठीक है इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कौन सही तरीके से डिस्क्राइब करेगा स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द वायर स्ट्रेट लाइन पैरल टू द वायर क्या कोई स्ट्रेट लाइन अगर इस वायर के परपेंडिकुलर है तो क्या वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को डिस्क्राइब करेंगी स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू द वायर इस वायर के पैरेलल अगर कोई स्ट्रेट लाइंस हैं क्या वो आपके आ, आंसर को सही बताएंगी ये, मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की सही डायरेक्शन बताएंगे रेडियल लाइंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वायर वायर से कोई रेडियल लाइंस अगर ओरिजिनेट हो रही हैं ठीक है थेके? या फिर कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स ठीक है इस तरीके के जो सर्किल्स हैं है ना वो आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बताएंगी तो भई आपको भी पता है कि अगर मान लीजिए कि तो अगर मैं इसको इस तरह से पकड़ू ठीक है अगर ये डायरेक्शन ऑफ करंट है तो ये जो डायरेक्शन दिख रही है ना आपको मेरी बाकी की फिंगर्स की ये डायरेक्शन किसको रिप्रेजेंट करेगा ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को ये कौन सा रूल होता है ये होता है राइट हैंड थम रूल ओके okay? सॉरी ये वाला राइट हैंड थंब रूल मैं अभी लेफ्ट हैंड में पकड़ी हुई थी राइट हैंड थंब रूल तो अगर ये डायरेक्शन ऑफ करंट है ये जो निप की डायरेक्शन है तो ये आप देख रहे हो कि डायरेक्शन ऑफ फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है इस डायरेक्शन में क्लियर है तो ये जो इस तरह से किसी पेन को अगर मैं पकड़ रही हूँ और वो इसके चारों तरफ ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जा रही हैं ठीक है ठेके? अगर मैं इसको ऐसा बनाऊँ और वो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स उसमें जाए क्लियर है तो इसी को हम क्या बोलते हैं इसी को आप बोलते हैं ट्रिक सर्किल्स सेंटर्ड अराउंड द वायर जो कि किसके सेंटर्ड है इस वायर के अराउंड सेंटर्ड है क्लियर है तो भाई जब भी ऐसी कोई कंडीशन होती है तो इसका इसका मतलब क्या है कि अगर किसी वायर के थ्रू आपको करंट देखना है तो आप बस अगर आप राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करें तो उसके अकॉर्डिंग ये डायरेक्शन ऑफ करंट है तो दिस विल द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो उसको क्या बोलते हैं कोसेंट्रिक सर्किल्स चलिए तो अब आ चुका है बायो का क्वेश्चन अब चलिए अनन्या मैम इसको कंटिन्यू करेंगी देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन द डायग्राम शोन बिलो डिपिक पॉलिनेशन चूज द ऑप्शन दैट विल शो अ मैक्सिमम वेरिएशन इन दफ स्प्रिंग तो बेटा पॉलिनेशन क्या होता है हमें पता है कि जब कभी एंथर से पोलिन ग्रेन्स जब फीमेल पार्ट के स्टिग्मा तक पहुँचे उसे हम क्या बोलते हैं पॉलिनेशन ओके तब हमें ये बताना है कि वेरिएशन कौन से ये जो ए दिया है किस में सबसे ज़्यादा वेरिएशन हमें देखने को मिलेगा ओके क्या होता है कि वेरिएशन कब आता है जब हम दूसरे प्लांट्स के फ्लावर्स को क्रॉस पॉलिनेट करें क्यों क्योंकि एक प्लांट का दूसरा कैरेक्टर्स होंगे है ना और दूसरे प्लांट के अलग कैरेक्टर्स होंगे दोनों के कैरेक्टर्स अलग होंगे तभी क्या मिलेगा हमें वेरिएशन देखने को मिलेगा अगर सेम फ्लावर या सेम प्लांट के फ्लावर के साथ पॉलिनेशन होता है तो क्या होता है हमें इतना वेरिएशन देखने को नहीं मिलता क्यों क्योंकि कैरेक्टर सारे सेम रहते हैं है ना अगर हमें वेरिएशन देखना है तो एक दूसरा प्लांट के फ्लावर को एक दूसरे प्लांट के फ्लावर से हमें पॉलिनेट करवाना पड़ता है ओके तो हमें पॉलिनेशन वेरिएशन सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा जब एक फ्लावर एक प्लांट का हो और दूसरा फ्लावर दूसरे प्लांट का दोनों प्लांट्स के फ्लावर अलग अलग हो ठीक है दोनों फ्लावर अलग अलग, अलग प्लांट्स के हो तो इसमें हम देखते हैं कि किसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है जैसे कि हम देखें ए की बात करें तो क्या हो रहा है ये जो फ्लावर है ये सेम फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है, ये है, ये हो रहा है। तो ये क्या है सेल्फ पॉलिनेशन है ये ओके okay? ये सेल्फ पॉलिनेशन है तो इसमें हमें वेरिएशन इतना देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि कैरेक्टर्स एक ही हैं एक ही फ्लावर के कैरेक्टर्स आए हैं इसमें ओके अब हम इसमें बात करें सी में तो इसमें आ, बी की बात करें सबसे पहले हम बी की बात करते हैं तो बी में क्या है कि एक प्लांट का फ्लावर उसके पोलन ग्रेन्स जा रहे दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा तक है ना तो ये क्या हुआ प्लांट दूसरा है तो इस प्लांट का कैरेक्टर्स अलग होंगे और इस प्लांट के कैरेक्टर्स अलग होंगे तो इसमें हमको क्या देखने को मिलेगा वेरिएशन इसमें हमको देखने को मिलेगा ठीक है क्योंकि क्या है ये क्रॉस पॉलिनेशन है और वहीं हम सी की बात करें तो सी में भी क्या हो रहा है सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है सेम प्लांट के फ्लावर में हो रहा है तो कैरेक्टर्स कैसे होंगे सेम फ्लावर में हो रहा है तो कैरेक्टर्स कैसे होंगे एक ही कैरेक्टर्स होगा है ना सेम कैरेक्टर्स होंगे तो इसमें भी हमें वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा तो ये भी नहीं होगा इसमें भी वेरिएशन नहीं मिलेंगे और इसमें वेरिएशन मिलेंगे बी में अब डी की बात करते हैं तो डी में भी, भी क्या हो रहा है कि एक प्लांट्स के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर तक क्या जा रहा है पोलिन ग्रेन जा रहा है तो इसमें क्या हो रहा है क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है और हमें वेरिएशन किस में मिलेगा डी में भी हमें वेरिएशन मिलेगा क्यों क्योंकि इस प्लांट्स के कैरेटरस्टिक्स अलग हैं इस प्लांट के फीचर्स अलग हैं दोनों के फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं अलग अलग हैं इसलिए हमें इनमें वेरिएशन देखने को मिलेगा तो किस किस ऑप्शन में हमें वेरिएशन देखने को मिलेगा हमको सबसे पहले वेरिएशन देखने को मिलेगा बी में और डी में ओके okay? सी और ए में हमें वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा तो आंसर क्या होगा इसका बी एंड डी अब बी एंड डी ऑप्शन बी Is the correct answer. Its answer dekh B and D. Okay. Question number 17 to 20 are assertion reason reasoning based questions. These consist of two statements, assertion and reason. Answers these questions selecting the appropriate option given below. Both A and R are true, and R is the correct explanation of A. बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए और सी ऑप्शन क्या है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स डी ऑप्शन है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू इसमें क्या दिया जो सेवनटीन टू ट्वेंटी की ट्वेंटी तक के जो क्वेश्चन हैं उसका डायरेक्शन दिया हुआ है क्या दिया हुआ है कि एक सेंटेंस एक स्टेटमेंट आपको असर्शन मिलेगा ठीक है और दूसरा होगा कि वो जो असर्शन है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं कि जो एसर्शन स्टेटमेंट दिया है वो क्यों हो रहा है ऐसा तो वो किसमें दिया होगा हमें रीजन में दिया होगा ओके तो अगर एसर्शन जो है और रीजन जो है दोनों करेक्ट है और आर जो है वो एसर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है तो हम कौन सा मार्क करेंगे ए मार्क करेंगे ओके अब बोथ ए और ट्रू बोथ ए एंड आर आर ट्रू जो एसर्शन और जो रीज़न है वो ट्रू है पर आर जो है वो एसर्शन को जो रीज़न है वो एसर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता है तो हम क्या ऑप्शन चूज करेंगे बी ऑप्शन चूज करेंगे वही हम देखेंगे कि एसर्शन सही है बट रीज़न फॉल्स है क्या एसर्शन सही है बट रीजन फॉल्स है तो उसका ऑप्शन होगा सी और फिर हम देखेंगे अगर असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है तो ऑप्शन होगा डी ओके okay? ये डायरेक्शंस हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन से ट्वेंटी तक आगे बढ़ते हैं असर्शन सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोजिशन इज ये है केमिस्ट्री का क्वेश्चन मैम आइए प्लीज समझाइए केमिस्ट्री क्वेश्चन में दिया हुआ है सिल्वर ब्रोमाइड ब्रोमाइडोजिशन इज यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी ये क्या है एसर्शन है ध्यान दीजिएगा क्या एसर्शन है इसमें सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोजिशन तो मैं तो भाई रिएक्शन ही ले लेती हूं ए जी बी आर आपके सामने है इसका मतलब ठीक है ए जी बी आर जो है बोल रहे हैं क्या कि डिकम्पोजिशन इसका इसमें क्या हो रहा है डिकम्पोजिशन हो रहा है ये भी मुझे समझ में आ गया ठीक है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी ये बात बोली गई है तो भाई यहां पे मतलब जो बनेगा वो क्या बनेगा ए जी बनेगा और बी आर टू बनेगा इसको आप बैलेंस कर लो तो ये बैलेंस हो जाएगा ठीक है जब आपने यहाँ पे बैलेंस किया तो देखिए ये दिख रहा है आपको इस तरीके से

क्या है ये फोटोलिस डिकम्पोजिशन ये हो रहा है इसमें ठीक है तो हम इस रिएक्शन को देख के ये बात तो बोल सकते हैं कि ये क्या है ये एक फोटोलिस डिकम्पोजिशन है ठीक है ये चीज तो ठीक है लेकिन ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है ये एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन है वो नहीं है ये चीज़ इसमें नहीं होगा तो यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी ठीक है यस दिस राइट और ये हो रहा है इसमें सिंपल सी बात है लेकिन लाइट जो प्रोवाइड हो रही है इसका मतलब ये नहीं है कि रिएक्शन ये ये, इसमें नहीं हो रही है इसमें फोटोलिस डिकम्पोजिशन हो रहा है क्लियर है तो इस कंडीशन को देखते हुए हमें जो हमें आ, देखा जाए कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए यहां पर तो आप बताइए क्या होगा फिर यहां पे देखिए बात जो सही हो रही है A is true. A true क्या है है ये बता रहा है कि भाई आपने जो पहले वाला बोला कि हो हो रहा, photolysis decomposition इसमें हो रहा है, silver bromide कर, मिल रहा इसमें है है और मिल आपको ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी ठीक है ये चीज हमें समझ में आ गई यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी लेकिन जो रीजन में बताया है कि लाइट प्रोवाइड एनर्जी फोटोधर्मिक रियक्शन तो रिएक्शन नहीं है इज नॉट एक्सो धार्मिक रिएक्शन तो आंसर क्या होगा ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स तो आप देख लेते हैं यहां पे कौन सा है सी सी ऑप्शन विल बी राइट ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स क्लियर है एसर्शन एंड रीजन आपको समझ में आ गया होगा दोनों को देखेंगे दोनों को देखते हुए फिर आपको बात को बतानी है तो अब आप ये क्लियर आपको समझ में आ गया होगा कि रीजन जो था वो रीजन तो उन्होंने गलत बताया है नो डाउट फोटोलेस डिकोजिशन हो रहा है लाइट प्रोवाइड हो रही है बट इट इज नॉट फॉर एक्र्मिक रिएक्शन एक् रिएक्शन के लिए नहीं हो रही है ये ठीक है तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं तो भाई सिल्वर ब्रोमाइड का आंसर ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स हाँ तो अब ये नंबर फिर से आ गया किसका बायो के टीचर का तो आपकी बायो टीचर आएंगे अब आपको समझाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा ना चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 एसर्शन हाइट इन पी प्लांट्स इज कंट्रोल्ड बाय एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम्स एंड इज दस जेनेटिकली कंट्रोल तो ये बात तो सही है एसर्शन तो सही है कि हाइट जो है वो एंजाइम्स ही कंट्रोल करते एंजाइम्स क्यों एंजाइम्स भी एक तरीके के प्रोटीन्स होते हैं ठीक है तो वो हाइट कौन कंट्रोल करता है हाइट प्रोटीन ही कंट्रोल करते हैं एन्जाइम्स ही कंट्रोल करते हैं तो एसेंशन तो ठीक है अब रीज़न क्या है सेलुलर डीएनए एन इज़ द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स इन द सेल ठीक है तो ये रीज़न भी सही है कि जो डीएनए है वो ही इंफॉर्मेशन सोर्स होता है उसी में जेनेटिक मटेरियल होता है जो ये प्रोटीन को सेल्स में बनाता है ओके तो सही आंसर क्या है एसर्शन एसर्शन इज ऑल्सो ट्रू रीजन इज ऑल्सो ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्शन ठीक है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एसर्शन एम्फीबियंस कैन टॉलरेट मिक्सिंग ऑफ मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये सही है कि एम्फीबियंस जो होते हैं वो ऑक्सीजनेटेड और डी uh, ब्लड का मिक्सिंग टॉलोरेट कर सकते हैं क्यों क्योंकि उनको इतनी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू मैन जो हमारे पास फोर चैम्बर्ड होते हैं ठीक है एम्फी एसर्शन सही है एम्फीबियंस आर एनिमल्स विथ टू चैम्बर्ड हार्ट रीजन गलत है क्योंकि जो एम्फीबियंस होते हैं वो टू चैम्बर्ड नहीं थ्री चैम्बर्ड हार्ट होते हैं ठीक है एसर्शन इज़ करेक्ट बट रीज़न इज़ फॉल्स ओके ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्ट क्योंकि जो एम्फीबियंस होते हैं वो थ्री चैम्बर्ड हार्ट होते हैं उनके चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी असर्शन ऑन फ्रीली फिजिक्स का क्वेश्चन मैम आइए प्लीज समझाइए चलिए तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है एसर्शन रीजन का जो कि फिजिक्स का है बाकी तो मैम लोगों ने आपको बता ही दिया है सो ऑन एसर्शन है कि ऑन फ्रीली सस्पेंडिंग अ करेंट कैरिंग सोलोनाइड इट कम्स टू रेस्ट इन द जोग्राफिकल एंड एस डायरेक्शन अब देखिए क्या होता है कि मेरे पास एक सोलोनाइड है इसको मैंने फ्रीली सस्पेंड कर दिया ठीक है तो ये जो सोलोनाइड है वो कहाँ पर जाएगा आपके जोग्राफिकल अर्थ का जो ज्योग्रफिकल नॉर्थ है ठीक है अगर ये आपकी अर्थ है तो इसका जो जोग्राफिकल नॉर्थ और साउथ है उसकी डायरेक्शन में ये अपने आप को एडजस्ट कर लेता है है क्लियर है सो so, रीजन क्या दिया हुआ है वन एंड ऑफ करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलोनाइट बिहेव्स एज द नॉर्थ पोल एंड द अदर एंड एज अ साउथ पोल जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट तो भाई देखें कि क्या होता है कि अगर किसी दूसरा रीजन क्या दिया हुआ है रीजन इसका है या नहीं उससे पहले अपन ये देखते हैं कि ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये सही है या नहीं है तो देखिए बेसिकली क्या होगा ये नॉर्थ को और ये साउथ है हाँ ना इस तरह से अपनी जो मैग्नेट है वो भी अगर आप फ्रीली सस्पेंड करोगे तो वो अपने आप को हमारे अर्थ के जोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ एडजस्ट कर लेती है और ये आपके साउथ की तरफ एडजस्ट कर लेती है क्लियर है अब इसका रीजन ये है कि वन एंड ऑफ करंट कैरिंग इज स्ट्रेट नाइट बिहेव एज अ नॉर्थ पोल एंड द अदर एंड एज अ साउथ पोल तो जी हाँ ये बिल्कुल लाइन बिल्कुल भी सही है जैसे कि कोई भी सोलोनाइड होता है करंट कैरिंग सोलोनाइड जिसमें कि एक सोलनाइड जिसमें कि करंट अगर फ्लो कर रहा है तो वो किसकी तरह बिहेव करता है वो आपके बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है एक एंड उसका नॉर्थ अपेयर हो जाता है और एक एंड साउथ अपेयर हो जाता है ये बिल्कुल सही बात है क्या इसका रीज़न ठीक है यही है कि इसी कारण से क्या यह चीज़ होती है तो जैसे ही आप किसी करेंट कैरिंग सोलानाइट को इस तरह से रेस्ट में लेकर के आओगे फ्रीली सस्पेंड करोगे और जब वो रेस्ट में आएगी तो वो जोग्राफिकल एन और रेस्ट डायरेक्शन में आ जाती है तो बिल्कुल जी हाँ ये बात बिल्कुल सही है क्या होता है कि जब भी किसी करेंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू करेंट पास करता है तो वो खुद एक मैगनेट की तरह बिहेव करती है और मैग्नेट की तरह बिहेव अगर करेगी तो क्या होगा क्योंकि आपको पता है कि एक्चुअल में यहाँ पर साउथ है और एक्चुअल में यहाँ पर नॉर्थ है लेकिन हमारा अर्थ का साउथ और नॉर्थ इस तरह से और नॉर्थ और साउथ इस तरह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करके आपका जो बार मैग्नेट है वो जैसे एडजस्ट होता है उसी तरीके से सोलनाइट भी एडजस्ट हो जाएगा तो इसमें आपका आंसर क्या आना चाहिए क्या इसका आंसर होना चाहिए ए एंड आर आर ट्रू ठीक है क्या आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो जी हाँ ए और आर दोनों ही सही है और आर इसका सही रीजन है इसी रीजन की वजह से जो सोलनाइड है वो फ्रीली सस्पेंड हो जाता है क्लियर है देखिए बोथ ए एन आर आर ट्रू एन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए क्लियर है चलिए तो अब अगेन हम आ चुके हैं केमिस्ट्री के एक और क्वेश्चन पे चलिए तो रुचि मैम कंटिन्यू करेंगे

कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ठीक है कि स्लैग लाइम जो है वो कब बनता है जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को एक्सेस ऑफ वाटर में बनाते हैं तो ये मतलब कि यहाँ पे ये चीज बोल रहे हैं लेकिन बात ये हो रही है कि जब हम एटमॉस्फेयर में बोला गया है कि सोल्यूशन को हम एक्सपर्स छोड़ देते हैं एटमॉस्फेयर में तो द सोल्यूशन स्लोली गोस मिल्क मिल्की एज अ फेंट वाइट प्रेसिपटेट फॉर्म आपने कार्बो कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट पढ़ा होगा ठीक है यदि नहीं पढ़ा है तो बच्चों पढ़ लीजिए उसको ठीक है ना उससे आपको बहुत अच्छे तरीके से ये क्लियर हो जाएगा गा तो यहां पर रिएक्शन जो होगा वो किसके साथ होगा वो सीओ के साथ रिएक्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, साथ किसमें एटमोस्फियर में लिखा हुआ है ना कि किस में छोड़ रहे हैं इन एटमोस्फियर मतलब एटमोस्फियर में फ्री छोड़ दिया है जब हम इसको छोड़ देते हैं तो बनता है क्या कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ए प्लस वॉटर ये जो CaCO3 होता है ये क्या होता है इट इज अ प्रेसिपिटेट कैसा प्रेसिपिटेट होता है ये हमें वाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है इसका ठीक है जो क्या करता है लाइम को लाइम टन मिल्की मिल्की अपियरेंस में हो जाता है तो आपसे ये पूछा है कि द सोल्यूशन स्लोली गोस मिल्की देखिए मिल्की कलर में हो गया ट फॉर्म एक्सप्लेन वाई फेंट वाइट प्रेसिपटेट फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हुआ है और कैल्शियम कार्बोनेट का जब फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है? इसका में अपने को मिलता है तो ये आपको ध्यान रखना है फॉर्म में इट इज गैस यहाँ पे हमें क्या मिला सॉलिड एंड ये लिक्विड तो यहाँ पर जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट ये मिल रहा है और कैल्शियम कार्बोनेट के मिलने के कारण यह व्हाइट प्रेसिपटेट का फॉर्मेशन हो रहा है जिस कारण से लाइम वाटर मिल्की में दिख रहा है पूरा मिल्की कलर में वो दिखाई पड़ने लगेगा और रिएक्शन जो बोली गई है तो ये रिएक्शन आपके सामने है तो क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से इन एटमोसफियर रिएक्शन जब होगा तब ये देखिए यहां पे व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा सिंपल सी बात क्यों मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो रहा है और रिएक्शन आपके सामने है तो ये इसका आंसर रहेगा तो देख लेते हैं आगे यहाँ पे क्या बताया हुआ है आंसर में देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड जो मैंने बताया प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर कहां पे प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट देखिए कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है विथ रिजल्ट इन मिल्किनेस जो क्या है यही मिल्की कलर में दिखाई पड़ने लगेगा और एक व्हाइट परसिपेटेट फॉर्म में मिल्की पूरा मिल्की मिल्की जाएगा व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में दिखाई पड़ेगा वो क्या है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है तो ये आंसर होगा मेरे ख्याल से समझ में तो आ गया होगा चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट है क्या और करके क्वेश्चन है मतलब 21 में ही ये क्वेश्चन है आपका 21 वन में आ, या तो आपको यह अटेम्प्ट करना था क्वेश्चन या और करके एक क्वेश्चन और दिया था आपको उन दोनों में चूज करना था भी मैं तो आपको दोनों का आंसर बता दे रही हूँ समझ में तो आपको आई जाएगा एग्जाम में दिया से क्वेश्चन आ गया तो आपको सोचना है कि आपको कैसा आंसर देना है कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है चलिए तो और करके जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं कीर्ति एडेड डायल्यूड एसियल एसिड टू फोर मेटल देखिए यहां पर आपके सामने ये फोर मेटल दिख रहा है और इन चारों में क्या किया है कीर्ति ने डायलुडसियल एसिड एड किया है यही चीज बोला इन्होंने मैग्नीशियम जिंक ये कंडीशन हो रही है है ना यही चीज कंडीशन हो रही है लिखा हुआ है एसिड टू फोर मेटल एंड रिकॉर्डेड हर ऑब्जर्वेशन एज शोन इन द टेबल जब उन्होंने ये चीज देखा

और ये मेटल्स जो दिख रहे हैं तो मेटल जो होते हैं उस मेटल का भी बहुत बड़ा रोल है किसके साथ एसिड के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो वो अपनी रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग चलते हैं यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है आपको रिएक्टिविटी सीरीज दिख रहा है ओके okay, अब रिएक्टिविटी सीरीज के यदि हम बात करते हैं मेटल में तो जो देखिए जिंक जो मेटल है यहां पर ये जब रिएक्शन करेगा तो मैं इसका रिएक्शन आपको दिखाती हूं जिंक वेन रिएक्ट विद एसिड इट विल फॉर्म जिंक क्लोराइड प्लस वाटर ये चीज बनाई हाइड्रोजन ठीक है तो मतलब कि ये चीज हो रही है इसका मतलब है कि हाइड्रोजन देखिए यहां पर बहुत था कि गैस एलवॉड येस हाइड्रोजन तो मतलब है कि ये वाला भी हमारा क्या है ठीक है कोई कंडीशन कोई प्रॉब्लम नहीं है तो जिंक के साथ पॉसिबल इसमें हो जाएगा फिर देखिए हम बात करते हैं किसका आयरन का ठीक है आप यहाँ पे दिख रहे हैं जिंक है आयरन है ये दोनों चीजें दिख रही है मैग्नीशियम दिख रहा है आपका ठीक है तो अब आयरन का भी यदि हम देखेंगे तो आयरन का भी हम एक रेस क्योंकि उन्होंने रिएक्शन भी मांगी है तो एफ का भी देख लीजिए एफ का रिएक्शन यदि आप करवाएंगे किसके साथ एस के साथ करवाएंगे तो यहाँ पे दो तरह की कंडीशन आएगी या तो एफ मिलेगा या एफ आपको क्या है वो तो बैलेंस फॉर्म में आपको देखना होगा कि आपको क्या लेना है मतलब कि यहाँ पर ये मिल रहा है उसके अलावा हाइड्रोजन गैस मिलेगी एच मिल जाएगा इसमें भी तो हाइड्रोजन गैस इसमें भी मिल रही है ठीक है

हम रिएक्शन शो कर रहे हैं दोनों में देखिए क्या दिख रहा है हाइड्रोजन दिख रहा है मैग्नीशियम पह, पहले से ही बोल दिया कि गैस हो ही नहीं रही है तो, no है। इसके लिए नहीं है। ना? तो आप यहां पे पे ध्यान की को देखिएगा उसके अकॉर्डिंग उसके एसिड के साथ क्या होगा रिएक्शन करवाया जाएगा और तब समझ तो, ये में था। तो मेरे ख्याल से क्या किया डायलोड एसिड एड किया किस में चारों मेटल में अब जब एड किया तो ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड किया तो टेबल में यहां पे दिख रहा है ऑब्जर्वेशन इस टाइप का दिख रहा है कॉपर में दिख रहा है क्या कि गैस इवॉल्व हो रही है आयरन में भी हो रही है मैग्नीशियम बोल दिया नहीं हो रही है भाई जिंक में हो रही है तो मैंने भी आपको बता दिया कि इसमें भी कॉपर लीस रिएक्टिव है ठीक है हाइड्रोजन से नीचे की तरफ आता है तो इनकी बात तो बिल्कुल भी नहीं मानी जाएगी और आयरन और जिंक को देखेंगे इट इज रिएक्टिव बिकॉज ये हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस भी करते हैं और इसको हम देखिए रिएक्शन के फॉर्म में यहां पर समझा देंगे तो ये आपको क्लियर हो गया होगा इसका चलिए नेक्स्ट क्या है फिर से बात आ गई किसकी बायो की टीचर की तो चलिए बुलाते हैं आपकी बायो की टीचर को देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी हाउ इज़ द मोड ऑफ एक्शन इन बीटिंग ऑफ द हार्ट डिफरेंट फ्रॉम रिफ्लेक्स एक्शंस गिव फोर एग्जाम्पल्स ओके हमें यह बताना है कि जो बीटिंग ऑफ हार्ट है जो हार्ट बीट कर रहा है वो रिफ्लेक्स एक्शन से कैसे अलग है ओके okay? तो सबसे पहले क्या होता है ना जो हार्ट हमारा पंप कर रहा है जो वर्क कर रहा है जो बीट कर रहा है वो इन्वॉलेंट्री होता है ठीक है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता रिफ्लेक्स एक्शन भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता है पर वो इमीडिएट होता है और वो किसी स्ट्यूमुल के कारण होता है है ना और जो हार्ट बीट कर रहा है उसको स्ट्यूमुलस की ज़रूरत नहीं होती जो हार्ट अपना बीट कर रहा है वो ब्रेन के कंट्रोल में होता है और जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो स्पाइनल कॉर्ड के कंट्रोल में होता है ये तीन पॉइंट्स तो हमने देख लिया इनवॉलेंट्री एक्शंस आर एक्शन विच आर नॉट कंट्रोल बाई आर विल ये वो एक्शंस हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते ठीक है रिफ्लैक्स एक्शंस आता सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समीक है रिफ्लैक्स एक्शन क्या है सडन क्विक रैपिड रिस्पॉन्स होता है ये किसी भी स्ट्यूमुलस के अगेंस्ट में ठीक है रिस्पॉन्स टू समथिंग दे डो नॉट नीड एनी काइंड ऑफ स्ट्यूमुलस टू वर्क इनको कोई भी स्ट्यूमुलस की ज़रूरत नहीं है ये अपना काम खुद करते रहते हैं बट रिफ्लेक्स एक्शन को स्ट्यूमुलस की ज़रूरत है वो हॉट वाला एग्जाम्पल कि हम किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं गलती से तो वो क्या है स्ट्यूमुलस है हॉट क्या है इज अ स्ट्यूमुलस ठीक है दीज एक्शंस आर रेगुलेटेड बाय द ब्रेन ये कौन रेगुलेट करता है जो बीटिंग ऑफ हार्ट है वो कौन रेगुलेट करता है हमारा ब्रेन करता है और वहीं रिफ्लेक्स एक्शन क्या करता है रिफ्लेक्स एक्शन को कौन रेगुलेट करता है और रेगुलेट करता है स्पाइनल कॉर्ड ठीक है दे डिनॉट इन्केलेटल मसल ठीक है इनमें स्केलेटल मसल्स नहीं होती है दे डू इन्वॉल्व स्केलेटल मसल्स होती है क्योंकि स्केलेटल मसल्स से ही हम वॉलेंट्री मूवमेंट कर सकते हैं दीज एक्शन आर परफॉर्म थ्रू आउट वन लाइफ ये जो एक्शन है ये हमारी थ्रू आउट लाइफ जब तक हमारी लाइफ है जब तक हम जिंदा हैं तब तक ये एक्शंस होते रहते हैं ओके दीज एक्शंस आर प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू एन इवेंट ऑफ एन एमरजेंसी ये एक्शन तभी होते हैं जब एमरजेंसी की कंडीशन में ठीक है रिएक्शन कब होते हैं रिफ्लैक्स एक्शन कब होते हैं इमरजेंसी के कंडीशन में होते हैं दिस एक्शन में भी क्विक और स्लो ये क्विक हो सकता है या स्लो हो सकता है ठीक है हार्ट ज़्यादा रैपिडली बीट कर सकता है या स्लोली बीट करेगा ठीक है बट रिफ्लेक्स एक्शन आर ऑलवेज क्विक क्विक रैपिड इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है ठीक है ये डिफरेंस है बीटिंग ऑफ हार्ट और रिफ्लेक्स एक्शन में अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थर्ड की पेशेंट्स हुज गॉल ब्लैडर आर रिमूव आर रिकमेंड आर रिकमेंडेड टू ईट लेस ऑयली फूड वाई क्या होता है हमने पढ़ा है बाइल काम आता है फैट्स के इमल्सिफिकेशन के लिए ठीक है और ये बाइल कहाँ स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है तो जब गॉल ब्लैडर ही नहीं होगा तो जो फैट्स हैं वो कैसे वो होंगे जब बाइल स्टोर बाइल हमारे पास नहीं तो जो फैट है वो हम कैसे सिंपलर फॉर्म में तोड़ेंगे कैसे उनको हम और छोटे 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 पीसेस में तोड़ेंगे ठीक है तो इसका आंसर क्या होना चाहिए गॉल ब्लैडर स्टोर्स बाइल विच हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड्स ठीक है किसमें काम आता है इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड्स से काम आता है इन द एबसेंस ऑफ स्टोर्ड बाइल इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स विल बी नेग्लेजिबल इफेक्टेड लेस एंड दस फैट डाइजेशन विल बी स्लो हैंस दे आर देअर आर सच डाइट रिस्ट्रिक्शन क्या होगा जब गोल ब्लैडर ही नहीं है गोल ब्लैडर का काम क्या होता है बाइल को स्टोर करने का ओके तो जब स्टोर बाइल नहीं है तो जो भी फैट्स का इमल्सिफिकेशन हो रहा है जो हम उसको छोटे छोटे और फैट ड्रॉपलेस को और छोटे सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन कर रहे हैं वो इफेक्ट होगा होगा पर बहुत धीरे धीरे होगा स्लो डाउन हो जाएगा या नेग्लिजिबल हो जाएगा एक टाइम के बाद ठीक है इसलिए गॉल ब्लैडर का होना जरूरी है और इसलिए जिनका गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया जाता है उनको हम फैट डाइट लेने को बोलते हैं कि आप कम लीजिए ठीक है उनका फैट इनटेक क्या करवाते हैं हम कम करवाते हैं नेम द सब्सटेंस अदर देन वाटर दैट आर रीअब्जॉर्ब ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन वट आर द टू पैरामीटर्स दैट डिसाइड द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज री एब्जॉर्ब इन द किडनी तो क्या है हम्म देखो एक तो वाटर रीऑब्जॉर्ब होता है एक हमें पता है ग्लूकोज है ना एक हमें पता है ग्लूकोज और एक हमें पता है अमीनो एसिड्स इसका आंसर देखते हैं डिलीट करके थोड़ा ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड सॉल्ट द मेजर कंपोनेंट अदर देन ऑफ वाटर ठीक है इन वाटर के अलावा ये सारी चीज़ें भी जो होती हैं वो रीअब्ज़ॉर्ब होती हैं और वाटर जो होता है वो सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब होता है ठीक है वो किस पे डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी में कितना वाटर की अवेलेबिलिटी है उसका लेवल कितना है और क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं जो हमें एक्सक्रीट करना है ठीक है अब हम पढ़ते ग्लूकोज अमीनो एसिड सॉल्ट मेजर अमाउंट ऑफ वाटर आर सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब एज द यूरिन फ्लोज अलॉन्ग द ट्यूब द अमाउंट ऑफ वाटर रीऑब्जॉर्ब डिपेंड्स ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इज इन द बॉडी हमारी बॉडी में वाटर का लेवल कितना है जितना एक्सेस में वाटर होगा उतना वो रिमूव हो जाएगा ठीक है एंड हाउ मच ऑफ डिजोल्व वेस्ट देयर इज टू बी एक्सक्रीटेड और कितना वेस्ट है जो हमें एक्सक्रीट करना है इन इन दो क्राइटेरिया पे क्या होता है जो वाटर है उसका एक्सक्रीशन डिपेंडेंट है ओके स्टेट द फिनोमिना ऑब्जर्व इन द अब डायग्राम एक्सप्लेन विद द रिफरेंस टू द डायग्राम विच ऑफ द टू लाइक ओ फिजिक्स क्वेश्चन अगेन मैम आइए प्लीज समझाइए

लाइट है वो जैसे ही प्रिज्म से बाहर आती है तो क्या होती है बिखर जाती है है ना तो इस बिखर बिखरने को क्या कहते हैं ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो रहा है ये होता है डिस्पोर्जन ऑफ लाइट जिसकी वजह से व्हाइट लाइट जो है वो अपने सेवन कलर्स में डिवाइड हो जाती है तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट इसके पीछे का कारण क्या है इसके पीछे का कारण ये है कि लाइट में होते हैं सेवन कलर सबकी वेवलेंथ अलग अलग होती है जिसकी जितनी ज्यादा वेवलेंथ होती है उसकी वेलोसिटी भी उतनी ज्यादा होती है जिसकी जितनी कम वेवलेंथ होती है वो उतना ज्यादा डेविएट होगी तो जब लाइट इसके अंदर एंटर करेगी तो जिसकी जिस कलर की ज्यादा वेवलेंथ है वो तो आपको सीधे कि यो जिसका जितना ज्यादा कम वेवलेंथ होगा वो अपने रास्ते से मतलब कि जाना कैसे चाहिए था लाइट को सीधे जाना चाहिए था लेकिन ये लाइट जा कैसे रही है जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो लेकिन उसमें भी सबसे नीचे जो है वो आपका वायलेट कलर होता है फिर इंडिगो होता है फिर ब्लू कलर होता है मतलब सबसे नीचे क्या होगी वायलेट फिर होगा आपका इंडिगो और उसके बाद आपका कौन सा होता है ब्लू कलर होता है ठीक है और उसके बाद ग्रीन होता है फिर येलो होता है फिर ऑरेंज और फिर आपके रेड कलर की तरफ अपन जाते हैं तो सबसे नीचे में वी ही क्यों होता है वायलेट ही क्यों होता है फिर इंडिगो ही क्यों होता है क्योंकि इन सब की वेवलेंथ कम होती है वेवलेंथ और वेलोसिटी कम होने की वजह से वेवलेंथ कम है तो मतलब वेलोसिटी भी कम होगी जिसकी वजह से ये अपने पाथ से सबसे ज्यादा डेविएट होते हैं क्लियर है अब इनका जो डेविएशन है इसी के

ब्लू येलो और ब्लू के कंपैरिजन में कौन ज्यादा डेविएट हुआ है ब्लू लाइट ठीक है तो ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी येलो की वेवलेंथ ज्यादा होगी है ना येलो की वेवलेंथ ज़्यादा है ये कैसे समझा क्योंकि ये ज़्यादा डेविएट हुआ है और इसके कंपैरिजन में ये कम डेविएट हुआ है ठीक है जिस उसको जिस उसमें जाना था स्ट्रेट लाइन में जाना था लेकिन वो अपने रास्ते से क्या हुआ नीचे शिफ्ट हो गया लेकिन ब्लू के कंपेरिजन में कम हुआ है इसका मतलब इन दोनों के कंपेरिजन में येलो लाइट की जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होगी Clear? Eh? So, dispersion, this is the phenomena of dispersion. The splitting of white light into seven colors on passing through the prism, velocity is directly proportional to the wavelength given constant frequency. So, yellow will have a greater wavelength than blue as the velocity of yellow light is greater than blue. क्लियर है नाउ एक और क्वेश्चन आपको इसमें दिया हुआ है और में हाउ विल यू यूज टू आइडेंटिकल प्रिज्म सो दैट अ नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट इंसिडेंट ऑन अ वन प्रिज्म इमरजेस आउट ऑफ द सेकेंड प्रिज्मइट लाइट ड्रॉ द डायग्राम अब आपको दो डायग्राम दिए एक डायग्राम दिया हुआ है ठीक है इसमें स्प्लिटिंग ऑफ लाइट हो रही है डिस्पर्जन हो रहा है लेकिन आप क्या चाह रहे हो कि आपकी जो लाइट रेज हैं वो आकर के वापस से वाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाए ठीक है तो इस केस में देखिए क्या करना पड़ेगा अगर मैं सीधा ही इसी तरीके से एक और प्रिज में यहाँ पर रख दूंगी तो क्या होगा क्या ये वाइट लाइट्स कहीं पर जाकर के मिलेंगी नहीं लेकिन क्योंकि स्पेस इतना क्रिएट नहीं हो रहा है वहाँ पे तो हमें क्या करना पड़ेगा इसे इस तरह से सेटल डाउन करना पड़ेगा देखो क्या हुआ अब यहाँ पर यहाँ से आपकी जो वाइट लाइट है वो आई ठीक है अब यहाँ पे क्या हुआ ये इस पॉइंट पर पड़ी ये जाकर यहाँ से निकली और इस पॉइंट पर यहाँ तक पहुँची अब यहाँ से वापस से दूसरे प्रिज्म में जब एंटर करेंगी तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है रेड की ठीक है तो ये कम डेविएट होगा ठीक है जाना कैसे चाहिए था सीधे और डेविएशन के बाद ये ऐसे जाएगा वहीं अगर हम सीधा प्रिज्म रख देते तो क्या होता आपका रेड कलर यहाँ जाता और डेविएशन नहीं होने की वजह से क्या होता ये इधर जाता ठीक है और वे वॉयलेट नीचे जाता लेकिन इसको आप प्रॉपरली क्या व्हाइट लाइट में कन्वर्ट कर पाते नहीं ठीक है लेकिन यहाँ पे जब आपने इसे उल्टा रखा तो क्या होगा रेड लाइट वापस से यहां आएगी ठीक है डेविएट होकर के ऊपर पहुंची वायलेट नीचे जा रही थी अब डेविएट होकर के कहा जाएगी ऊपर की तरफ और ये सब जाके एक जगह पर मिल जाएंगी और जिससे क्या होगा जैसे ही सब मिलेंगी तो आपको अगेन क्या मिलेगा कौन सा कलर मिलेगा वाइट लाइट फिर से आपको मिल जाएगी तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ टू प्रिज्म नीड टू बी इक्वल एन अपोजिट ठीक है अगर सही साइंट अपन थोरिटिकली आंसर देखेंगे तो क्या जरूरी होना चाहिए कि दोनों का ही एंगल जो है ठीक है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है ना कैसा होना चाहिए दोनों का इक्वल होना चाहिए और अपोजिट होना चाहिए तो हमने इसलिए इसको पहला कारण तो यही है कि हमने इसको इस तरह से क्यों एडजस्ट किया वाइल द फर्स्ट प्रिज्म में स्प्लिट्स द लाइट इन टू सेवन कलर ड्यू टू द डिफरेंट एंगल ऑफ डिफ़्लेक्शन, द सेकेंड फ्रेज कंबाइन द स्पेक्ट्रम अलॉन्ग ए सिंगल रे द कलर अगेन कंबाइन टू गिव द वाइट लाइट एज द इमर्जेंट लाइट है ना तो जैसे ही आपने इन सारी लाइट्स को मिला दिया तो फिर क्या हुआ अगेन आपको व्हाइट लाइट इस तरह से अपीयर हो जाएगी क्लियर है चलिए तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को करेंगे खत्म सो so, अब ये देखिए कि कौन सा क्वेश्चन आ चुका है अगेन ये बायो का क्वेश्चन है तो चलिए इसे मैम कंटिन्यू करें देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी लॉट ऑफ वेस्ट इज जनरेटेड इन नेबरहुड हाउ एवर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट इज बायोडिग्रेडेबल वॉट इम्पैक्ट विल इट हैव ऑन द इनवायरमेंट और ह्यूमन हेल्थ ओके okay? अब बायोडिग्रेडेबल से तो कोई टेंशन नहीं होती क्योंकि वो खुद ब खुद डिकम्पोज हो जाता है ख़ुद ब खुद स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है बट अगर बहुत सारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अगर हमारे नेबरहुड में निकल रहा है तो प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि उसमें बहुत सारी फॉयल स्मेल आएगी गैसेस रिलीज़ होंगी जिसके कारण वो ब्रीडिंग हब बन सकता है किन का जर्म्स का और हाउस फ्लाइस का ठीक है तो ये इन्वायरमेंट और ह्यूमन हेल्थ के लिए सही नहीं है एक्सेस जनरेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी हार्मुल एज इट्स डिकम्पोजिशन इज अ स्लो प्रोसेस ठीक है डिकम्पोजिशन क्या होता है एक तरीके का स्लो प्रोसेस है क्योंकि उसको ब्रेकडाउन होने में टाइम लगता है लीडिंग टू प्रोड्यूस प्रोडक्शन ऑफ फॉल स्मेल एंड गैसेस इट कैन बी द ब्रीडिंग ग्राउंड ये क्या बन सकता है ब्रीडिंग ग्राउंड बन सकता है जम्स उन पर फीड करेंगे और अनहाइजीनिक कंडीशन हो जाएगा ठीक है फिर ये जो हाउस व्लाइज हैं जो जर्म से ही हमारे फूड तक पहुंचेंगे ह्यूमन हेल्थ पर असर होगा और जो कंडीशन है वो कैसी हो जाएगी अनहाइजीनिक हो जाएगी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ओ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ये आइडेंटिफाई द क्या लिखा है इधर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन टू थर्टी थ्री आर शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिएक्शन मेन्शन अबव ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है तो मैम प्लीज़ आइए और आके समझाइए चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 से 33 तक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है ठीक है अब जिसमें आपका 27 नंबर पे जो ये क्वेश्चन है ये क्या है केमिस्ट्री का क्वेश्चन है तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है देखिए आपके सामने यहाँ वन और टू दो तो फॉर्म में क्वेश्चन दिए हुए हैं पहला क्वेश्चन ए प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पर दिखा हुआ है ये एक रिएक्शन है दूसरा है ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी डी तो क्या बोला आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन दोनों रिएक्शन को बताना है कि ये कौन से टाइप के रिएक्शन है क्लियर है फिर लिखा है अबव वन एंड टू गिव वन एग्जाम्पल फॉर ईच टाइप इन दम ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ठीक है उसको आप बैलेंस करके भी पूरा बताना होगा इनके एग्जाम्पल के साथ तो देखिए पहले बात तो यहां पे देखिए ये जो हो रहा है जैसे मैं बार बार रिएक्टिविटी सीरीज की बात करूं रिएक्टिविटी सीरीज तो ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है पहली बात तो क्या है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है मोस्ट रिएक्टिव मैटल जो है वो लेस रिएक्टिव मैटल को क्या कर देगा डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ पे भी ऐसी कंडीशन हो रही है कहीं ना कहीं ये वाला जो मेटल है ये क्या है ये मोस्ट रिएक्टिव है ये क्या है ये मोस्ट रिएक्टिव है और इनके पास जो ये बी है ये बी लेस रिएक्टिव है तो क्या किया इसको डिस्प्लेस करके ए और सी आपस में ये जुड़ गए तो यहां पे क्या होगा ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे ध्यान दीजिएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ठीक है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा और कृपया करके आपसे निवेदन है कि रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर लीजिए कि बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा मोर रिएक्टिव हो कौन सा लेस रिएक्टिव है ठीक है नेक्स्ट यहाँ पे बोला है ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी डी तो अब पहले हम इनके नाम जान लेते हैं फिर दोनों के एग्जाम्पल भी करेंगे यहां देखिए क्या है ए बी और सी डी और देखिए यहाँ पे कहीं कही ना कहीं आपको दिख रहा है देखिए ए सी के साथ जोड़ रहा है तो भी तरफ बी डी के साथ जोड़ है यहाँ पे क्या हो रहा है एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है क्या रहा है एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है और जहां पे एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं यहाँ पे जो दिखाई पड़ता है वो होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहलाता है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जहां पे एक्सचेंज ऑफ आयन हो गए पॉजिटिव टू नेगेटिव नेगेटिव टू पॉजिटिव इस तरीके से आयंस का क्या हो जाएगा एक्सचेंज हो जाएगा तो ये क्या कहलाएगा ये है डबल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ठीक है इतना क्लियर हो गया मेरे ख्याल से इसमें कोई कंफ्यूजन बिल्कुल भी अपने को नहीं होना चाहिए ठीक है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होते हैं तो ये चीज तो आपको क्लियर हो गई अब हमसे इन्होंने बोला है क्या कि भाई एग्जांपल भी बताओ ये तो आपने बता दिया अब आप, आप अपने को एग्जाम्पल भी बताओ तो चलिए ठीक है हम एग्जाम्पल ले लेते हैं एग्जाम्पल लेके चलते हैं और देखिए वेन जिंक रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट तो देखिए यहां पे जिंक क्या है मोर रिएक्टिव है और कॉपर क्या है कॉपर इज लेस रिएक्टिव तो क्या करेगा जिंक जो मोर रिएक्टिव है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और कॉपर को डिस्प्लेस जब करेगा तो क्या बना देगा जिंक सल्फेट और कॉपर क्या हो गया अलग हो गया ठीक है तो इस तरीके से देखिए ये क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है ओके okay, क्लियर है तो ये हम क्या बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे अभी और भी एग्जांपल है मैं आपको दे दूंगी फिर यहां पे देखिए एक, एक बोला गया है किसका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को तो तो देख लेते हैं हमने ले लिया बेरियम क्लोराइड और इसका रिएक्शन करवा दिया कॉपर सल्फेट के साथ तो ये बन जाएगा क्या बी एसओ फोर प्लस सी यू सी एल टू तो देखिए ये क्या हो गया एक्सचेंज ऑफ आयन तो ये क्या हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया तो क्लियर हो गया क्या कि ये पहला वाला क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है यहाँ पर मोर रिएक्टिव जो है मोस्ट रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर रहा है डिस्प्लेस कर रहा है यहाँ पे जो भी मेटल uh, 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 दूसरे मेटल से ज्यादा एक्टिव होगा वो रिएक्टिव होगा वो क्या करेगा उसको तो डिस्प्लेस कर देगा और दूसरे में क्या हो रहा है एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहे हैं ठीक है चीके? और ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है दोनों के एग्जाम्पल भी है आपको और भी देखिए यहां पे लिखा हुआ है देखिए डिस्प्लेसमेंट में एफ का रिएक्शन CuSO4 के साथ हो रहा है आयरन देखिए क्या है मोस्ट रिएक्टिव है और इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है कॉपर सल्फेट के साथ reactive, तो कॉपर इज लेस रिएक्टिव तो आयरन ने क्या किया कॉपर को डिस्प्लेस करके FeSO4 बना लिया फिर देखिए जिंक का जो मैंने भी एग्जांपल दिया जिंक ने रिएक्शन किया किसके साथ कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन किया और देखिए कॉपर क्या है लेस रिएक्टिव है तो जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर अलग हो गया फिर इसी तरीके देखिए एग्जाम्पल क्या है लेड का है उसने भी क्या किया कॉपर क्लोराइड से रिएक्शन किया सी यू सी एल टू से किया, तो क्या था क्या कॉपर इज लेस रिएक्टिव कंपेयर टू पीबी तो क्या हुआ पीबीसीएल टू बन गया और कॉपर तो ये तीनों के जो एग्जाम्पल किसके हैं दिस इज आर

सॉल्ट बन रहा है तो बी एस ओ फोर सॉलिड फॉर्म में देखिए दिख रहा है सॉल्ट मिल रहा है अपने को तो ये हो जाएगा क्या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्लियर है कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए एक्सचेंज ऑफ आयन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ए बी बी सी सिंपल से एक एग्जांपल और देती मैं आपको दोनों को देख लेते हैं ये तो मैंने आपको समझा दिया लेकिन थोड़ा सा आपको भी ध्यान ऐसे कभी भी रिएक्शन दिखाई पड़े जिसमें से आपको दिख रहा है कि बेचारा एक सिंगल है और दो साथ में है मतलब दो एक बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है अच्छे दोस्त हैं और एक बंदा नया अचानक आता है जो बहुत ही पावरफुल दिख रहा है बहुत ही स्मार्ट दिख रहा है हैंडसम दिख रहा है बहुत ही स्ट्रेंथ है उसमें तो वो जो दो दोस्त थे बेस्ट फ्रेंड उनमें से क्या होगा एक जो दोस्त होगा कहीं ना कहीं उनकी वो क्वालिटी ऐसे दब रही है कि क्या होगा कि वो जो पावरफुल मैन है उसको साइड करने की कोशिश करेगा और दोस्ती कर लेगा दूसरे वाले के साथ ये हो जाता है तो यही चीज यहां पे हुआ है कि वो एक पावरफुल बॉय था जिस जो जिसमें सारी क्वालिटी थी एवरी क्वालिटी और इनमें से एक जो था इसके कंपेयर में वो उतना पावरफुल नहीं था बी तो पावरफुल के साथ सी ने दोस्ती कर ली यहां पर डिस्प्लेस कर लिया और सी के साथ दोस्ती कर ली और बी बेचारा क्या हो गया अलग हो गया तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मोर रिएक्टिव एंड लेस रिएक्टिव क्लियर है दूसरी बात आती है यहाँ पे ए बी सी डी मतलब दो दो दोस्त है ठीक है ना दो दोस्त हैं और वही वाली बात है अपोजिट अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर है ना वही वाली बात है यहां पर तो सेम यहां पे भी यही होगा एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाएगा क्या हो जाएगा एक्सचेंज हो जाएगा आयंस के तो यहां पे जैसे ए ने एक्सचेंज इनका हुआ ए और सी का और बी का किसका हुआ डी के साथ हुआ तो ये बन जाएगा ठीक है तो ये इस तरीके से आपको ध्यान रखना है और ये इसके सामने क्या है इनके एग्जाम्पल हैं एक एक एग्जाम्पल पूछा है यहाँ देखिए तीन एग्जाम्पल इसके भी दिए हुए हैं और दो एग्जाम्पल मैंने इधर भी बता दी डबल डिस्प्लेसमेंट का एक आपको करके बताया और एक आपके सामने ये है तो इस तरीके से आपको याद कर लेना है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका ट्वेंटी एट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए एक डायग्राम दिया हुआ है और क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द गैसेस इवॉल्व एट द एनोड एंड कैथोड मतलब एनोड और कैथोड पे हमें कौन सी गैसेस मिल रही हैं आप ये बताइए फिर पूछा है नेम द प्रोसेस ये कौन सी प्रोसेस है और वाई इज इट कॉल्ड सो इस जो भी प्रोसेस का नाम है उसे वो प्रोसेस क्यों बोलते हैं फिर लिखा है इलिस्ट्रेट द रिएक्शन ऑफ द प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन ठीक है है ये देखना चलिए हम देख लेते हैं तो पहली बात यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे, तो तो पे लिखा है ब्राइन। ब्राइन पहले क्या होता है ये जान लें ब्राइन होता है एनएसीएल सोल्यूशन क्या होता है एनएसीएल सोल्यूशन है ये आपका स्पेशली कॉन्सेंट्रेट NaCl सोल्यूशन होता है तो ब्राइन है हमारा ये अब देखिए यहां पर जब ये ब्राइन लिया गया है यहां पर दिख रहा है आपको तो जब ये यहाँ तो यहां पर माइल्ड स्टील होगा ये आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है यहाँ पे और लिखा है बाद में तो जब ये ब्राइन यहाँ पे आता है तो क्या होता है नो no डाउट है इलेक्ट्रोलिस की प्रोसेस होगी जब इलेक्ट्रोलिस की प्रोसेस होती है तो इट विल ये ब्रेक हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा मतलब किसमें Na+ एन प्लस में और Cl- माइनस में ठीक है ये प्रया दूसरी बात मैंने बोला क्या एन सॉल्यूशन सल्यूशन है तो कहीं ना कहीं वाटर इसमें है ठीक है तो वाटर जो इसमें है वो भी क्या होगा ब्रेक होगा होगा ही होगा और एच प्लस और ओ एच माइनस तो यहाँ पे देखिए ओव एच माइनस आइन इस तरीके दिखा दिया एन ए दिखा दिया पूरा कंप्लीट डायग्राम तरीके से नहीं दिखा लेकिन मैं आपको समझा दे रही हूँ फिर से चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं मतलब मतलब ये ब्राइन ब्राइन है ब्राइन मतलब क्या है मेरी नजरों में कॉन्सेंट्रेट एन सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं ये सॉल्यूशन ठीक है अब ये जो एनए सॉल्यूशन ये लिया गया इसका मतलब सॉल्यूशन सोल्यूशन वाटर था सॉल्यूशन मिला हुआ है अब जब यहां पे अंदर इलेक्ट्रिस की प्रोसेस हो रही है तो सिंपल सी बात है कि एनए प्लस और सी एल माइनस में क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा दूसरी चीज यहां पे वाटर है वाटर है तो ये एच प्लस और ओ एच माइनस में ब्रेक हो जाएगा ठीक है अब देखिए ये है एनोड ये है कैथोड पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज तो जब हम सिंपल सी बात है कि जो जिन पे पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो जैसे एनए प्लस है ये यहां जाने लगेगा इवन जो हाइड्रोजन की मैं बात करूं तो ये भी इधर जाएगा है ना मतलब अब देखा जाए तो हाइड्रोजन क्या है गैस है गैस कहां पे जा रही है कैथोड पे इधर की बात की जाए तो यहां पे बचा था क्या सीएल सीएल माइनस आएगा इस तरफ एनोड की तरफ ठीक है आएगा सिंपल विद ओ एच माइनस की जो बात कर रहे वो भी हमारा इधर ही आ रहा है तो मतलब गैस की बात करें तो सीएल आ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि हमें कैथोड पे क्या मिल रहा है कैथोड पे मिल रहा है Hydrogen. क्या मिल रहा है हाइड्रोजन गैस हमसे ये क्वेश्चन पूछा ना आइडेंटिफाई तो हमें कैथोड पे तो हाइड्रोजन मिल रहा है दूसरा अब पूछा है एनोड एनोड पे क्या मिलेगा तो पे हमें जो मिलेगा ये देखिए क्लोरीन था क्लोरीन पे माइनस चार्ज है आपका तो वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा तो यहां पर हमें क्या मिल रही है क्लोरीन गैस मिल रही है क्या मिल जाएगी क्लोरीन गैस तो पहला तो जो आइडेंटिफाई द दैसेज इवॉल्व कैथोड इन दी दीव एक्सपेरिमेंट सेटअप तो क्या होगा इसका आंसर होगा एट एट कैथोड वी वी विल विल फाइंड फाइंड हाइड्रोजन एंड एनोड क्लोरीन गैस ठीक है अब आप यदि इतना चीज क्लियर हो गया तो इसको देख लेते हैं देखिए यहां पे लिखा हुआ है एनोड पे देखिए क्लोरीन मिल रहा है और कैथोड पे क्या मिल रहा है आपको हाइड्रोजन मिल रहा है तो ये चीज समझ में आ गई कहीं कंफ्यूजन यहां पे नहीं होना चाहिए कैथोड पे हाइड्रोजन मिल रहा है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे और नेगेटिव होंगे पॉजिटिव की तरफ यहाँ पे ये यह क्या है एनएसीएल सॉल्यूशन है ये एनएसीएल सॉल्यूशन है और एन सॉल्यूशन ब्रेक होगा किस में एन प्लस और सी माइनस में ठीक है हाइड्रोजन जो ब्रेक है ब्रेक होके गए एच प्लस और ओ एच माइनस में जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ हाइड्रोजन है ये जा रहा है किसमें नेगेटिव की तरफ यहाँ पे देखिए पॉजिटिव क्या था ये जा रहा है नेगेटिव की तरफ अब ये जो क्लोरीन है ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है और ये भी नेगेटिव है तो क्या है ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है हमसे पूछा गया है गैसेस के बारे में तो भाई हाइड्रोजन गैस होती है जो कहा मिल रही कैथोड पे तो आंसर कैथोड पे क्या हो जाएगा कैथोड पे हो जाएगा हाइड्रोजन क्लियर है और एनोड पे क्या है क्लोरीन दिख रहा है अब आप हाइड्रोक्साइड यहां पे तो गैस के फॉर्म में नहीं दिख रही ना क्लोरीन है तो क्लोरीन किस पे मिलेगा आपको एनोड पे तो ये आपको मिल गया क्या क्लोरीन तो ये आपका आंसर हो गया पहले वाले का दूसरा पूछे नेम द दे प्रोसेस दैट अकर्स ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस क्लोर अल्कली प्रोसेस अल्कली प्रोसेस अब यहां पूछा है वाई इज इट कॉल्ड सो क्लोर अल्कली क्लोर से मतलब होता है यहां पे मिल रहा है क्लोरीन ठीक है और अल्कली मतलब कि यहां पे क्या मिल रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब कि अपने को अल्कली मिल रहा है और साथ साथ क्लोरीन तो मिल ही रहा है और इसके साथ साथ क्या मिल रहा है अपने को हाइड्रोजन गैस मिल रही है हाइड्रोजन भी मिल रहा है ना इसमें तो यहां पर ये जो क्लोर अल्कली प्रोसेस होती है इसमें अपने को एन मिलता है इसके अलावा क्लोरीन मिलता है इसके अलावा क्या मिलता है हाइड्रोजन मिलता है अब नेक्स्ट बोला है द रिएक्शन ऑफ द प्रोसेस विद हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन तो आपको केमिकल इक्वेशन यहां पे दिखाना पड़ेगा तो यहां पे आपने क्या लिया था बस की प्रोसेस भी यहां शो कर देंगे रिएक्शन किसकी हो रही है एनओएएस की हो रही है किसके साथ हो रही है वाटर के साथ रोइे यहां पे तो वाटर के साथ यहाँ पे रिएक्शन को आप दिखा देंगे अब सिंपल सी ये बात है जब हम यहाँ पे ये यह रिएक्शन रही दिस इज रिएक्शनएल फिर से करके दिखा देती सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया इतना आपको क्लियर क्लियर हो गया होगा फिर से देख लेते हैं एक बार क्लियर नहीं हुआ है तो ये चीज फर्स्ट का क्वेश्चन हो गया अपना यहां पर ए जो था बी था नेम द प्रोसेस प्रोसेस क्या है हमारी प्रोसेस का नाम है क्लोर अलकली प्रोसेस क्लोर अलकली प्रोसेस क्यों है ये क्लोर क्योंकि इसमें हमें क्लोरीन भी मिलता है अल्कली भी मिलता है और हाइड्रोजन भी मिल रहा है सिंपली ठीक है अब क्या है रिएक्शन की बात की है तो आपने ब्राइन सोल्यूशन लिया है मतलब NaCl विद रिएक्ट विद वॉटर वॉटर के साथ सोल्यूशन है इलेक्ट्रोलिस हुआ और जब हुआ तो क्या बन रहा है एन बनेगा प्लस टू प्लस हाइड्रोजन इट इज़ अल्कली, ये क्या है ये अल्कली मिलेगा और ये क्या है हमारा ब्राइन ये ब्राइन सोल्यूशन मिलेगा अपने को तो इस कारण से ये जो प्रोसेस हो रही है यहां पे तीन चीजें मिलती हैं क्लोर क्लोरीन को देखते हुए बोला है क्लोर अलकली प्रोसेस और तो अलकली मिल रहा है इसको हम क्लोर अलकली प्रोसेस बोलते हैं क्योंकि इसमें क्लोरीन मिल रहा है अलकली मिल रहा है हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व हो रही है वे भी मिल रही है और तो ये रिएक्शन की बात करें तो आपके सामने ये रिएक्शन होगा जो रिएक्शन सामने दी हुई है तो ये रहेगा क्या आंसर मेरे ख्याल से बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कहीं भी आपको अच्छे तरीके कैसे ये क्लियर हो गया होगा आइडेंटिफाई द गैसेस इवॉल्वड एट द एनोड एंड कैथोड तो एनोड पे अपने को क्या मिल रहा है एनोड पे मिल रहा है क्लोरीन और कैथोड पे मिल रहा है क्या हाइड्रोजन नेम द प्रोसेस डेट आकर दैट प्रोसेस इज अ क्लोर-अल्कली प्रोसेस व्हाई इज इट कॉल्ड सो बिकॉज़ क्लोर-अल्कली का मतलब होता है कि क्लोर-अल्कली मतलब क्लोरीन

एनोड क्लोरीन कैथोड के थोड़ हाइड्रोजन लोगे आपका क्लोर अल्कली प्रोसेस द प्रोडक्ट ऑफटेंड आर अल्कली क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस दिख रहा है फिर देखिए यहां पे दिखाया NaCl लिया और किसके रिएक्शन कर रहे हैं वाटर के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा टू एन एच सो सी एल टू और हाइड्रोजन रिएक्शन को आप बैलेंस कर लीजिएगा सिर्फ टू मोलिकूल आपको लगाना है यहाँ पर और सिंपली हो जाएगा तो अपने को क्या मिल रहा है यहाँ पे एनएच अल्कली मिल रहा है क्लोरिन गैस मिल रही है और साथ साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है ठीक है तो ये हो जाएगा क्या हमारा इस क्वेश्चन का आंसर चलिए नेक्स्ट है द लीव ऑफ अ प्लांट भाई आ गया क्वेश्चन बायो का तो अब मैं बुलाती हूं आपकी बायो के टीचर को क्वेश्चन नंबर द लीव्स ऑफ अ प्लांट वो कवर्ड विध एल्यूमिनियम फॉइल हाउ वुड इट एफेक्ट द फिजोलॉजी ऑफ द प्लांट ठीक है जो लीव्स हैं उनको हमने एल्यूमिनियम फॉइल से क्या कर दिया कवर कर दिया अब बेटा लीव्स में होते हैं क्लोरोप्लास्ट ठीक है क्लोरोप्लास्ट ही जो है वो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं और उसी से क्या होता है फोटोसिंथेसिस ओके okay? जब हमने लीफ को कवर कर दिया तो क्लोरोप्लास्ट लाइट एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा फर्स्ट पॉइंट देर विल बी नो फोटोसिंथिस अब सेकेंड होता है लीव्स में प्रेजेंट होता है स्टोमेटा अब हमने स्टोमेटा को कवर कर दिया तो रेस्पिरेशन के लिए चाहिए होता है ऑक्सीजन ठीक है तो जो स्टोमेटा है वो ऑक्सीजन अंदर नहीं ले पाएंगे थर्ड हो गया कि स्टोमेटा से ही ट्रांसपिरेशन होता है है ना तो ट्रांसपिरेशन भी नहीं होगा अब ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो सक्शन फोर्स नहीं क्रिएट होगा तो जब ट्रांसपिरेशन फुल पुल क्रिएट नहीं होगा, तो क्या होगा वाटर और मिनरल्स जो हैं वो ऊपर तक अपर डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाएंगे है ना तो क्या होगा तो ऐसे करके पूरी फिजियोलॉजी जो है प्लांट की वो क्या होगी इफ़ेक्ट होगी कैसे होगी अपन आंसर रीड करते हैं नो फोटोसेंथेसिस विल अकर एंड नो ग्लूकोज सो देर विल भी नो ग्लूकोज ठीक है लाइट एब्जॉर्ब नहीं हो रही तो फोटोसेंथेसिस नहीं होगा फोटो सिंथेसिस नहीं होगा तो ग्लूकोज भी नहीं होगा ओके okay? अब क्या होगा ऑल्सो नो रेस्परेशन विल टेक प्लेस एज नो ऑक्सीजन विल बी टेकन इन ठीक है स्टोमेटा भी बंद है तो ऑक्सीजन कैसे अंदर आएगा नो ट्रांसपेरेशन ट्रांसपेरेशन भी नहीं होगा सो देर वुड बी नो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स ठीक है अब अपवर्ड मूवमेंट भी नहीं होगा किन का वाटर और मिनरल्स का फ्रॉम द सॉइल एज देयर विल बी नो ट्रांसपेरेशनल पुल और जो टेम्परेचर रेगुलेशन है जो टेम्परेचर रेगुलेशन है ट्रांसपेरेशन के कारण हो रहा है वो भी इफेक्ट होगा टेम्परेचर रेगुलेशन ऑफ लीव सर्फेस विल बी अफेक्टेड ओके okay. ये सारे रीजंस हैं कि अगर हमने लीव्स को एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर लिया तो ऐसे पूरी जो प्लांट की फिजियोलॉजी है वो क्या होगी इफेक्ट होगी बढ़ते हैं आगे इसी में और में क्वेश्चन दिया है हाउ इज लिम्फ एन इम्पोर्टेंट फ्लूड इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन ठीक है लिम्फ क्यों इम्पोर्टेंट फ्लूड है और वो कैसे ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है इफ़ लिफेटिक वेसल्स गेट ब्लॉक हाउ वुड इट इफेक्ट द ह्यूमन बॉडी क्या करना है अपन को इलेबरेट करना है उसको एक्सप्लेन करना है अब जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं वो अगर ब्लॉक ब्लॉकड हो गई ठीक है तो कैसे हमारी बॉडी पे वो इफ़ेक्ट लाएगा तो सबसे पहले क्या होता है जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं जो लिम्फ होता है सॉरी जो लिम्फ होता है वो क्या होते हैं वो फैट्स को एब्जॉर्ब करते हैं इंटेस्टाइन से और ब्लड स्ट्रीम तक ले जाते हैं ठीक है लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एबजॉर्ब फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन ओके एंड ड्रेन्स एक्सेस फ्लूड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इन द ब्लड अब ये क्या करते हैं जो एक्सेस फ्लूड जब आर्टरी से कैपिलरीज तक जा रहा था और कैपिलरी से ब्लड कहाँ जा रहा था टिश्यू में सॉरी वेन्स में तो वहाँ पे कुछ लिम्फ जो है वो पीछे रह जाता है ठीक है कुछ फ्लूइड सॉरी वो पीछे रहता है वो फ्लूड क्या होता है प्लाज्मा होता है और डब्ल्यू बी सीज होते तो वो जो प्लाज्मा और फ्लूड पीछे रह गया वो कौन लाने का काम करता है ब्लड तक लिम्फ लाने का काम करती है ठीक है लिम्फ वेसल्स लाने का काम करती है और वो कहाँ ड्रेन करती हैं ब्लड स्ट्रीम में ठीक है ब्लॉकेज ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम विल लेट टू वाटर रिटेंशन एंड पुअर फैट अब्जॉर्बशन इन द बॉडी अब लिम्फेटिक वेसल अगर ब्लॉक हो गई है तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस पे फ्लूड भरा हुआ है जो एक्सेस में फ्लूड है जो आ, क्या ब्लड आर्टरी से कैपिलरी से वेंस तक जाना था पर वो कुछ रह गया अब लिम्फेटिक वैसे ब्लॉक हो गई तो वो वापस उस फ्लूट को ब्लड में ड्रेन नहीं कर पाएगा इसलिए क्या होगा वाटर का वहाँ पे एक्यूमुलेशन हो जाएगा और फैट एब्जॉर्बन में भी ये इफेक्ट डालेगा ठीक है क्योंकि लिम्फ लिम्फ का ही काम होता है जो डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फूड है उसको ब्लड स्ट्रीम तक ले जाने का अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं रोहित वॉन्ट्स टू हैव एन इरेक्ट इमेज फिजिक्स का क्वेश्चन प्लीज मैम आइए चलिए तो अब बढ़िया बढ़िया सा क्वेश्चन आ चुका है सेक्शन uh, सी का क्वेश्चन है ये तो रोहित इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कन्वर्जिंग मिरर ऑफ अट्टी सेंटीमीटर अब रोहित है उसको क्या चाहिए इरेक्ट इमेज चाहिए इरेक्ट मतलब की सीधी इमेज चाहता है और उसने कॉन्वर्जिंग मिररर का यूज किया है जिसकी फोकल लेंथ है फोर्टी सेंटीमीटर अब देखिए मिरर आपका कौन सा होता है तो मिरर जो है वो होता है concave mirror. Clear है कॉनकेव मिरर मिरर क्लियर तो मतलब किस mirror का वो यूज कर रहा है कॉनकेव मिरर का यूज कर रहा है उसकी फोकल लेंथ है फोर्टी सेंटीमीटर क्लियर है स्पेसिफाई द रेंज ऑफ द डिस्टेंस वेयर द ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर जस्टिफाई अब देखिए अगर

ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ द मिरर तो ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस होना चाहिए तो ऑब्जेक्ट मस्ट प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल ठीक है किस तरह से प्लेस होना चाहिए ये देखिए ये रहा आपका कॉन्केव मिरर क्लियर है यहाँ पर आपने प्रिंसिपल एक्सेस बनाई ये रहा आपका पोल क्लियर है और यहाँ पर हमने बना दिया फोकस और ये है सेंटर तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होना चाहिए बच्चों ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ रखा होना चाहिए तो ये हो गया आपका ए आंसर क्लियर हो गया यहाँ से सभी को कोई डाउट नहीं होगा आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट uh, क्वेश्चन क्या पूछा है ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस अब चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमने ऑब्जेक्ट को रखना तो बता दिया लेकिन इसका इमेज कैसा बन रहा है इरेक्ट बन भी रहा है कि नहीं चलिए चेक कर लेते हैं तो देखिए हमने यहाँ पर क्या किया ये हो गया आपका पोल ये हो गया फोकस ठीक है ये लाइन थोड़ी सी सीधे में बना देती हूँ ठीक है और ये रहा अरे एक सेकेंड ठीक है और ये रहा आपका फोकस ये रहा सेंटर और ये था आपका ऑब्जेक्ट ठीक है अब इसमें हम क्या रूल लगा दें तो जो भी लाइन इससे सीधी जाएंगी तो वो किससे होकर के जाएंगी आपके फोकस से होकर के जाएगी क्लियर है जो लाइन लाइट रेस जो है ये आ, अगर फोकस से होकर के जा रही है तो वो कहां पर जाएंगी भाई आफ्टर रिफ्लेक्शन भैयाल हो जाएंगी क्लियर जा है वो कहां जाएंगी वो उसी एंगल से वापस चली जाएंगी क्लियर है तो किसी भी अब देखो इसको थोड़ा सा और क्लियरली मैं ड्रॉ करके बताऊ आपको ठीक है तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं थोड़ा सा हॉच पॉच ना करें पोल फोकस एंड सेंटर आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा ठीक है पैरेलल लाइन आई और कहाँ से होकर के जाएंगी इस तरह से फोकस से होकर के जाएगी क्लियर है अब अगर पोल से जा रही हैं तो पोल से ही निकल जाएंगी क्लियर है अब अगर ये दोनों लाइन को देखो तो क्या आगे जाके कहीं मिलेंगी नहीं मिलेंगी इनका जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जाएगा क्लियर है तो अब क्या करें इनको कैसे मिलाएं तो हम इनको वर्चुअली आगे की तरफ मिलाएंगे के बैक साइड पर तो ये बैक साइड पर मिल गई अब इस केस में आपको कैसी इमेज मिलेगी आपको इस केस में जो इमेज मिलने वाली है बच्चों वो कैसी मिलेगी इरेक्ट मिलेगी इरेक्ट मतलब कैसी मिलती है सीधी ठीक है वर्चुअल एंड इमेज कैसी होगी एंड लार्ज ठीक है इस तरह से ये आपका ऑप्शन नंबर बी का आंसर होगा क्लियर हुआ ठीक है तो ऑब्जेक्ट की इमेज इस तरह से मिल जाएगी स्टेट 1 यूज ऑफ द मिरर बेस्ड ऑन द अबव काइंड ऑफ फॉर्मेशन तो सबसे ज्यादा इजी क्या है जो आप अपना मिरर यूज करते हो शेविंग करने के लिए तो शेविंग मिरर में ठीक है हम किसका यूज करते हैं इस तरीके के मिरर्स का यूज करते हैं क्लियर है अगर आप इसका आंसर लेना चाहते हो या फिर डॉक्टर्स जो है डेंटिस्ट जो है वो टीथ के चेक करने के लिए भी इसका यूज करते हैं सो द ऑब्जेक्ट हैज टू बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस बिटवीन जीरो टू फोर्टी सेवन फोर्टी सेंटीमीटर जीरो टू फोर्टी सेवन सेंटीमीटर क्यों लिखा हुआ है क्योंकि फोर्थ फोकल लेंथ क्या है आपकी फोर्टी सेंटीमीटर है तो ऑब्वियसली बात है ऑब्जेक्ट को जीरो से फोर्टी सेंटीमीटर के बीच में कहीं पर आपको रखना होगा इरेक्ट इमेज मिलेगी वर्चुअल होगी मैग्नीफाइड होगी मतलब वही एंड होगी एंड ऑब्जेक्ट जब एफ और पी के बीच में रखा हुआ है ये रहा रे डायग्राम और ये रहा इसका यूज चलिए अब आगे की तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ फाइव सेंटीमीटर इज बींग यूज बाय द देव श्री इन द लेबोरेटरी एज मैग्नीफाइंग ग्लास अब हमने कोई भी लेंस यूज किया हुआ है जिसका फोकल लेंथ फाइव सेंटीमीटर दिया हुआ है हर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर मतलब कि <coughs> जो उसका डिस्टिंक्ट विजन है है ना जितना वो दूर देख सकती है वो कहाँ तक देख सकती है 25 सेंटीमीटर तक है ना 25 सेंटीमीटर तक देख सकती है 25 सेंटीमीटर के पहले का उसको देखने में दिक्कत है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन लीस्ट डिस्टेंस मतलब सबसे कम डिस्टेंस जहां तक वो देख पा रही है वो कितना है ट्वेंटी सेंटीमीटर ठीक है सो वॉट इज द मैग्निफिकेशन ऑप्टेंड बाई यूजिंग द ग्लास अब उसको भाई ग्लास से कैसा मैग्निफिकेशन मिलेगा आपको ये बताना है है ना और उसके बाद ये भी बताना है कि शी कीप्स अ बुक एट अ डिस्टेंस टेन सेंटीमीटर फ्रॉम हर आईज एंड ट्राई टू रीड शी इज अनेबल टू रीड व्ट इज द रीजन फॉर दिस अब देखिए उसका जो लीस्ट डिस्टेंस है है ना मतलब एटलीस्ट इतना डिस्टेंस तो होना ही चाहिए ठीक है कि वो देख पाए तो वो कितना है 25 सेंटीमीटर लेकिन बुक कहाँ रखी हुई है टेन सेंटीमीटर दूरी पर अब भाई पच्चीस सेंटीमीटर से मुझे दिखना चालू होता है और पहले का मुझे दिखाई नहीं दे रहा है इतना मैं नहीं देख पा रही उसके बाद का मैं देख पाऊंगी तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि भाई दस सेंटीमीटर तो किसा है मतलब मान लीजिए उसकी आईज है है ना अभी आईज थोड़ी सुंदर बना देते हैं ठीक है मान लीजिए उसकी आंखें हैं जो कि कहाँ से देखना चालू करती है इसके बाद उसको सब दिखेगा है ना 25 सेंटीमीटर जब हो जाएगा तब से उसको सब कुछ दिखाई देना चालू होता है लेकिन बीच का ब्लैंक है अब 10 सेंटीमीटर पे आपने कोई चीज रख दी क्या उसको दिखाई देगी नहीं क्योंकि उसको कहां से दिखाई देना दिखता है पच्चीस सेंटीमीटर से उसको देखना शुरू होता है मतलब पच्चीस सेंटीमीटर जब हो जाएगा उसकी आंख से इतनी दूरी तब उसको चीज दिखाई देगी तो दस सेंटीमीटर पर रखी हुई चीज़ उसको दिखाई देगी क्या नहीं दिखाई देगी तो यही रीजन है ना अब पर अपने को ये बताना है हमें कि जो मैग्नीफाइंग ने ग्लास यूज किया हुआ है वो कितना मैग्निफिकेशन ऑप्टेन करवा रहा है ये आपको यहां पर चीज बतानी है अब देखिए अगर बात की जाए लेंस के फोकल लेंथ की तो वो आपको कितनी दी हुई है एफ की वैल्यू दी हुई है यहां पर फाइव सेंटीमीटर क्लियर है एंड यहां पर दूसरी चीज क्या दी हुई है आपको 25 सेंटीमीटर दी हुई है जो कि उसका डिस्टिंक्ट विजन है है ना तो अब वी को अपन यहां पर 25 सेंटीमीटर को अपन क्या लिख सकते हैं यहां पर 25 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा वी की वैल्यू हो जाएगी क्लियर है तो वी क्या हो गया आपका ट्वेंटी सेंटीमीटर अब इसे हम क्या लेना पड़ेगा माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि लेफ्ट साइड पर ही अपियर होगा कोई भी चीज उसको कहाँ मिलेगी है ना क्योंकि एक फोकल लेंथ है लेंस की वो कितनी है फाइव सेंटीमीटर जो कि देवश्री यूज कर रही है है ना अब उसका जो डिस्टिंग विजन है वो ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर है तो लेफ्ट साइड पर ही वो होगा ठीक है तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा उसे ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर लेना पड़ेगा अब यहाँ से हम क्या करेंगे यू की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो क्या होता है भाई देखिए वन अपॉन एफ इक्वल्स टू क्या होता है वन बाई वी माइनस वन बाई यू होता है अब वन अपॉन एफ की जगह पर क्या लिख देंगे आप ट्वेंटी सॉरी फाइव सेंटीमीटर

तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ट्वेंटी फाइव देख लीजिए आप फाइव और ट्वेंटी फाइव को ले लीजिए ठीक है तो यहाँ पर यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो कितनी हो जाएगी फाइव माइनस वन वन बाई यू की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस वन पॉइंट यू इज माइनस सिक्स बाई ट्वेंटी फाइव या हम इसको क्या लिख सकते हैं यू की वैल्यू को यहाँ से देखिए ये हो जाएगा आपका ट्वेंटी फाइव सिक्स अब आपको पता है मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है v बाई यू होता है v की वैल्यू कितनी है ट्वेंटी फाइव यू की वैल्यू कितनी है माइनस ट्वेंटी फाइव तो माइनस वी वाई यू होगा माइनस माइनस प्लस हो गया क्लियर है ट्वेंटी फाइव इंटू सिक्स ट्वेंटी फाइव से ट्वेंटी फाइव कैंसिल मैग्नीफिकेशन कितना आएगा सिक्स क्लियर है अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रवि कैप्टा बुक एट अ डिस्टेंस ऑफ टेन सेंटीमीटर फ्रॉम द आई ऑफ ऑफिस फ्रंट हदी हरी इज नॉट एबल टू रीड एनीथिंग रिटन इन द बुक गिव द रीजन फॉर दिस तो वह रीजन क्या होगा कि उसका जो डिस्टिंक्ट विजन होगा वो ज़्यादा होगा इसी वजह से 10 सेंटीमीटर के पर रखी हुई चीज़ उसको दिखाई नहीं दे रही है मतलब कि उसे क्या है उसे नियर साइटेडनेस की प्रॉब्लम है मतलब उसे पार पास की चीजें जो है वो दिखाई नहीं देती हैं ठीक है ये देखिए इस तरह से हम अगर आंसर को देखें तो ये है क्लियर है चलिए अब आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ A student fixes a white sheet of a paper on a drawing board. He places a mag bar magnet in the center and sprinkles some iron fillings uniformly around the bar magnet. Then he tapes gently and observe the iron filling arrange themselves in a certain pattern. अब क्या हुआ कि एक white sheet के ऊपर बच्चे ने क्या किया एक bar magnet को रख दिया clear है ये bar magnet है है ना अब इसके बाद उसने क्या किया आसपास iron filling को sprinkle कर दिया तो ये iron filling कैसी हो गई arrange कुछ इस तरह sir तरह से जो फिलिंग्स uh, है वो जम गई क्लियर सो वाई डू यू इन अ पर्टिकुलर पैटर्न अब इसी पैटर्न में आयरन फिलिंग्स ने अपने आप को क्यों अरेंज किया क्योंकि मैग्नेट जो है वो क्या करता है आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है इसी अट्रैक्शन की वजह से जितनी भी आयरन फिलिंग्स हमने यहां पर रखी हुई हैं वो नॉर्थ से साउथ की इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन की तरह अरेंज हो जाएंगी च फिजिकल क्वांटिटी इज इंडिकेटेड बाय द पैटर्न ऑफ फील्ड लाइन अराउंड द बार मैग्नेट विच फिजिकल क्वांटिटी इज इंडिकेटेड तो किस फिजिकल क्वांटिटी को इंडिकेट किया जा रहा है तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को इंडिकेट किया जा रहा है मतलब की बार मैग्नेट के चारों तरफ किस क्या, क्या, क्या रिप्रेजेंट हो रहा है क्या है बार मैग्नेट के चारों तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है स्टेट एनी टू प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अब इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टी की बात करें तो क्या होती है दे नेवर इंटरसेट इच अदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर ये 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 सत्य है है बात याद क्लियर हमेशा कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी ठीक है और मैग्नेट के पास जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ रहती है जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड पास पास रहती है उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन मतलब पास होंगी तो उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है क्लियर है इसके अलावा यह है कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कहां से कहां जाती है नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की तरफ जाती है बस यही आंसर देना था बच्चों ये देखिए सबसे पहले तो वैन आर फील्ड पहले हमने आर एंड फिलिंग्स का क्वेश्चन पूछा हुआ था अगर आप इसका स्क्रीन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं तो वैन आर एन फिलिंग्स आर प्लेज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ बार मैग्नेट दे बिहेव लाइक द टाइनी मैगनेट्स द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टी मैग्नेट्स मेक दम रोटेट एंड अलाइन डैम द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन अब जैसे ही आपने सारी स्प्रिंकल कर दी आयरन फिलिंग्स को तो सबके अंदर मैग्नेटिज्म आ गया तो छोटे 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 मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेंगे मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे कि वो कहां से कहाँ जाएंगे नॉर्थ से साउथ में तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में अपने आप को अरेंज कर लेंगे द फिजिकल प्रॉपर्टी इंडिकेट बाय दिस अरेंजमेंट इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द बार मैग्नेट फिर आपसे पूछा था कि क्या फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रही है तो बार मैग्नेट के चारों तरफ ये जो आयरन फिलिंग्स फैली हुई हैं, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को रिप्रेजेंट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नेबर इंटरसेक्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर द क्लोज कर्व्स और इसके अलावा जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं वो भी आप याद रख सकते हैं क्लियर है चलिए अब अ कंपल्स नेडल इज प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर स्टेट योर ऑब्जर्वेशन फॉर द फ्लोइंग फॉलोइंग केसेस एंड गिव द रीजन फॉर द सेम इन ईच केसेस मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट इन वायर इज इंक्रीज द कंपल सिडल इज डिस्प्लेस्ड डिस्प्लेस अवे फ्रॉम द वायर अब देखो क्या हो रहा है कि कंपल सिडल को आपने कहाँ रखा हुआ है करेंट कैरिंग वायर के पास रखा हुआ है है हाँ ना अब पहली चीज हमने क्या देखा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन वायर इज इंक्रीज अब ये जो करंट का मैग्नीट्यूड था वो इंक्रीज हो गया और दूसरी चीज़ ये जो कंपस डिल है वो डिस्प्लेस हो रही है वायर से दूर की तरफ तो इसका मतलब क्या हो रहा है अब पहली चीज़ सेकंड का आंसर हम पहले देंगे पहले ये देखें कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर की बात की जाए या करंट कैरिंग वायर क्योंकि वो खुद भी एक कंडक्टर है तो वो किसकी तरह बिहेव करने लगता है एक मैग्नेट की तरह वो बिहेव करने लगता है अब मैग्नेटिक निडिल को आप अगर उसके पास रखोगे तो मैग्नेटिक निडिल अगर इस डायरेक्शन में है कि उसका नॉर्थ उसके मैग्नेट के नॉर्थ की तरफ आ रहा है तो वो ऑब्वियस सी बात है वो दूर की तरफ डिस्प्ले होगी है ना मतलब वहां से दूर की तरफ जाने की कोशिश करेगी अब दूसरी चीज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट क्यों इंक्रीज हो रहा है तो द डिफ्लेक्शन इन द कंपलडल इंक्रीजेस एज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करेंट कैरिंग कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द करेंट फ्लोइंग थ्रू इट यहाँ पर किसका मैग्नीट्यूड जो है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज वायर इज़ इंक्रीज अब अगर हमने करंट के वायर में जाने वाले करंट को इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा पहला कारण ये पूछ रहे हैं तो अगर आपने करंट को इंक्रीज कर दिया तो जैसे जैसे करंट बहता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बनती है करंट वायर के आसपास अब अगर करंट को बढ़ा दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी कैसे हो जाएंगी और स्ट्रेंथनड हो जाएंगी और ज्यादा वो भी इंक्रीज हो जाएंगी तो द डिफ्लेक्शन इन द कम्पस निडल इंक्रीजेस तो जो कंपस का निडल है वो ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा क्यों ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द करेंट कैरिंग इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द करेंट फ्लोइंग थ्रू इट तो जितना ज्यादा करेंट उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ नॉ द र डिफ्लेक्शन इन द निडल डिक्रीजेस एज द मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द बॉयर क्लियर है नाउ द नेक्स्ट तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भाई आपका वाई इज डैमेज टू द ओजोन लेयर अ काज ऑफ कंसर्न वॉट आर इट्स कॉजेज एंड वॉट स्टेप्स आर बींग टेक द लिमिट फॉर दिस डैमेज तो चलिए यह केमिस्ट्री का टॉपिक है तो मैम इसे कंटिन्यू करेंगी क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री वॉट इज डैमेज टू द ओजोन लेयर अ काज फॉर कंसर्न वॉट आर इट्स कॉजिस एंड वाट स्टेप्स आर बींग टेकन टू लिमिट दिस डैमेज ठीक है ओजोन लेयर हमें पता है कि क्या करती है वो आ, अर्थ की सरफेस को प्रोटेक्ट करती है किससे प्रोटेक्ट करती है यू वी रेडिएशन जो सन से हार्मफुल यू वी रेज अर्थ तक पहुँच रही है उसको कौन प्रोटेक्ट करके रखता है ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करके रखती है ठीक है अब इसको क्या हो रहा है डैमेज हो रहा है ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट हो रही है ठीक है उसमें डिप्लीशन हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है एक केमिकल का नाम तो आपने सुना ही होगा सी एफ ठीक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ये मेजर कंसर्न या कॉज है किसका रीज़न है ओजोन डिप्लीशन का ओके okay? ये किस में यूज़ होते हैं ये रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ होते हैं फायर एक्सटिंग में यूज़ होते हैं डैमेज टू द ओजोन लेयर इज अ कॉज ऑफ फॉर कंसर्न बिकॉज द ओजोन लेयर शील्स द सर्फेस ऑफ अर्थ फ्राम हार्मुल यू वी रेडिएशन किससे बचाता है ये हमें अर्थ को यू वी रेडिएशन से पहुंचा बचाता है ठीक है अगर हम डायरेक्ट सनलाइट अगर ह्यूमन बॉडी पर पड़ेगी तो क्या होगा स्किन कैंसर्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं स्किन कैंसर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं ठीक है फ्राम द सन विच कॉज स्किन कैंसर इन ह्यूमन बींग्स ये काय का कॉज का? होता है स्किन कैंसर का कॉज होता है सिंथेटिक केमिकल्स लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स सी एफ सीज विच आर यूज एज रेफ्रिजरेंट्स एंड इन द फायर एक्सटिंगस आर द मेन रीज़न फॉर द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर मेन रीज़न क्या है ओजोन लेयर के डिप्लीशन का सी एफ सीज ठीक है और ये कहाँ यूज़ होता है फायर एक्सटिंगस में यूज़ होता है और रेफ्रिजरेंट्स में यूज़ होता है ठीक है अब इसको हम कैसे कम कर सकते क्या स्टेप्स कंट्रीज uh, ले रही हैं तो क्या होता है एक यू है यूनाइटेड नेशन एन्वायरमेंटल प्रोग्राम उसमें क्या बताया गया है कि जो क्लोरो फ्लोरोबन है उसका यूज़ फ्रीज़ कर दिया जाए या लिमिट कर दिया जाए लिमिटेड हो जाए मतलब फ्रीज मतलब उसको कम्प्लीटली बंद कर दीजिए कर दिया जाए उसका यूज़ या तो उसके यूज़ को लिमिटेड कर दिया जाए ठीक है तो और ये किसने साइन किया ये जो यू ने प्रोग्राम जो प्रपोज किया, किया है ये काफ़ी सारी डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज ने साइन किया है स्टेप्स टेकन टू लिमिट दिस डैमेज, मैनी डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज है डायरेक्शन ऑफ यू एन ई पी यूनाइट नेशंस इन्वायमेंट प्रोग्राम टू फ्रीज लिमिट द प्रोडक्शन एंड यूसेज ऑफ सी एफ सी एक्ट लेवल्स ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर टू थर्टी सिक्स आर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन सृष्टि हीटेड इथेनॉल केमिस्ट्री का क्वेश्चन मैम प्लीज आइए और ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करिए चलिए अगेन फिर से क्वेश्चन आ गया केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 34 से 36 तक ये देखा जाए तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जिसमें जो 34 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है केमिस्ट्री का क्वेश्चन है तो देख लेते हैं सृष्टि हीटेड इथेनॉल विद अ कंपाउंड ए सृष्टि इथेनॉल मतलब C2H5OH ले रही है और किसके साथ रिएक्शन करवा रही है किसी कंपाउंड के साथ जो कि कंपाउंड क्या है ए है क्लियर है

तो कोई कंपाउंड बनेगा जिसमें से एक इथेनॉल बन रहा है C2H5OH और एक कंपाउंड कोई और बन रहा है जो मिल रहा है C ये बात बोली गई है तो ये कंडीशन हमने बोली है फिर बोला है आइडेंटिफाई ए एंड सी अब ये ए क्या है और सी क्या है ये हमें बताना है फिर दूसरा बोला है गिव वन यूज ईच ऑफ कंपाउंड ए एंड बी फिर ये ए और बी का अपने को क्या यूज बताना है इसके अलावा राइट द केमिकल रिएक्शन एंड नेम द रिएक्शन उनका नाम बताना है और केमिकल रिएक्शन बताना है ठीक है तो चलिए एक एक करके यहाँ पे देख लेते हैं तो कलर चेंज देख लो भाई कोई कलर ले लेते हैं यहाँ पे बोला है सी टू एच फाइव ओ एच किसी कंपाउंड से रिएक्शन करता है स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ तो स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है वो जो कंपाउंड होता है वो तब बनता है जब इथेनॉल कहीं ना कहीं किसके साथ रिएक्शन करता है इथेनॉइक एसिड के साथ तो जब इथेनॉल को मैं किसके साथ रिएक्शन करवाऊंगी इथेनॉइक एसिड के साथ मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं जिसको हम एसिटिक एसिड एसेट भी बोलते हैं किसके साथ सी एच थ्री सी ओ ओ एच के साथ, साथ रिएक्शन करवाऊंगी मैं तो बनेगा क्या एक स्वीट स्मेलिंग सब जो बोला है कंपाउंड अब वो क्या बनेगा स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड हम वो देख लेते हैं सी एच थ्री सी ओ ओ सी टू एच फाइव ये बन रहा है ठीक है इसके अलावा बनेगा वाटर मॉलिक्यूल दिख रहा है तो ये जो बन रहा है स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड वो क्या है आपके सामने दिख रहा है दिस इसको हम क्या बोलते हैं इथाइल एसिटेट भी बोलते हैं और इथेनॉइड भी बोलते हैं ठीक है ना तो इट इज इथाइल एसिटेट या एसिटेट बनेगा या हम इसको क्या बोलते हैं इथाइल इथेनॉइड ठीक है ये चीज हो गया तो आपको समझ में आया कि ए नंबर पे क्या रहेगा ए नंबर पे जो है वो है एसिड। ए नंबर पे क्या आएगा एसिड, जिसको हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं एसिड है, जो ए लिया हमने अब फिर हमसे बोला था कि बी जो बन रहा है वो क्या था बी देखिए बन गया है क्या इथाइल एसिटेट इथाइल एसिटेट बन गया है क्लियर है और सी नंबर पे देखिए अब हमारी बात आती है सी नंबर पे क्या है तो बी जो बना है हमारा बी बना था सी एच थ्री सी ओ ओ सी टू एच फाइव ये जो था हमारा ये रिएक्शन कर रहा है एन ए ओ एच के साथ जब ये एन ए ओ एच के साथ रिएक्शन करेगा तो पहली चीज उन्होंने क्या बोला कि इनको फिर से इथेनॉल मिल रहा है मतलब सी टू एच फाइव ओ एच मिल रहा है तो आप देख लीजिए और क्या चीज है इसमें जो बचा रह गया है सी टू एच फाइव यहाँ पे दिख रहा है आपको ये हो गया तो बचा क्या सी एच थ्री एन इज सोडियम एसिडेट क्या बन गया सोडियम एसिडेट या इथेनॉइड भी बोलते हैं तो सी नंबर पे जो बना वो क्या बना सोडियम एसिडेट जिसको हम क्या बोलते हैं इथेनॉइड भी बोलते हैं सोडियम इथेनॉइड भी बोलेंगे तो इतना क्लियर हो गया आपको क्या बोला था हीटेड सृष्टि हीटेड इथेनॉल इथेनॉल को हीट किया किसी कंपाउंड के साथ जो ए था और इन प्रेजेंस ऑफ क्या कॉन्सेंट्रेट एसटो एसओ फोर यहां पे आ जाएगा तो ड्रॉप वाइज जो था ऑब्जर्व स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड जो स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड थी वो क्या थी इथाइल की थी वो तब होगी जब इथेनॉइक एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो इथेनॉइक एसिड है वो ए इथेनॉइक एसिड वो ए है ए के साथ रिएक्शन होगा किसका इथेनॉल का ठीक है आप डियर स्टूडेंट कार्बन कंपाउंड्स का चैप्टर है इसमें इथेनॉल टॉपिक आप जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत बढ़िया से ये आ, बताया हुआ है तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है तो इथा इथेनॉल रिएक्शन करेगा इथेनॉइक एसिड के साथ और जब इथेनॉइक एसिड रिएक्शन करेगा तो वो स्वीट जो स्मैलिंग कंपाउंड है डेट इज एसिटेड वो बनेगा जिसका फॉर्मूला है सी एस अब इसको बोला था कि ये B को फिर से रिएक्शन करेंगे NaOH के साथ तो अगेन हमें मिल गया था क्या अल्कोहल और एक कंपाउंड और मिला जो C था वो कंपाउंड मिला क्या सोडियम एसिटेट ठीक है जिसको सोडियम इथेनोइट भी बोलते हैं तो ए बी सी हमें समझ में आ गया तो क्वेश्चन पहला था आइडेंटिफाई ए एंड सी ए क्या है फिर ए है इथेनोइ एसिड जिसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं और सी क्या है सोडियम एसिटेट है ये क्लियर हो गया दूसरी बात उन्होंने बोली गिव वन यूज ईच ऑफ कंपाउंड ए ए इथेनॉइक है इथेनॉइक जो एसिड होती है यदि हम बात करें एज यूज ऑफ हैं विनेगर में, में, में भी स्पेशली बात किया जाए और हमसे पूछा है किसका Exam, uh, B. B ethyl acetate. Ethyl acetate का जो यूज होता है इसको हम परफ्यूम में भी यूज करते हैं ठीक है ना तो उसमें यूज कहता है फिर राइट द केमिकल रिएक्शन वॉल्ड एंड नेम द रिएक्शन अब हमसे पूछा है केमिकल रिएक्शन देखिए केमिकल रिएक्शन एक तो आपके सामने ये दिख गई है ये जो केमिकल रिएक्शन थी इसको बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन कौन सा रिएक्शन बोलते हैं इसको एस्टेरिफिकेशन तो ये है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन ये जो हमारी पहली रिएक्शन हुई जहां पे हमें क्या मिल गया था ए कंपाउंड और बी कंपाउंड के बारे में बी हमें मिला जहां पे बी ने रिएक्शन किया था एनएओएच के साथ ये वाला जो था ये था हमारा सपोनिफिकेशन कौन सा रिएक्शन था ये सपोनिफिकेशन रिएक्शन क्लियर है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है यहाँ पे देखिए एक तरीके से देखा जाए तो ये एस्टर इथेनॉड जो हमारे मिल रहा है यहाँ पे एसिटेड और दूसरा क्या था सपोनिफिकेशन रिएक्शन हुआ देखिए जहां पर जो हमारा इथाइल एसिडेट था इट विल रिएक्ट विद एन एच और उसके साथ आया था इथेनॉल इत, और बना था सोडियम एसिडेट ठीक है तो दो रिएक्शन यहाँ पे राइट द केमिकल रिएक्शन ये दोनों केमिकल रिएक्शन बच्चों आ जाएगी दूसरी चीज क्या है कि क्या है इसका नाम तो पहला वाला जो रिएक्शन था जहाँ पे इथेनॉल ने रिएक्शन किया था इथेनोइक एसिड के साथ

अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है नाउ अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसमें और करके एक क्वेश्चन और है व्हाट इज द रोल ऑफ कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड व्हेन इट इज हीटेड विद इथेनॉल देखो भाई बोल रहे हैं कि इथेनॉल के साथ मतलब सी टू एच फाइव ओ एच ठीक है क्या लिया है कॉन्सेंट्रेट Concentrate है ये कॉन्सेंट्रेट एस टू एस ओ फोर है ये अब हीट किया जा रहा है कितना फोर फोर्टी थ्री के पे रिएक्शन इन्वॉल्व मतलब बोल रहे हैं कि गिव द रिएक्शन इन्वॉल्व इसमें क्या होगा देखिए इसमें क्या होगा बच्चों वाटर डिहाइड्री सिंपली बात कर डिहाइड्रेशन होता है इसमें तरीके से देखा जाए ये डिहाइड्रीफाइंग का एजेंट का काम करता है इसमें फोर ये वाटर को क्या कर देगा रिमूव कर देगा तो यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा क्या सी टू सी टू एच फोर प्लस वाटर यहाँ पे जो होगा ठीक है 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 तो ये चीज बोला है, बोला फिर बाय फॉरगेट लेबल द टेस्ट ट्यूब इसके पास टेस्ट ट्यूब था रिशु के पास और उस पर लेबल करना भूल गई और एक में क्या था कंटेनिंग इथेनॉल और एक में था इथेनॉइक एसिड तो ए वाला तो ये आपको समझ में आ गया ठीक है कि यहाँ पे बोला कहता है कॉन्सनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम हीट करते हैं किसके साथ इथेनॉल uh, के साथ हम हीट करते हैं और कितने 443 फोर्टी पे तो देखते हैं क्या कि अपने को uh, ये एक तरीके से डीहाइड्रीफाइंग हाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है और डीहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब कि वाटर को एक तरीके से पूरा का पूरा रिमूव कर देता है तो देखिए यहाँ से वाटर मोलिक्यूल रोड्यूस जाएंगे और आपको यहाँ पे देखो दिख रहा क्या मिल रहा है सी मिलेगा यहाँ पर तो ये चीज़ आपको दिख रही है एक तो रिएक्शन ये हो गया दूसरा है रिशू बाय मिस्टेक फॉरगेट टू लेबल दैन टू टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग इथेनॉल एंड इथनोइक एसिड ठीक है सजेस्ट एन एक्सपेरिमेंट टू आइडेंटिफाई द सब्सटेंस करेक्टली इलस्ट्रेट द रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन तो देखो क्या आता है कि इथेनॉल और इथनोइक एसिड एक टेस्ट ट्यूब में क्या है इथेनॉल है और दूसरे में क्या है बच्चों इथनोइक एसिड है यह चीज दिया हुआ है अब आपसे पूछा है कि क्या उन्होंने बोला कि आपको पता करना है कि भाई क्या होगा तो मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल दूं इथेनॉइक एसिड जो होता है यदि हम इसका रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट के साथ करवा देंगे तो ये ब्रिस्क कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स दिखाई पड़ेंगे गैसेस प्रोड्यूस होगी और बबल्स दिखेंगे बट ऐसी कंडीशन इथेनॉल के साथ नहीं होती है उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं देगा और इस तरीके से हम समझ आएंगे क्या कि किसमें कौन सा मटेरियल है मतलब कौन सा कंपाउंड है इथेनॉल है या वो क्या है इथेनॉइक तो मैंने क्या बोला इथेनॉइक एसिड या इथेनॉल हम क्या करेंगे जो टेस्ट ट्यूब में लिया है उनको हम पहले रिएक्शन करवा के देख लेंगे पहले हम इथेनॉइक का देख लेंगे सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों में से किसी के साथ भी रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या बनाएगा ये बनाएगा सिंपल एंड सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी ब्रिस्क जिसको हम सिंपली बोलते हैं बनेगा बबल्स के फॉर्म में फिजी फॉर्म में दिखाई पड़ेगा अपने को जबकि इथेनॉल के साथ ऐसी कोई कंडीशन इसमें नहीं

क्या चीज सी एच थ्री एच जब रिएक्शन करेगा तो सिंपल सी बात जो मिल रहा है आपका मेनली ये तो लिखा है रिएक्टिंग रिए सोडियम कार्बोनेट और बाय कार्बोनेट विद्जाम्पल इथेनॉल विल नॉट रिएक्ट यहां पे कोई रिएक्शन इथेनॉल नहीं करेगा इज जो इथेनोइक एसिड है गिव ब्रिस्क फ्र जो देगा वो किसके कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है इस कारण से बबल्स निकलेंगे और हम समझ जाएंगे कि भाई यहां इथेनॉलिक एसिड है और इथेनॉल में ऐसी कोई रिएक्शन नहीं होगी तो ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा चलिए देखते हैं वाई इज पॉसिबल कंस अगेन बायो का क्वेश्चन तो बुलाते हैं आपकी बायो के टीचर को क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव वाई इट is नॉट पॉसिबल टू reconstruct द होल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ fragment इन कॉम्प्लेक्स multicellular organism ऑर्गेनिज्म ठीक है कोई भी एक फ्रेगमेंट से हम क्यों कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकते तो बेटा जो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें स्पेशलाइज सेल्स होते हैं ठीक है ये स्पेशलाइज सेल फॉर्म करते हैं टिश्यू और ये टिशू बनाते हैं ऑर्गन जो एक स्पेसिफिक पोजीशन में होते हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शन uh, ही परफॉर्म करते हैं ठीक है अब कोई भी एक फ्रेगमेंट हम ले लें कोई भी एक पार्ट ले लें तो उससे ये सारे स्पेशलाइज सेल कैसे बनेंगे इतना सेल डिविजन तो नहीं हो पाएगा इसलिए ये पॉसिबल नहीं है द रीज़न इज दैट मैनी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर नॉट सिंपली अ रेंडम कलेक्शन ऑफ सेल्स ठीक है ये सिर्फ सेल्स का कलेक्शन नहीं है इसमें क्या है स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं

सेक्शुअल मैचुरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव टिश्यू एंड ऑर्गन्स आर नेसेसरी लिंक फॉर रिप्रोडक्शन इल्यूसिडेट. ठीक है इस पर क्या पूछा है कि रिप्रोडक्टिव टिश्यू और ऑर्गन का सेक्शुअल मैचुरेशन क्यों ज़रूरी है रिप्रोडक्शन के लिए ठीक है तो क्या होता है बेटा कि जब तक सेक्सुअल मैचूरेशन नहीं होगा जब तक जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं अगर वो डेवलप नहीं होंगे तो तब तक जर्म सेल्स कैसे बनेंगे जो ओवम और स्पर्म है वो कैसे बनेगा जब सेक्सुअल मैच्योरेशन होगा जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर होंगे तभी इन सेल्स का फॉर्मेशन होगा ओके तो क्या लिखा है यहाँ पे सेक्सुअल मैच्योरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव टिश्यू इज ए नेसेसरी लिंक फॉर रिप्रोडक्शन बिकॉज ऑफ द नीड फॉर स्पेशलाइज्ड सेल्स ठीक है क्यों जरूरी है ये स्पेशलाइज सेल्स के लिए ज़रूरी है और वो कौन से सेल्स हैं जर्म सेल्स हैं ठीक है मेल जर्म सेल्स एंड फीमेल जर्म सेल्स स्पर्म एंड ओवम टू पार्टिसिपेट इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ठीक है ये काय के लिए जरूरी है ताकि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हो सके द बॉडी ऑफ द इंडिविजल ऑर्गेनिज्म हैज टू ग्रो टू इट्स अडल्टाइट द रेट ऑफ जनरल बॉडी ग्रोथ बिगिन टू स्लो डाउन रिप्रोडक्टिव टिश्यू बिगिन टू मैच्योर ठीक है तो क्या होता है आ, जो बॉडी है इंडिविजुअल की वो अडल्ट साइज में ग्रो करनी चाहिए ठीक है तभी ये सेक्सुअल मैचोरेशन होगा तो एक टाइम आता है जब जो बॉडी uh, की ग्रोथ है वो थोड़ा रुकने लगती है और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ग्रोथ है वो बढ़ने लगती है ठीक है A whole new set of changes in the appearance of the body takes place, like change in the body proportion, new features appear. This period during adolescence is called puberty. तो so, adolescence और puberty में हमें क्या देखने को मिलता है? हमें देखने को मिलता है कि जो physical appearance है, जो है male का हो या female का हो, उसमें हमें, हमें changes देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वो changes जब uh, sexual maturation start होता है, तो टाइम उस अपीरेंस को जो जब चेंजेस आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं प्यूबर्टी बोलते हैं ठीक है जब ये चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं तो उस पीरियड को उस ड्यूरेशन को क्या बोलते हैं प्यूबर्टी बोलते हैं ओके okay? अब इसमें और में एक क्वेश्चन है वो हम देखते हैं हाउ आर वेरिएशन यूजफुल फॉर स्पीशीज इफ देयर इज ड्रास्टिक आल्टरनेशन इन द नीश अब क्या होता है अगर नीच में कोई भी स्पीशीज़ जो एक पर्टिकुलर रोल परफॉर्म कर रही है एनवायरनमेंट में उसको हम बोलते हैं नीच ठीक है तो अगर स्पीच में वेरिएशन uh, आ जाए ठीक है और वो भी ड्रास्टिक आ जाए ड्रास्ट एकदम अचानक से सडन ड्रास्टिंग अगर उस नीच में चेंजेस आ जाए तो क्या होगा क्या होगा नीच में तो बेटा नीच में क्या होगा कि जो पॉपुलेशन है वो तुरंत की तुरंत वाइप आउट हो जाएगी मतलब ख़त्म हो जाएगी क्यों क्योंकि जो ड्रास्टिकली चेंज आया है जो वेरिएशन आया है वो उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट से कोप अप नहीं कर पाएगी ठीक है वो उस इन्वायरमेंट में सस्टेन नहीं कर पाएगी उसमें कैसे रहना उसको नहीं पता रहेगा ठीक है तो वो क्या होगा इफ़ द नीच व ड्रास्टिकली ऑल्टर्ड द पॉपुलेशन कुड बी वाइप्ड आउट However, if some variation were to बी प्रेजेंट इन अ few इंडिविजुअल इन दिस population, there would be सम chances फॉर them to सरवाइव वेरिएशन is दस यूजफुल फॉर सर्वाइवल ऑफ species ओवर टाइम ठीक है अब क्या होता है अगर वेरिएशन कुछ कुछ जो स्पीशीज हैं उसमें ही प्रेजेंट है मतलब स्पीशीज के कुछ ऑर्गेनिजम्स में ही प्रेजेंट है तो उससे जो पॉपुलेशन है वो भले ही इफेक्ट नहीं होगी ठीक है कुछ उसमें से सरवाइव करवा कर देंगे जिसमें वो वेरिएशंस नहीं आए हैं बट जिनमें आए हैं वो तो वाइप्ड आउट हो ही जाएंगे पर पूरे पॉपुलेशन वाइप्ड आउट होने से बचा रहेगा ओके okay? वेरिएशन जरूरी अगर वेरिएशन स्लो है अगर वेरिएशन स्लो है और काफी टाइम बाद आ रहा है तो वो ज़रूरी है क्यों जरूरी है सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारा इन्वायरमेंट कैसे चेंज हो रहा है सराउंडिंग्स कैसे चेंज हो रही है क्लाइमेट कैसे चेंज हो रहा है इसलिए वेरिएशन ज़रूरी है पर अगर कोई वेरिएशन एकदम से आ जाता है तो वो अफेक्ट करेगी पूरी पॉपुलेशन को क्योंकि वो जो न्यू स्पीशीज न्यू जो न्यू नीश है वो अडेप्ट नहीं कर पाएगी एन्वायरमेंट के साथ ओके नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका एक्सप्लेन हाउ द यूट्रस एंड प्लेसेंटा प्रोवाइड नेसेसरी कंडीशन फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द embryo आफ्टर इम्प्लांटेशन ठीक है यूट्रस और प्लेसेंटा क्यों ज़रूरी है क्यों नेसेसरी है ठीक है अब क्या होता है जो यूट्रस की लाइनिंग होती है यूट्रस की जो मेम्ब्रेन होती है जो लाइनिंग होती है वो कैसी होती है थिक होती है और वो रिच होती है किसमें ब्लड सप्लाई में रिच होती है जो वो ग्रोइंग एम्ब्रियो है जो एम्ब्रियो उसमें बन रहा है उसको नरिशमेंट देती है ठीक है उसको नरिश करती है कैसे नरिश करती है ब्लड के थ्रू और ये ब्लड एम्ब्रियो तक कैसे पहुंचता है प्लेसेंटा से पहुंचता है ठीक है ये ब्लड आता है मदर्स ब्लड होता है ये और ये कैसे पहुंचता है एम्ब्रियो तक प्लेसेंटा से प्रेजेंट पहुंचता है और ये प्लेसेंटा कहाँ प्रेजेंट होता है यूट्रस वॉल पे ठीक है द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा ठीक है जो भी न्यूट्रिशन है जो भी नरिशमेंट है वो एम्ब्रियो को किससे मिलता है मदर्स ब्लड से मिलता है और ये मदर्स ब्लड वहाँ पे कैसे पहुँचता है एम्ब्रियो तक प्लेसेंटा से पहुँचता है ये कहाँ एम्बेडेड होता है ये कहाँ जुड़ा होता है ये जुड़ा होता है यूट्राइन वॉल पे। जो यूट की वॉल है उससे प्लेसेंटा जुड़ा होता है किस और प्लेसेंटा एक साइड से यूट्राइन वॉल पे जुड़ा होता है और दूसरी साइड से एम्ब्रियो में ओके okay? तो ये प्लेसेंटा का काम क्या होता है कि न्यूट्रिशन नरिशमेंट ग्रोइंग एम्ब्रियो को प्रोवाइड करता है किससे मदर्स ब्लड से इट कंटेन्स विलाय ऑन द एम्ब्रियो साइड अब जो प्लेसेंटा है उसमें विलाय प्रेजेंट होती है किस साइड में एम्ब्रियो साइड में ठीक है और मदर साइड में ये जो विलाय है वो किससे कवर्ड होती है ब्लड स्पेसेस से ठीक है ठीके? तो विलाय क्या करती है जो ऑब्जॉपन एरिया है ना उसको इंक्रीज करती है ठीक है दिस प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू प्रास फ्रॉम द मदर टू द एम्ब्रियो ठीक है क्या करते हैं जो ग्लूकोज ऑक्सीजन मदर्स में प्रेजेंट है वो एब्जॉर्ब करने का काम करती है मतलब उसका सरफेस एरिया एब्जॉर्ब्शन का बढ़ाती है कौन बढ़ाती है विलाय

ठीक है वो भी किससे रिलीज होगा प्लेसेंटा से प्लेसेंटा नरिशमेंट भी देगी और वेस्ट प्रोडक्ट भी रिलीज करेगी ठीक है और वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ जाता है वेस्ट प्रोडक्ट वापस मदर के ब्लड में चला जाता है द चाइल्ड इज बॉर्न एज अ रिजल्ट ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द मसल्स इन द यूट्रस जो आ, क्या होता है जो चाइल्ड होता है वो कैसे बॉर्न करता है यूट्रेस की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं ठीक है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन उसमें होते रहते हैं जिससे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और फिर चाइल्ड का बर्थ होता है थ्रू बर्थ कैनाल जिसको हम वजाइना बोलते हैं द डायग्राम अबव इज अ स्केमेटिक डायग्राम ऑफ हाउसहोल्ड सर्किट फिजिक्स का क्वेश्चन मैम प्लीज आइए और आकर समझाइए

कनेक्ट होंगी तो जितनी भी सारी चीजें हैं ठीक है, है? वो मेन के साथ में कैसे कनेक्ट होना चाहिए तो सारी के सारे कनेक्शंस आपके कैसे होते हैं पैरेलल में कनेक्शन होते हैं तो पैरेलल में कनेक्शन होंगे तो क्या होगा आपका जो सप्लाई वोल्टेज है वो 220 वोल्ट ही सब में जाएगा और जो करंट है करंट क्या हो जाएगा आपका डिफरेंट रहेगा करंट डिफरेंट डिफरेंट जाएगा मतलब करंट जो है वो डिवाइड हो जाएगा क्लियर है करंट की वैल्यू डिफरेंट रहेगी तो पहले का आंसर समझ में आ गया कि सारे स्पेसेस मेन सप्लाई के साथ में किस तरह से कनेक्ट होंगे तो सारे के सारे स्पेसेस मेन सप्लाई के साथ पैरेलली कनेक्टेड होते हैं

द स्पेस इज थ्री एंड टू का और थ्री का रजिस्टेंस दिया हुआ है थ्री का रजिस्टेंस कितना है ट्वेंटी ओम है और टू का रेजिस्टेंस दिया हुआ है थर्टी ओम ओके सो वॉट इज द नेट रेजिस्टेंस फॉर स्पेस फाइव तो अब आपको नेट रेजिस्टेंस बताना है तो नेट रेजिस्टेंस कैसे बताएंगे आप ओवरऑल रेजिस्टेंस कैसे बताएंगे चलिए निकाल लेते हैं अब देखिए ये सारे के सारे स्पेसेस आपस में कैसे कनेक्टेड है मेन सप्लाई के साथ पैरेलली कनेक्टेड है है ना फॉर एग्जांपल अगर मैं मेन सप्लाई इसको मान लूं और यहाँ पर ये सारे रेजिस्टेंसेस स्पेसेस के कैसे होंगे आपस में पैरेलली कनेक्टेड होंगे जिनकी वैल्यू क्या क्या है एक की वैल्यू है आर इसकी भी आर एक की है टू आर एक की वैल्यू है ट्वेंटी और एक की वैल्यू है थर्टी और ये क्या दिया हुआ आपको टू ट्वेंटी वोल्ट जिसमें से कितना करंट प्रोड्यूस हो रहा है ट्वेंटी एम करंट फ्लो हो रहा है अब आपको नेट रेजिस्टेंस निकालना है सबसे पहले क्या निकालना है नेट रेजिस्टेंस या फिर ओवरऑल ओवर रेजिस्टेंस या फिर इक्विलेंट रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है तो जब सारी चीज़ें इक्वलेंट होती हैं पैरली कनेक्टेड होती है तो इक्वलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हो या इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे निकालते हो तो सबको हम इस तरह से ऐड करते हैं तो वन बाय आर प्लस वन बाय आर प्लस वन बाय टू आर प्लस वन अपॉन ट्वेंटी प्लस वन अपॉन थर्टी ठीक है अब इसकी सॉल्व कर लेते हैं हम इसे ठीक है तो यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा टू आर आ जाएगा यहाँ पर टू रहेगा प्लस टू प्लस वन ठीक है यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 63 2 है हाँ ना इसको मैं बस सिंपली सॉल्व कर रही हूं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो अब इसे और फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 by 2 r 5 by 60 क्लियर है इसे और फर्दर सॉल्व कर लेंगे इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो 5 1 और ये हो जाएगा आपका 12 क्लियर है अब देखो यहाँ पर मैं इसे सॉल्व कर रही हूँ तो इक्वल्स टू फाइव अपॉन फाइव इंटू ट्वेल्व प्लस टू आर डिवाइडेड बाय टू आर इंटू ट्वेल्व हो जाएगा ये ठीक है ये हो जाएगा फाइव टू ज टेन सिक्सटी प्लस टू आर एंड दिस इज ट्वेंटी फोर ठीक है तो ये आपका क्या आ गया है वन अपॉन इक्विलेंट रेजिस्टेंस आ गया है इक्विवेलेंट या इफेक्टिव रेजिस्टेंस अब हम इसे क्या कर लेते हैं इसको सिंपल लिख लेते हैं आर इफेक्टिव तो आर इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आ रही है ट्वेंटी फोर आर मतलब इसको हम रेसिप्रोकल फॉर्म में था सिंपल ले लेते ले हैं इसे ऊपर ले लेते हैं तो ट्वेंटी फोर आर डिवाइडेड बाई सिक्सटी प्लस कितना आ जाएगा टू आर आ जाएगा अब हमें आर की वैल्यू निकालनी है कैसे निकालें तो इतना क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा अब देखिए अब यहां से हमें पता है वोल्टेज दिया हुआ है कितना टू ट्वेंटी वोल्ट और करंट की वैल्यू दी हुई है ट्वेंटी टू एम्पियर अब हमें पता है ओम्स लॉ की हेल्प से कि वी इक्वल्स टू होता है आई इन टू आर या फिर वी बाय आई इक्वल्स टू आर क्लियर है अब वी कितना दिया हुआ है आपको टू ट्वेंटी वोल्ट आई कितना दिया हुआ है बच्चों ट्वेंटी टू और रेजिस्टेंस की हम यहाँ से वैल्यू रख देते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आई है आपकी ट्वेंटी तो ये ट्वेंटी टू से ये कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका टेन ठीक है अब इसको ध्यान से देखते चलिए तो टेन इक्वल्स टू तो कितना होगा ये ट्वेंटी फोर आर अब डिवाइडेड बाय सिक्सटी प्लस टू आर है ना अब मैं इसको यहाँ से यहाँ सॉल्व कर रही हूँ थोड़ा सा देख लीजिए तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ये इस तरफ जाएगा तो सिक्सटी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स हंड्रेड प्लस ट्वेंटी आर इक्वल्स टू ट्वेंटी फोर आर ये हो जाएगा सिक्स हंड्रेड इक्वल्स टू फोर आर एंड दिस विल बी आर इक्वल्स टू सिक्स हंड्रेड बाई फोर दैट मीन्स आर की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपके पास फोर वन जो फोर तो जाएगा टू फोर ट्वेंटी फाइव वन फाइव जीरो है ना आर की वैल्यू कितनी आई है वन फाइव जीरो ओम्स ठीक है से समझ में आया बच्चों तो वो आर की वैल्यू तो तो आ रही है, तो है तो 150 रही है है वैल्यू तो इसका मतलब अब होप आपने इसको स्क्रीन ले लिया मैं इसको रीड करती हूँ यहाँ से ठीक है तो फाइव पर भी कितना आपका रेजिस्टेंस आ रहा है, 5 पर भी, 5 पर जो आपका रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू वैल्यू कितनी है आर की वैल्यू 150, फिफ्टी दैट मीन कि वहां पर भी वैल्यू फोर होगी वॉट इज द करेंट द स्पेस थ्री अब स्पेस थ्री का करेंट बताना है अब देखिए करंट निकालना है बहुत आसान है स्पेस थ्री में ठीक है इसका ऑप्शन अब ये तो क्लियर हो गया ना आप सबको अब देखो व्हाट इज द करंट इन स्पेस थ्री स्पेस थ्री का करंट कैसे निकालेंगे अब देखो स्पेस थ्री में रेजिस्टेंस ट्वेंटी दिया हुआ है है ना ये इसका आंसर देखना है ना आर की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको ट्वेंटी ओम दी हुई है वोल्टेज कितना दिया हुआ है आपको टू वोल्ट बस यहां से इसका करेंट निकाल लेंगे अपन क्या हो जाएगा V बाय आर इक्वल्स टू आई निकालना है V कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट और ये हो जाएगा 20 तो कितना आ रहा है 11 एम्पियर

फ्यूज कनेक्ट करने से क्या होगा कि एक्सेस करंट अगर आता है तो फ्यूज जो है उसका वायर जल्दी से ही मेल्ट होकर के आपके सर्किट को ब्रेक कर देगा ब्रेक कर देने की वजह से क्या होगा आपका जो अप्लायंसेज है वो बच जाएंगे तो किस तरह से आप रखेंगे मान लीजिए कि ये है आपके अप्लाइंसेस ठीक है जिसको आपने मेन कनेक्शन से कनेक्ट किया हुआ है क्लियर है तो इन दोनों के बीच में है ना सर्किट कब कंप्लीट होगा जब आप इसके इस तरह से कंप्लीट होता है बीच में आप क्या लगा देंगे एक फ्यूज को कनेक्ट कर देंगे ठीक है जब आप फ्यूज को इस तरह से इस तरह से डायग्राम बना दीजिएगा फ्यूज कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा अप्लाइंसेस आपके सुरक्षित रहेंगे क्लियर हो गया चलिए तो यहां से इस क्वेश्चन को करेंगे खत्म और आगे आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई सो थर्टी सेवन टू थर्टी नाइन आर केस बेस्ड डेटा ओके तो केस बेस्ड क्वेश्चन है तो पहला क्वेश्चन आई थिंक ये आपके केमिस्ट्री का है तो रुचि मैम विल कंटिन्यू दिस चलिए बच्चों अब हम आ गए हैं एंड एंड तक लेवल पे तो अभी हमारा जो क्वेश्चन 37 से 39 तक का है ये कैसा क्वेश्चन है हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन है ठीक है यहाँ पे लिखा हुआ है केस बेस्ड और डेटा बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पे आ, जो लिखा है विद टू टू थ्री शॉर्ट सब पार्ट इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइडेड इन वन ऑफ दीज सब पार्ट ओके तो चलिए देखिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये पहला हमारा केमिस्ट्री का थर्टी पे टू स्टूडेंट डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ वाटर एंड एयर ऑन आयरन ऑब्जेक्ट मतलब कि देखो आयरन ऑब्जेक्ट आ रहा है इसका मतलब एयर और वाटर का इफेक्ट आया तो क्रोजन वाली कंडीशन आ गई मतलब रस्टिंग वाली प्रॉब्लम आ गई इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है वो रस्टिंग के ऊपर है किसके ऊपर है रस्टिंग मतलब क्रोजन के ऊपर है ओके आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंट कंडीशन दे मेजर द मास ऑफ ईच ऑब्जेक्ट बिफोर प्लेसिंग इट पार्शली इमर्ज इन टर्न एमल ऑफ वाटर After a few days, the objects were removed, dried, and their masses were measured. Okay. The table shows their result. You know, dekhiye, pe likha hai. object layer on a nail or thin plate.

टू ऑब्जेक्ट्स, तो भाई देखो दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं, एक सिंपल सी बात में बोलूं, दोनों ही ऑब्जेक्ट में रस्टिंग हो रही है तो कहीं ना कहीं इनका देखिए मास इंक्रीज हो रहा है आपको खुद दिखा ही दिखाई पड़ा है यहां से देखिए कंपेयर में इधर भी देखा जाए इस कंपेयर में इस पे देगा इसका मतलब है कि दोनों ही ऑब्जेक्ट में कोरोजन की प्रॉब्लम आई है इन दोनों ही ऑब्जेक्ट में क्या है आ, ये वाला इशू आया है तो यहां पे भी आप देखिए मास so, in इस कारण से इनके मास में क्या हुआ इंक्रीमेंट हुआ मतलब ये बढ़ने लगे ठीक है ना अब दूसरी बात यहां बोलिए इन अनदर सेटअप द स्टूडेंट कोटेड आयरन नेल विद जिंक मेटल एंड नोटेड आयरन नेल कोटेड विद जिंक प्रिवेंट्स रस्टिंग दे ऑल्सो ऑब्जर्व डेट जिंक इनिशियली एक्ट एज अ फिजिक

देखा जाए तो और सरफेस एरिया भी कहीं ना कहीं देखिए इसमें क्या हो रहा है देखिए एज द सर्फेस एरिया ऑफ बी इज मोर एक्सटेंट ऑफ रस्टिंग मोर तो कहीं ना कहीं आपको यहां पे दिखाई पड़ा है कि देखिए दोनों में कि इसका जो सरफेस एरिया है वो क्या है एक्सटेंट होता है तो जिस कारण से देखिए रस्टिंग भी ज्यादा इसमें दिखाई पड़ रही है आपको सबसे ज्यादा इसमें दिखाई पड़ेगी दूसरी बात जो बोली गई है कि क्या चीज सिंपली जो कोटिंग हो रही है वो क्या है इस नेम द प्रोसेस जहां पे जिंक जिंक की लेयर की कोटिंग की जाती है जब कहीं भी रस्टिंग होती है या रस्टिंग होने से पहले की सिंपल सी बात की जाए कि यदि आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर जिंक की लेयर की कोटिंग कर दी जाती है उसको हम बोलते हैं गेल्वनाइजेशन की प्रोसेस क्या बोलते हैं की प्रोसेस करते हैं जहां पर रस्टिंग की प्रोसेस नहीं हो पाती है तो वो प्रोसेस तो ये प्रोसेस का नाम पूछा है तो ये प्रोसेस हमारी क्या कराएगी गेल्वनाइज गेल्वनाइजेशन कराएगी इसके अलावा बोला है कि अदर मैथड टू प्रिवेंट तो भाई ऑयलिंग भी कर सकते हैं ग्रीजिंग भी कर

रोजन वाले पार्ट में तो ये चीज आपको क्लियर हो गई तो अब आपको समझ में आ गया नेल था थिन प्लेट था मास ऑफ ऑब्जेक्ट बिफोर रस्टिंग ये था आफ्टर रस्टिंग यहां पे चेंज हुआ मतलब कि कोरोजन के कारण इनके मास में चेंजेस हुआ दूसरी बात यदि हम बी का देखें तो सरफेस एरिया क्या था ज्यादा था मोर था जिस कंपेयर में हमें इसका मास भी बढ़ा हुआ दिखाई पड़ा तीसरी बात जो उन्होंने यहाँ पे बोली हुई है वो ये चीज था कि इन अनदर सेटअप द स्टूडेंट कोटेड आयरन नेल्स विद जिंक मेटल

रेस्टिंग विल अकर मोर्ड सपोर्ट योर आंसर विद वैलिड रीजन ठीक है यहां पे देखिए चार चीजें दी हुई हैं यहां पर और इसमें बोला है फर्स्ट देखिए ए है बोला है आयरन बकेट इलेक्ट्रोप्रिटेड विथ जिंक आयरन प्लेटेड मतलब आयरन का बकेट है जिसको इलेक्ट्रो प्लेटेड विद जिंक है फिर लिखा है इलेक्ट्रिसिटी केबल हैविंग आयरन वायर कवर्ड विद एल्यूमिनियम ये वाला कवर्ड विद एल्यूमिनियम है आयरन हिंजे ऑन अ गेट यहां पे लिखा हुआ है फिर है पेंटेड आयरन फेंस मतलब कहीं ना कहीं देखो इसमें भी रस्टिंग से प्रोटेक्शन हो रही है इसमें भी रस्टिंग से प्रोटेक्शन हो, हो, हो रही है और इसमें भी रस्टिंग से प्रोटेक्शन हो रही है ठीक है ना कहीं ना कहीं इनको कोई ना कोई ऐसी प्रोसेस की गई जिससे इनको ज्यादा रस्टिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी बट आप देखिए यहां पे लिखा है आयरन हिजिस

जो आपको बताना है तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर देखिए सिंपल से ध्यान देना है आपको ए वाला लिखा हुआ है इलेक्ट्रोप्लेटेड विद जिंक मतलब कहीं ना कहीं गल्बनाइजेशन की प्रोसेस हुई है इलेक्ट्रिसिटी केबल हैविंग आयरन वायर है लेकिन कवर्ड विद एल्यूमिनियम उसको कवर्ड करके रखा हुआ है फिर लिखा हुआ है जीवा देखो पेंटेड आयरन फेंस ये भी पेंट किया हुआ है फिर आयरन हिंजे ऑन गेट यही कहीं ना कहीं दिक्कत आ गई जो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट आ रहा है किसके कॉन्टेक्ट में एटमोसफेरिक ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में वाटर के कॉन्टेक्ट में मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में आ रहा है तो आंसर विल बी सी रहेगा इसमें तो अब आ गया क्या पेरेंट्स और मेरा तो सारे क्वेश्चन आपके लिए जितने भी क्वेश्चन केमिस्ट्री के थे अब है बायो का और देन है इसमें फिजिक्स का क्वेश्चन तो मैं आपसे बाय बाय क्वेश्चन नंबर थर्टी एट पूजा हैज ग्रीन आईज पूजा की कैसी आंखें हैं ग्रीन आईज हैं ठीक है हर पेरेंट्स एंड ब्रदर हैव ब्लैक आई और पूजा के जो मम्मी पापा हैं और उसका जो भाई है उसकी आंखें कैसी हैं ब्लैक आईज ठीक है पूजा हस्बैंड रवि पूजा का हस्बैंड है रवि उसकी आईज कैसी हैं उसकी आईज भी ब्लैक है ठीक है वाइल हिज मदर पूजा के हस्बैंड की जो मदर है उसकी आईज भी कैसी हैं ग्रीन आईज हैं ओके एंड फादर हैज़ ब्लैक आईज पूजा के पेरेंट्स की तो आंखें ब्लैक हैं ओके okay? और उसके भाई की भी आंखें कैसी हैं ब्लैक कलर की हैं पूजा की जो हस्बैंड है उन उसकी आईज कैसी है ब्लैक है ठीक है पर पूजा के हस्बैंड के मम्मी की आंखें ग्रीन हैं और पापा की आंखें कैसी हैं ब्लैक है इतना क्लियर है अब देखते हैं कि क्या पूछा है क्वेश्चन में ऑन द बेसिस ऑफ द अब गिवन इंफॉर्मेशन इज द ग्रीन आई कलर अ डोमिनेंट और रेसे ट्रेट जस्टिफाई योर आंसर अब हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे ज्यादातर लोगों की कैसी आइज़ है ब्लैक है जैसे पूजा के जो पेरेंट्स हैं, वो कैसे हैं पूजा की कैसी आइज़ है पूजा की ग्रीन आइज़ है जी से डिनोट करते हैं ठीक है थीके? उसके जो मम्मी पापा हैं, मम्मी की आइज़ कैसी हैं ब्लैक हैं फादर की आइज़ कैसी हैं ब्लैक हैं और जो वो है कौन भाई उसका ब्रदर उसकी भी आंखें कैसी है ब्लैक है ठीक है और वहीं अगर, अगर अपन रवि की बात करें रवि की आइस कैसी है रवि की आइस तो ब्लैक ही है ठीक है बट उसकी मम्मी की आंखें जो हैं वो ग्रीन है और उसके फादर की आंखें कैसी हैं ब्लैक है तो हमें ब्लैक ज़्यादा देखने को मिल रहा है देखो वन टू थ्री फोर है ना तो ये क्या है तो ब्लैक हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है तो ब्लैक जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है ठीक है ब्लैक जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है क्योंकि वो ही ज़्यादा फैमिली मेंबर्स में देखने को मिल रहा है और ये अब हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं जैसे हमें पता है कि पूजा की ग्रीन आईज है है ना पूजा की क्या है ग्रीन आईज है तो उसकी ग्रीन आईज है तो मम्मी और उस उनके पेरेंट्स में भी जो मम्मी पापा है उनमें भी जो ग्रीन है वो रेसेसिव ट्रेट में प्रेजेंट होगा ठीक है कैसे प्रेजेंट होगा देखते हम जैसे हम बात कर सकते हैं कि जो आ, पूजा के फादर हैं वो कैसे हैं हम लेते हैं ग्रीन और ग्रीन ठीक है और मदर की लेते हैं हम ग्रीन नहीं ओके mm -hmm. okay? क्या ये ब्लैक ये जो आ, कैपिटल बी है वो डिनोट कर रहा है ब्लैक आइस को और जो स्मॉल डी बी है वो डिनोट कर रहा है ग्रीन आइस को ठीक है अगर पूजा की आईस ग्रीन है तो दोनों पेरेंट्स में ग्रीन का जो कैरेक्टर्स हैं ग्रीन के जो कैरेक्टर्स हैं वो प्रेजेंट होंगे ग्रीन के जीन्स प्रेजेंट होंगे तब भी पूजा की आइस कैसी ग्रीन है ग्रीन है ओके तो क्या होता है कैसे होगा ये जस्टिफाई कैसे करेंगे हम हम ये देख सकते हैं जब हम इनको क्रॉस करवाएंगे तो क्या होगा बी बी ओके okay. थोड़ा अच्छे से समझते हैं इसको कहाँ लिखूँ मैं यहां समझते हैं ओके okay. बी बी ओके okay. अब इसकी बात करें तो बी बी इनकी बात करें तो बी बी और इनकी बात करें तो बी बी और इनकी बात करें तो बी बी ओके okay? तो हमने क्या देखा कि जो सेवेंटी फाइव परसेंट प्रजनी है जो ऑफ स्प्रिंग्स उनमें उनमें फादर मदर है किसके ये ये पूजा के फादर मदर है ठीक है उनमें हमें क्या देखने को मिल रहा है ब्लैक आईज देखने को मिल रही है क्यों ब्लैक आईज देखने को मिल रही है क्योंकि ब्लैक आईज जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है क्योंकि ज़्यादा वही फैमिली मेंबर्स में शो हो रहा है ओके okay? और वहीं जो ये बी बी है वो क्या है हमें ट्वेंटी फाइव परसेंट देखने को मिल रहा है और ये क्या है रेसेसिव ट्रेट है और पॉसिबिलिटी है कि ये क्या कौन है पूजा है कौन है ये पूजा है क्योंकि पूजा के पास दोनों ही रेसेसिव ट्रेट्स आए हैं ठीक है ठीके? वो क्या है होमोजाइगस है ओके okay? क्या है वो होमोजाइगस है क्योंकि जो उसकी दोनों एलेस हैं वो क्या है सेम है समझ में आया तो क्या हुआ क्या हुआ हमें पता चला कि जो ग्रीन आईज है वो क्या है रेसेसिव ट्रेट है क्योंकि वो अपने आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है ब्लैक आईज जो ईजिली एक्सप्रेस कर पा रहा है वो डोमिनेंट ट्रेट है ठीक है जब ग्रीन आईज के एलेल्स दोनों प्रेजेंट होंगे भी वो अपने को एक्सप्रेस कर पाएगा वट इज द पॉसिबल जेनेटिक मेकअप ऑफ पूजा ब्रदर आई कलर ओके okay? पूजा के ब्रदर का आई कलर कैसे हो सकता है ये हमने बताया है तो पूजा के ब्रदर का आई कलर या तो होमोजाइगस हो सकता है ठीक है या तो क्या हो सकता है होमोजाइगस हो सकता है दोनों जो एल एल है वो प्रेजेंट है ठीक है दोनों एक ही है एक ही टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है या तो हिट्रोजाइगस हो सकता है हिट्रोजाइगस हो सकता है क्यों हिट्रोजाइक हो सकता है कि जो ब्लैक आईज है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है वही ऑफ में शो होगा इसलिए या तो वो आ, क्या हो सकता है होमोजा हो सकता है या तो हिट्रोजाइगस हो सकता है तो इसका आंसर क्या होगा कि ब्रदर्स की वो क्या है पॉसिबिलिटी मेकअप क्या है आई कलर का बीबी -बी या तो बीबी -बी? ओके दोनों में हमें क्या शो हो रहा है ब्लैक आई शो हो रही क्योंकि ब्लैक क्या है डोमिनेंट ट्रेट है अब हम दूसरे की बात करते हैं व्हाट इज द पॉसिबल ये हो चुका है अब सी पार्ट की बात करते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ पूजा एंड रवि विल हैव ग्रीन आईज ओके आल्सो शो देयर इनहेरिटेंस ऑफ आई कलर इन द ऑफस्प्रिंग विद द हेल्प ऑफ सूटेबल क्रॉस हमें क्या बताना है कि जो पूजा और रवि हैं उनके ऑफ कैसे होंगे और उनका हमें कैरेक्टरिस्टिक शो करना है ओके okay? एक बार हम पहले फर्स्ट ए uh, और बी का आंसर देख लेते हैं येस ग्रीन आई कलर इज रेसेसिव हमने बात कर चुकी है क्योंकि ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन ये हमने देखा कि जब होमोजाइगस होता है जब दोनों एल्स सिर्फ एक ही कैरेक्टर्स के प्रेजेंट होते हैं तब भी वो रेसेसिव का जो ट्रेट है वो शो करता है अपने आपको एक्सप्रेस करता है ठीक है तो इसलिए ग्रीन क्या है ग्रीन है रेसेसिव ट्रेट फिर हमने बात करा था कि जो पूजा का भाई है ब्रदर है उसके आई का मेकअप क्या हो सकता है तो वो या तो हिट्रोजाइगस भी हो सकता है या तो वो क्या हो सकता है होमोजाइगस भी हो सकता है तो क्या उसका पॉसिबल मेकअप है बी बी एंड बी बी ओके अब हमें बात करनी है वॉट इज द प्रॉबिलिटी दैट द ऑफ स्प्रिंग हाँ अब हमें बात करनी है कि पूजा और रवि के ऑफ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग जो होंगे उनकी क्या पॉसिबिलिटी है कि ग्रीन आइस हो ठीक है प्रॉपेबिलिटी कितनी है ऑल्सो शो द इनहेरिटेंस ऑफ आई कलर इन द ऑफ स्प्रिंग विद द सूटेबल क्रॉस हमें सूटेबल क्रॉस बना के दिखाना है अब हमें पता है कि जो पूजा के पास स्ट्रेट्स हैं जो कैरेक्टर्स है वो कैसे हैं होमोजाइगस बी है, बी अब जो पूजा का हस्बैंड है पूजा के हस्बैंड जो है उसके तो ब्लैक आइज़ है पर हमें ये भी पता है कि उसकी मदर की ग्रीन आइज़ है ठीक है तो पूजा के जो हस्बैंड है उसका क्या होगा उसका होगा बी 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 कैसे होगा क्योंकि ये जो बी है ट्रेट है वो कहाँ से आएगा फादर से आएगा और ये जो ग्रीन आइज़ का ट्रेट है वो कहाँ से आएगा मदर से आएगा क्योंकि मदर की आइज़ कैसी हैं ग्रीन कलर की है ओके तो हम बात करते हैं ये ये कौन हो गया रवि हो गया रवि पूजा ठीक है अब इनके ऑफ की बात करते हैं कैसे होंगे हमें देखने को मिल रहा है कि दो हिट्रोजाइग हैं ठीक है ठीके? दो हिट्रोजाइक हैं तो 50 परसेंट कैसे होंगे ऑफ स्प्रिंग फिफ्टी परसेंट होंगे ब्लैक आइस के ओके ब्लैक आइस के होंगे और हमने हमने देखने को हम देख रहे हैं आप पे कि दो बी बी एल एल्स है स्मॉल बी के एल एल्स हैं मतलब ग्रीन ट्रेड्स हैं ये ठीक है ठीके? ग्रीन आइस के ट्रेड्स हैं तो ये क्या है होमोजाइगस हैं तो ये भी कितने हैं फिफ्टी परसेंट है ना फिफ्टी परसेंट है और ये क्या है ग्रीन आइस तो रवि और पूजा के जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो क्या शो करेंगे वो शो करेंगे 50% परसेंट ब्लैक आइस के और 50% परसेंट ग्रीन आइस के ठीक है तो क्या है जेनेटिक क्रॉस 50% परसेंट ऑफ द ऑफस्प्रिंग कैन हैव ग्रीन आइस कलर ठीक है जो 50% परसेंट है उनकी ग्रीन आइस कलर हो सकती है और जो 50% परसेंट है उनकी ब्लैक आइस कलर्स हो सकती है तो कितनी परसेंट प्रोबेबिलिटी है ग्रीन आइस होने की फिफ्टी परसेंट चांसेस हैं ग्रीन आइस होने की किसमें पूजा और रवि के ऑफ में ओके okay? आगे बढ़ते हैं फिफ्टी परसेंट ऑफ द ऑफ ऑफ पूजा ब्रदर आ ग्रीन आइट विद द हेल्प ऑफ क्रॉस शो हाउ दिस इज पॉसिबल ठीक है अब क्या है 50% पूजा के ब्रदर के जो ऑफस्प्रिंग्स है उनकी कैसी आइज़ हैं ग्रीन आइज़ हैं तो हमें ब्रदर का तो पता है एलएल क्या है है ना हमें पता है कि क्या है ये हेटेरोजाइगस और होमोज़ाइगस दोनों हो सकता है पर क्या हो सकता है ये ग्रीन आइज़ है ठीक है कितने परसेंट है 50% ग्रीन आइज़ है 50% ग्रीन आइज़ है तो इसलिए इसको ब्रदर को हमें क्या लेना पड़ेगा हिट्रोजाइगस लेना पड़ेगा तब भी जो रेसेसिव कैरेक्टर है वो शो होगा और प्रोबेबिलिटी ये भी है कि इस जो ब्रदर है उसकी जो वाइफ है उसकी आइज कैसी होगी ग्रीन आइज़ होगी जैसे हमने देखा था पूजा और उसके हस्बैंड में ठीक है हस्बैंड क्या था हिट्रोजाइगस था और पूजा की क्या थी ग्रीन आईज थी तो वैसे ही सिनेरियो यहाँ पर है क्या है कि ब्रदर जो है वो हिट्रोजाइगस है बीबी -बी और वाइफ जो है वो क्या है ग्रीन कलर की है उसकी आईज तब भी 50% क्या हुआ है ऑफस्प्रिंग में आ ग्रीन आईज मिला है ठीक है ये भी हमें क्रॉस की हेल्प से बताना है तो सेम वही जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया कैसे बीबी -बी, बी बी तो हमने क्या देखा जो दो हैं वो कैसे ब्लैक आईज है और जो दो हैं वो कैसे ग्रीन आईज है ठीक है तो फिफ्टी परसेंट हमने ऐसे शो कर दिया कि फिफ्टी परसेंट क्या है जो ब्रदर्स brother, के ऑफ ऑफ है वो कैसे ग्रीन आई के हैं ठीक है ठीके? ये हमने शो कर दिया ये तब भी शो हो सकता है जब ब्रदर के पास क्या है हिट्रोजाइगस है और वाइफ क्या है होमोजाइगस है ओके okay? ये ऐसा क्रॉस आपको बनाना है क्योंकि विद द हेल्प ऑफ क्रॉस शो हाउ दिस इज पॉसिबल इट आगे बढ़ते हैं हाँ इसका आंसर देख लेते ब्रदर इज हिट्रोजाइगस बीबी एंड वाइफ इज ग्रीन बीबी

फ्रेम्स आइडियली टू मैग्निफिकेशन एंड प्रोजेक्शन फिजिक्स का क्वेश्चन है तो मैम समझाएंगी आइए मैम समझाइए चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिजिक्स का फिर से आ चुका है तो थर्टी फाइव नंबर थर्टी नाइन नंबर का आखिरी क्वेश्चन है अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है द अव इमेजेस आर दैट ऑफ द स्पेशलाइज्ड स्लाइड प्रोजेक्टर अब देखिए स्पेशलाइज स्लाइड प्रोजेक्टर है स्लाइड आर स्मॉल ट्रांसपेरेंसीज माउंटेड इन स्टडी फ्रेम्स आइडियली डेली टू मैग्निफिकेशन एंड प्रोजेक्शन सिंस दे हैव अ वेरी हाई रिजोल्यूशन एंड अ हाई इमेज क्वालिटी अब यहाँ पर आपको एक क्या दिया हुआ है प्रोजेक्टर दिया हुआ है जो कि uh, बहुत ही मैग्निफाइड और हाई रिजोल्यूशन की पिक्चर्स बना करके दे रहा है

इरेक्ट इमेज आपको दिखाई दे रही है मतलब क्या क्या दिखाई दे रहा है पहले तो हम ये देख लेते हैं व्यूअर कैन सी द एंड लार्ज इरेक्ट इमेज ऑफ द ट्रांसपेरेंट स्लाइड्स अब ये जो भी स्लाइड्स है वो आपको कैसी दिखाई दे रही है आपको इन लार्ज दिखाई दे रही है इरेक्ट मतलब कि सीधी दिखाई दे रही है तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ रहा है यहाँ पर जितनी भी इमेजेस है उनको उल्टा रखना पड़ रहा है तो क्वेश्चन क्या पूछेंगे

टेन मीटर अवे अब जो उसने मिसेस अयर जो थी उन्होंने फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड टाइम्स एंड लार्ज इमेज उस इंसेक्ट की इंसेक्ट की वो देख पा रही हैं और इन्वर्टेड इमेज है है ना जो कि स्क्रीन से कितनी दूरी पर है टेन मीटर अवे है अब बेस्ड ऑन द टेक्स्ट एंड डेटा गिवन इन द अब पैराग्राफ वॉट काइंड ऑफ लेंस मस्ट द स्लाइड प्रोजेक्टर हैव अब स्लाइड प्रोजेक्टर की बात करें तो स्लाइड प्रोजेक्टर में क्या हो रहा था कि बड़ी बड़ी चीज़ों देखने के लिए हम उसका यूज कर रहे थे मतलब कि छोटी इमेज को बड़ा दिखाता है वो है हाँ ना तो उसमें कौन सा लेंस लगा होगा तो एंड लास्ट इमेज कौन सा आपको लेंस दिखाता है तो हम बात करेंगे किस लेंस की कॉन्वेक्स लेंस की क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस के पास में अगर जितना भी इमेज रखा हो वो उसकी बहुत एंड इमेज क्रिएट करके देता है ठीक है

है ना आपको कैसी इमेज दे रहा है एंड लार्ज इमेज क्रिएट करके दे रहा है और कैसी इमेज क्रिएट करके दे रहा है इरेक्ट इमेज क्रिएट करके दे रहा है तो इस केस में वी और यू दोनों कैसे होंगे आपके नेगेटिव ही होंगे क्लियर है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं इमेज को उल्टा लगा रहे हैं वो हमें सीधी दिखाई दे रही है मतलब क्या हो रहा है उल्टी में सीधी दिख रही है मतलब कि एक्चुअल में ये इमेज को उल्टा कर दे रहा है है ना तो इसलिए यहाँ पर V और U दोनों क्या होंगे आपके लेफ्ट साइड पर ही हैं लेंस के दैट इज द रीजन कि यहाँ पर दोनों नेगेटिव होंगे अस्लाइड प्रोजेक्टर हैज अ कॉन्वेंट

अब बेसिकली हमें बताना है स्क्रीन कहाँ पर प्रोजेक्ट करें तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले तो हमें v की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी तो देखिए कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सबसे पहले हमें पता है फोकल लेंथ है 20 u हमें पता है माइनस ट्वेंटी क्लियर है यहां से हमने v की वैल्यू निकाली कितनी आई है फोर सेंटीमीटर तो इसका मतलब क्या हुआ कि फोर सेंटीमीटर के दूरी पर हमें स्क्रीन को प्लेस करना पड़ेगा स्लाइड सेंटीमीटर ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन अब यहां पर क्या हो रहा है हमने क्या किया है कि एक स्लाइड को फिफ्टीन सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस इन द प्रोजेक्टर ठीक है प्रोजेक्टर के लेंस के 15 सेंटीमीटर पर हमने स्लाइड को पेस्ट कर दिया एन इमेज इज फॉर्म विथ थ्री मीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस अब तीन मीटर पर जो इमेज है वो फॉर्म हो रही है अगर फोकल लेंथ फोर्टीन सेंटीमीटर है तो आपको इसका रे डायग्राम बना करके बताना है अब देखिए हमारा लेंस कौन सा है बच्चों के आ, आपका कॉन्वेक्स लेंस ही है ठीक है अब कॉन्वेक्स लेंस के केस में आपने क्या बना दिया ये बना दिया प्रिंसिपल एक्सेस ठीक है फोकल लेंथ कितनी है फोर्टीन सेंटीमीटर है और आपका ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर प्लेस्ड है आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 15 सेंटीमीटर पर प्लेस्ड है आई थिंक हाँ तो हमने इसको यहाँ पर प्लेट स कर दिया है क्लियर है तो इसकी इमेज कैसी बनेगी यही आपको बना बतानी है, तो ये सा हमने करके बतानी है. है तो बहुत आसान सा सवाल है, बच्चों, देखो, में, तो आपको केस टाइप, टाइप दिया जाता है बट घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है क्योंकि नॉर्मल सी ही चीजें आपसे पूछी जाती है बस थोड़ा सा क्लिक होना चाहिए तो उस क्लिक को जगाने के लिए हाँ, आपको प्रैक्टिस बहुत सारी करनी पड़ेगी और इन सारी प्रैक्टिस को करने के लिए आप स्टेप अप अकेडमी को अभी सब्सक्राइब करें क्योंकि हमारे पास सारे ऐसे प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन है जिनको करके आप एग्जाम में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स जरूर ला पाएंगे तो अब हम मिलेंगे आई होप आपको ये पूरा सैंपल पेपर का सोल्यूशन समझ में आया होगा हाँ, तो रुचि मैम अनन्या मैम और मेरी तरफ से थैंक यू सो मच इतनी पेशेंटली हमारे इस वीडियो को देखने के लिए ऐसे ही सारे वीडियो को देखने के लिए जैसा मैंने अभी कहा सब्सक्राइब करें चैनल और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और कमेंट जरूर करें स्टेप अप अकेडमी एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको नीट जेई सी ई टी क्लैट ये सारे ही ऑनलाइन स्टडीज़ के थ्रू मिल जाएंगे ट्वेल्थ और इलेवेंथ में भी फाउंडेशन कोर्सेज में भी सब कुछ यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन ओवरऑल करवाई जाती है ठीक है अगर आप चाहते हैं फ्री नोट्स या फिर आपको टेस्ट पेपर्स जितने भी सैंपल पेपर्स हैं सब आपको इजीली अवेलेबल हो जाए तो इसके लिए आप stepupacademy.ind.in अकेडमी डॉट आई एन डी डॉट इन ये हमारी वेबसाइट है इसे फॉलो करें चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू सो मच